जय हिंद गाइस, राम राम सभी को। तो गाइस, यूजुअली सभी लोग ये बोलते हैं कि आखिरी टाइम पे अपने को कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। मैं उन सभी से एग्री करता हूँ, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनको ये बोलना चाहूंगा कि आखिरी टाइम पे नया नहीं पढ़ना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको कुछ क्वेश्चन की ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप पूरे 6 महीने इंग्लिश पढ़ो और उसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, ये ग्रामर में आप वहाँ पे सब कुछ हॉस पॉस हो गया, ठीक है, सब कुछ मिक्स हो गया और आप क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो वो भी यूजफुल नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो कि एरर में भी काम आएंगी, ठीक है, मॉडल्स के क्वेश्चन आपके पक्का आते हैं गाइस। देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नोट डाउन कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो कि इस वीडियोस के थ्रू आपको लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, अगर आपको अपना इंग्लिश में खासकर बूस्टअप करना है स्कोर और जीएस में भी। मैंने सबकी ट्रिक बताई है इस वाली वीडियो के अंदर, 3 घंटे के आसपास की वीडियो होगी, बट मैं लिटरली बोल रहा हूँ इतनी ज्यादा हेल्पफुल होगी ना कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस डिफेंस में ऐसी वीडियो कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस वाली बात की। ठीक है, सबसे पहले मॉडल्स की ट्रिक आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से आपको करना है। ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस करवा रखे हैं वो मिस आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, तो आप वो टेलीग्राम नीचे ज्वाइन कर लेना, पर्टिकुलरली उसकी ट्रिक आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी किस तरीके से उस वाले क्वेश्चन करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, बस वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, कहानी कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके बाद है गाइज आपका पॉलिटिक, पहले क्रॉप्स वो ले लेते हैं, ज्योग्राफी लेके चलते हैं, क्रॉप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राबी क्रॉप, खारी क्रॉप, इसके एग्जांपल क्या है, कौन से सीजन में होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैपिंग के क्वेश्चन है, तो मैपिंग मैंने इसके अंदर कर करवा रखी है जो मतलब इंपॉर्टेंट है, खासकर हिमालयस वगैरह की। और आपको सॉइल के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, सॉइल क्या है आप क्लासिफिकेशन पढ़ के जाओगे, ब्लैक सॉइल, एराइड सॉइल, ये सब सॉइल, बट क्वेश्चन क्या आता है इंटरनेशनल वाला, हिस्टो सॉइल और इंसेप्टिव सॉइल, ये वाले जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोपिन क्लासिफिकेशन का एक पक्का क्वेश्चन आएगा, पक्का गारंटी, ठीक है, हर साल आ रहा है, इस साल भी आएगा। और पॉलिटी में प्रेसिडेंट और रिट से क्वेश्चन देखने के लिए पक्का मिलेंगे, वो भी मैंने यहाँ पे करवाया आपको। और आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, क्रॉप्स हो गया, सॉइल हो गया, होमोफोन्स। गाइज इंग्लिश में होमोफोन्स 2022 तक आते थे, 2022 के पेपर शायद सेकंड में आए हैं होमोफोन्स, तो वो आपको देखने के लिए अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो लिटरली बोल रहा हूँ वो 3-3-2 वाली जो ट्रिक है, मेरी ट्रिक है वो, उसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब आपको बस एक बार अंदाजा पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे ने जो बताया ये तुक्का बैठ रहा है, तुक्का है वो काइंड ऑफ, और वो बैठेगा क्योंकि एग्जामिनर जो सेट कर रहा है उसकी साइकोलॉजी पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वो हमेशा ही बैठेगा, बट 10 में से 8 क्वेश्चन वो बैठता है, ठीक है, और इतना अगर आप कर लोगे। और साथ साथ में मैंने इसके अंदर कुछ ट्रिक बता रखी है इकोनॉमिक्स की, और साथ साथ में एक इकोनॉमिक्स की मेरी ऑलरेडी वीडियो भी है, वो भी पूरी आप अगर देखना चाहें तो वो देखकर जा सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मतलब 45 मिनट की, बट उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके पढ़ा रखा है। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, उसके अंदर ऐसे ग्राफ हो गया, जैसे स्टेडली इंक्रीज, एनी, ओनली, जो ये वर्ड्स आते हैं इस वर्ड्स को कैसे डील करना है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, एक टेबल की चार्ट की फॉर्म में मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत कर देना इस वाली वीडियो को, 3-3.5 घंटे की होगी, मैं मानता हूँ इस वाली बात को, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, इस वीडियो को पूरा देख के जाना एग्जाम से पहले, चाहे 2x पे देखो, 3x पे देखो, आई डोंट केयर, बट इस वीडियो को देख लेना भाई, लिटरली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, बाय। में थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो है ना, 60% आपका दिमाग है और 40% मेरी ट्रिक काम करेगी, तो 100% हो जाएगा। ठीक है, अब आज मैं कौन कौन सी ट्रिक करवाने वाला हूँ वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, तीनों की ट्रिक बताऊंगा, इससे क्या है आपका 50-60% काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एरर की एक बताऊंगा और पार्ट ऑफ स्पीच की 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो और ये सब कुछ है आपका सिलेबस, मैंने पूरा यहाँ पे एक तरीके से लिख के दिया कि किससे कहाँ से किस 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 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये लास्ट टाइम से चेंज होने लगे हैं, पहले ये 10-10 क्वेश्चन ही आते थे, बट लास्ट टाइम से ये चेंज हो गया, तो अभी कुछ श्योरिटी नहीं है कि भाई 5-5 ही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक एरर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके मॉडल से क्वेश्चन आता है। अब मॉडल क्या चीज होती है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन है जो कि एरर के हर साल आ रहे हैं सीडीएस एग्जाम में। ठीक है, अब वो 2 क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आपका 100% वो ट्रिक काम करेगी और वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, पहली चीज की जो मॉडल है ये क्या चीज है, मॉडल्स जो होते हैं ये क्या चीज होते हैं। देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूं आपको, कॉन्सेप्ट यहां पर यही है कि जो भी चीज है यहां पर ये एक मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये एक एज एन हेल्पिंग वर्ब काम करता है और किसी के मूड को रिप्रेजेंट करता है, बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, और कुछ भी आपको पता नहीं करना है, बस इतना बेसिक आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, अब बोलोगे सर इसमें ट्रिक क्या है, देखो इसमें ट्रिक वैसे तो रूल्स हैं, केवल अगर 4-5 रूल मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, तो उससे सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली बात, जहां पे भी आपको शुड कुड ये वाली चीज़ें, देखो मॉडल्स होते क्या है, मैं आप एक बार लिख भी देता हूँ सारे मॉडल्स, जैसे कि कैन से स्टार्ट करते हैं, कैन, कुड, मे, वुड, शुड, मस्ट, ये वाले वर्ड्स जहां पर भी आपको एरर के अंदर दिखाई दें, ठीक है, मैक्सिमम एरर यहां पर होती है, मैक्सिमम एरर के जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडल से आते हैं सीडीएस में, मैं सीडीएस की एग्जाम की बात कर रहा हूं, और आप इसको एनडीए में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आते हैं। अब जैसे कि आपको यहां पर सेंटेंस दिखा, मैंने ये सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर यह बोल रहा है, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शुड,
देखो जब भी कभी वुड जो है ये पास्ट के लिए आता है, वुड किसके काम के लिए आता है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले थोड़े से ना पीछे जाके कुछ रूल्स बता देता हूँ ताकि आपको एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ समझ में आ जाए। पेन एक दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन पेन। देखो कैन कहाँ पे यूज होता है, कैन और कुड ये दोनों एबिलिटी को शो कर रहे हैं, बट एक पास्ट में कर रहा है, जो कुड वाला है ये पास्ट में कर रहा है, कैन वाला प्रेजेंट में कर रहा है, बस इतना बेसिक आपको बताना चाहिए। देखो इसका एक एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही कैन, अगर कहीं पे भी कैन लिखा रहा है ना तो वो प्रेजेंट के लिए आ रहा है। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। प्रेजेंट की बात कर रहा है, कुड कहाँ आएगा, जैसे कि ले लेते हैं जैसे सी इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत टायर्ड थी, तो शी कुड नॉट मेक, या फिर कुक फूड, कुक फूड, तो वो यहाँ पे वुड कुड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कुड, क्योंकि वो टायर्ड थी, सी वाज, क्योंकि यहाँ पे पास्ट आ रहा है, पास्ट के लिए कुड आता है। ठीक है, अगले समय। अब देखो जहाँ पे भी आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाए वहाँ पे आग बंद करके मे पे तुक्का मार देना, 100% सही होगा, 100%। यहाँ पे 99 नहीं बोल रहा, पूरा ही सही होगा। मे यहाँ पे पॉसिबिलिटी, परमिशन या विश को शो करता है, जैसे कि आपने अपने कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम पे यूज़ करा होगा, मे आई कम इन मैम, ठीक है, ये परमिशन मांग रहा है। वैसे अगर पॉसिबिलिटी की बोल रहा हूँ तो इट मे रेन टुडे, है ना, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मे तो पॉसिबिलिटी है। विश जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये विश हो गया। जो वुड है ये कहाँ पे यूज होता है, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर पास्ट की हैबिट बताऊं तो जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, तो मैं अपने चाइल्डहुड में वुड, यहाँ पे वुड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अपने पुराने, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, और मेरी हैबिट थी क्या, मैं क्रिकेट खेलता था मैं, ठीक है, तो आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या आएगा, जैसे कि रिक्वेस्ट करना, और जैसे रिक्वेस्ट में क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल कुछ भी आप ले ले सकते हो, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, किसी से भी पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, जैसे वुड यू डू दैट, जैसे वुड यू डू दैट, या जो भी काम है तो वुड यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इसमें, देखना क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा तो वुड आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो मे आएगा। शुड में एडवाइस होती है, शुड में जैसे कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने आपको ये दोनों देखो एडवाइस है, दोनों में एडवाइस आ रहा है, बट एक के अंदर कंपलसरी है कि आपको सुबह उठना है। अगर मैं बोलूंगा यू मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, तो मस्ट मतलब कंपलसरी उठना ही पड़ेगा, है ना, और अगर मैंने शुड लगाया तो मतलब क्या है कि भाई उठ भी सकते हो, आपके ऊपर है, आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो ये ऊपर के दो और बीच के दो, ये पेयरिंग में याद करो, ऊपर के दो अलग याद करो, बीच के दो अलग याद करो, और लास्ट के दो अलग याद करो। ठीक है, आगे चलें। चलो अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको यहां से रब करता हूं मैं। देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में एक बार इसको जस्ट ट्राई करो अपने खुद से, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिए हैं, और इससे दो क्वेश्चन सही होंगे तो यार कर लेना चाहिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सेम काम करता। तो अब यहाँ पे शुड है तो ये इसको एडवाइस दे रहा है, यहाँ पे पहले लेते हैं, यहाँ पे शुड आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, इसको एडवाइस दे रहा है, नहीं यार, है ना, तो ये अपने पास्ट पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात मैंने क्या बताया था, वुड आता है जब भी कभी पास्ट की कोई हैबिट वगैरह होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन करो, फिर से सेम है। देखो द ट्रेन शुड अराइव, यहाँ पे शुड है, अराइव एट मतलब इतने टाइम पे आनी चाहिए इन द मॉर्निंग, बट इट इज ऑलमोस्ट एन आवर लेट। अब जब लेट हो गया तो पास्ट की बात हो गई, और पास्ट में देखो शुड ये एडवाइस थोड़ी ना दे रहा है कि ट्रेन को मतलब इस टाइम पे आना चाहिए, उसको आना ही चाहिए, उसकी वो एबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ से पास्ट से भी आप इसको लेट कर सकते हो, पास्ट से भी लेट कर सकते हो। देखो अगर किसी को ये वाले रूल नहीं आ रहे समझ में, मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पर ऐसा अगर 100 बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो 80 को बात समझ में आ रही होगी, 20 को नहीं आ रही होगी, मेरे को इनसे बात करनी है। भाई जिनको नहीं आ रही ना वो सीधा दिमाग ये लगाना कि जहाँ पे भी शुड ये वाले आपको वर्ड मिल जाए, शुड मिल जाए, कुड मिल जाए, मस्ट मस्ट मिल जाए, मे कैन कुड ये सब मिल जाए, तो वहां पर आप उस वाले पार्ट में आप एरर मार देना कि भाई इसका आंसर ए होगा, खत्म बात। ठीक है, जिसको आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा मैं उसके लिए वाली चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, इसको मैं सर्व कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द चेयरमैन मेड इट क्लियर एट द मीटिंग दैट ही विल नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजिशन, तो ही विल नॉट स्टेप डाउन, वो अपनी ही वुड, यार विल थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे वुड आएगा, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन लिए मैंने, हर साल दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन करो, दैट वॉज वेरी डेंजरस, यू माइट हैव बीन किल्ड, एक सेकंड रुकना, इसका मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे वो देखो किसी को कुछ नहीं पता, माइट आ रहा है तो यहीं पर ही एरर होगी, कहीं पे बी वाले पार्ट में माइट की जगह क्या आएगा, कुड आएगा, मतलब जिसको नहीं आती, जिसको अब जो पकड़ पा रहा है वो पकड़ पा रहा है, जिसको नहीं आ रही अच्छी बात है, दोनों दोनों लोगों की अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट टाइम है। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा रामबाण नहीं बता सकता, बस थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र टाइप। ठीक है, लास्ट जो वेपन होता है, ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है, लास्ट वेपन। तो ही टोल्ड द बॉय दैट इफ दे वर्क हार्ड दे विल श्योरली पास, अब बताओ यहाँ पे कहाँ पर होगा, सेम है जहाँ पे आपको विल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वुड होगा इसकी जगह, खत्म बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बताओ। चलो अब यहाँ पे एक सेल यहाँ पर आ रहा है, एक सेल यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे रूल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको रूल बताए थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको रूल बताए थे, और अगर किसी को नहीं भी आता, देखो ए और सी में से अब मैक्सिमम टाइम आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको डिपेंड करता है, बट सी पे आप ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है,
और देखो ये सब रूल्स हैं, लेकिन इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, इसका बताओ। देखो ये क्वेश्चन लगातार तीन बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन लगातार तीन बार रिपीट हुआ है सीडीएस के अंदर, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन तो होगा नहीं। देखो जब भी कभी भी ट्रेन के कंपार्टमेंट की बात करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रूम बोलते हैं, कि छोटी जगह होती है, कंपार्टमेंट की बात कर रहा है। देर इज नो प्लेस इन द इन दिस कंपार्टमेंट, तो उसको प्लेस नहीं बोलेंगे, उसको जगह नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रूम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये भी सीडीएस में अगेन रिपीट हुआ है, और ये एनडीए में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, उनको क्वेश्चन मिलते नहीं है तो इधर उधर रिपीट कर देते हैं। कंपार्टमेंट, जहां पे भी आपको वर्ड कंपार्टमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पे रूम आता है, ठीक है, या तो उसकी जगह सीट भी आ सकता है, क्योंकि कंपार्टमेंट के अंदर क्या होती है, जब ट्रेन के डब्बे के अंदर सीट्स लगी हुई होती हैं, वहां पे प्लेस नहीं होता, प्लेस वाला वर्ड नहीं आएगा, वही देर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे प्लेस आ गया, तो यहाँ पे या तो सीट आएगा या फिर रूम आएगा, दोनों में से कुछ आएगा, प्लेस नहीं आएगा, ठीक है। इतना आगे समझ में आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको छोटी सी चीज और बतानी थी, पहले पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज बता देता हूँ। देखो एक सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स और आपके एंटोनिम्स और ईडियम एंड फ्रेजेस, इन तीनों की आपको वीडियो मिल जाएगी। इसकी एक कंबाइंड वीडियो है, इसका नाम है नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका है कहानी कॉन्सेप्ट, कहानी, उसमें कहानी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये अपनी, क्योंकि मैं इसमें करवा नहीं रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये दो वीडियो है, ये 20 मिनट की है या 20 से 30 मिनट की है, ये भी 20 से 30 मिनट की है, 2x पे जाके देख लेना। और अगर किसी को ना मिले तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जरूर से टेलीग्राम का लिंक जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कंपलसरी है ये तो आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पे मैं दोनों वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, है ना। तो इसके अंदर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाना, जैसे आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो यहाँ पर आपको एक तो इंग्लिश की ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर, और एक यहाँ पे मैपिंग की मिलेगी, इसको छोड़ देना अभी फिलहाल के लिए, ये वाली। इसके अंदर 49 वीडियोज़ हैं, इसके अंदर मैंने साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रखे हैं। इकोनॉमिक्स की तो केवल एक ही वीडियो है, और ये 40 से 50 मिनट की है, उसी अकेली वीडियो से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की 3 या 3.5 घंटे की वीडियो है, और साइंस के तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वाली दो वीडियोस की बात कर रहा हूँ। पहली वीडियो ये है जिसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से एंटोनिम और सारे सिनोनिम्स को किस तरीके से करना है, एक तो ये वाली वीडियो है, और एक शायद वो यहाँ पर ये रहा, लास्ट वाली जो वीडियो है ना, ये रही कहानी कॉन्सेप्ट, ये आपको दिख रहा होगा कहानी कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे ईडियम एंड फ्रेजेस होंगे। आगे चलते हैं, और ये रही इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स किस तरीके से, और ये फिर यहाँ पे ये सब, ये सारे पार्ट्स हैं, ये साइंस का वर्क है। अभी आप इसमें कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो गाइस अब है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं पढ़ाने लगूँ ना तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, लेकिन इतना है कि आपके दो क्वेश्चन सही करवा दूंगा मैं। अगर कंजक्शन या इंटरजेक्शन आता है कभी भी ऑप्शन में, तो ये पक्का 100% गारंटी के साथ आपके सही होंगे, अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो कर लिया तो, ठीक है। चलें, देखो देखो कंजक्शन क्या होता है, जो भी चीज़ किसी दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रही है, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा एंड दूसरा सेंटेंस लिख दिया, इसको बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि आइदर डैश और डैश, तो ये कंजक्शन है, ठीक है। और जैसे कि कुछ लिखा बट फिर उसके आगे लिख दिया, तो ये कंजक्शन होते हैं गाइस। आगे सुन में, तो देखो कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, देखो एंड है, बट है, और है, सो है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, येट ऑल्दो। येट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया, येट ये क्या चीज़ है, ये आ सकता है एग्जाम, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। TDS 2019 का 2 वाला पेपर है, इसमें देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है जैस्मिन एंड रोज आर माय फेवरेट फ्लावर्स, तो एंड है ना, देखो एंड, तो इसने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वर्ब है ये नहीं है, कंजक्शन है ये, अभी मैंने आपको बताया ना कंजक्शन का। तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 सेकंड में, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ये है CDS 120 वाला, इसमें देखो गाइस नीचे कहाँ पर है, तो गाइस ये रहा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, करो इसको खुद। देखो गाइस इसमें भी दो सेंटेंस जोड़े गए हैं, देखो रवि वाज डिक्लेयर्ड एज ए विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर्सेज एंड सिक्सेज, देखो फोर और चौके छक्के उसने सबसे ज़्यादा मारे हैं, ठीक है ना गाइस। देखो इसमें क्या, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। मतलब आपको समझ में आ गया ना कि एक क्वेश्चन कंजक्शन और इंटरजेक्शन का आता है। देखो अभी इंटरजेक्शन पढ़ाता हूँ, देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन देखो क्या चीज़ है, इंटरजेक्शन हमारी एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को, मतलब सरप्राइज हो, पेन हो या प्लेजर हो, अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है ना, तो
वो चीज हम एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ वो आते हैं वर्ड, जैसे हुर्रे हम जीत गए मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, वाओ कितनी अच्छी चीज है, ओ मतलब ये मतलब आश्चर्य टाइप होता है ना, सरप्राइज, ओ ये क्या हो गया, इस तरीके से अल्लास भा, मतलब ये वाले जो वर्ड्स हैं ये वाले। और देखो ये भी हैं कुछ, अब बोलते हैं ना कॉन्ग्रेट्स है ना, ब्लेस यू, क्रिकी, मतलब ये सब क्या है, ये वर्ड जो वाले वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, एक पहचान तो ये है, कभी कभी नहीं भी लगा होता है, जरूरी नहीं है कि लगा हुआ हो गई, ठीक है ना। देखो उनके क्वेश्चन दिखाता हूँ जो सीडीएस में आए हुए हैं, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, पेन कैसे रहेगा, देखो हुर्रे आ रहा है ना इसमें, हुर्रे है ना, तो जैसे आपको हुर्रे पता चल जाएगी तो ये इंटरजेक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन सही होने लायक ही है यार, मतलब इसमें मेरे को कोई इसमें रूल और रेगुलेशन नहीं आ रही है, ठीक है ना, कुछ भी इजी है सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ देखो प्रीवियस ईयर का, कहाँ चला गया, ये रहा गाइस देखो 61th क्वेश्चन क्या, देखो हुर्रे वी वॉन द गेम, ठीक है, तो ये क्या हो गया इंटरजेक्शन, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए ना तो कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का। देखो इस वाले मैं सोच रहा हूँ वाला पूरा पेपर ही करवा देता हूँ, ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें आपको पता चल जाएगा ना। देखो रीता एट्स हर डिनर क्विकली, तो रीता ने क्या चीज़ किया, ये इसका काम है ना, मतलब ये काम है ना, इसका कार्य कर रही है ना, तो ये क्या हो गया वर्ब हो गया, तो जो भी वो कुछ काम कर रहा होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। अगला देखो ही थॉट द मूवी एंड एड्रप्टली, ठीक है, देखो मूवी थी ये, इसकी विशेषता बता रहा है किसकी, मूवी की, कैसे, बहुत ही खतरनाक तरीके से, एकदम मतलब गंदी है ना, तो इसकी जो कि वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे एडवर्ब, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला देखो आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ द अगस्त इन, यार ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं, इन या फिर थ्रू या फिर जैसे द एंड, ये सब प्रीपोजिशंस में आते हैं ना, ये प्रीपोजिशंस हैं, और ये मैंने आपको बताया था एंड था, कंजक्शन था, ये तो हो गया। इसका देखो शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चन, देखो ट्रूथफुली कैसा आंसर दिया उसने, मतलब सच कैसा आंसर, वो उसका ये काम हो गया, ठीक है, और उसने आंसर क्या दिया ट्रूथफुली, तो इसका इसकी विशेषता बता रहा है ना ये, तो एडवर्ब हो गया, मतलब इसकी वर्ब की, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, मतलब वो कैसी थी वर्ब, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दे तो एडवर्ब हो जाती है, ठीक है ना गाइस, तो ये एडवर्ब हो गई। आगे चले, ये हो गया हमारा, इसका देखो द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर, देखो राइट्स तो काम हो गया, मीनिंगलेस अभी बोलोगे कि ये एडवर्ब है, नहीं ये लेटर की विशेषता बता रहा है, तो लेटर क्या है यहाँ पे, तो लेटर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा गाइस। गाइस अभी मेरे पास ना टाइम, मतलब टाइम नहीं है रूल इतना कि मैं डीपली अंदर घुस के बताऊँ, कभी फुर्सत में ना मतलब इतना मजे दिलवा दूंगा ना आपको कि मजे आ जाएंगे। ये तो ये देखो, हाँ देखो गाइस हिमसेल्फ, वो खुद, ये तो बहुत आसान होता है यार, ये तो कोई बता देगा कि प्रोनाउन है, क्योंकि जो भी ऐसी जगह आते हैं हिमसेल्फ ही शी, मतलब इस टाइप के वर्ड जो कि किसी के नाम की जगह पे आ जाए, जैसे हिमसेल्फ वो खुद ही चला गया अफेक्टिव अफेक्टेड फैमिली से मिलने के लिए, विजिटेड, ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रोनाउन होते हैं। आगे चलें, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो थ्रू बताओ वर्ब है ये, नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, एडजेक्टिव है ये, यार थोड़ा सा नहीं आता ना, तो ऐसे करके देख लो, तो ये प्रीपोजिशन होगा मेरे ख्याल से, सही है ये, हाँ ठीक है ना। इसका देखो हाँ, द प्रोसीडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डाइस, देखो स्लोली कैसे वॉक किया, ये काम हो रहा है काम, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है कैसे, स्लोली, तो एडवर्ब हो गया। मतलब यार इतना आसान था यार ये सब ना, इसको पढ़ाने के लिए ना लगता है टाइम, ठीक है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, लेकिन कैसे मैं आपको बताऊँ कि ये रूल्स इसके रेगुलेशंस नहीं पढ़ाए मैंने, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप मेरी समझ पा रहे हो कि मैंने किस तरीके से बताया तो वेल एंड गुड है, वरना तो आप जो आप तरीके अपना रहे हो वही अपनाओ, लेकिन मेरा तरीका था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, तो गाइस पॉलिटी के अंदर ना मैं पढ़ाऊंगा आपको रिट्स, याद हो जाएंगी गाइस, एक ही बार पढ़नी है बस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप, और एक प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ पी के ऊपर ऐसे रहो, ठीक है ना, क्योंकि राजा है ना ये, हाँ ठीक है ना, प्रेसिडेंट और रिट्स, मतलब आज के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली बात तो ये कि रिट होती क्या चीज़ है, देखो रिट कुछ नहीं है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है ना, ऑर्डर टाइप होता है, तो देखो स्टेट में अलग होता है, सेंटर में अलग होता है, स्टेट में आता है सुप्रीम कोर्ट, ये तो सभी को पता होगा, सेंटर में आता है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में क्या आता है हाई कोर्ट, ठीक है,
इतना तो सभी को खैर पता ही है, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, ठीक है। देखो इनके आर्टिकल याद रखना है, ये 32 में आती है और ये आती है 226 में, ठीक है। अब पहली बात करेंगे इनके एरिया की, दूसरी बात करेंगे हम इशू, और तीसरी बात करेंगे कि मैंडेटरी है कि नहीं है, मैंडेटरी है कि नहीं है, तीनों की बात, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, देखो गाइस, मतलब ये क्या है, ये पूरे इंडिया टेरिटरी के अंदर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू आउट इंडिया टेरिटरी, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, इंडिया, इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी इसको लागू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये कहाँ कर सकती है, ओनली ज्यूरिडिक्शन, जो भी इसका ज्यूरिडिक्शन एरिया होगा वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर इसका हो गया, ये हो गया इशू। ये किस किस के खिलाफ कर सकती है, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के खिलाफ, ठीक है। ये किसके खिलाफ कर सकती है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, ऑर्डिनरी लीगल राइट के खिलाफ, ठीक है ना गाइस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब आता है मैंडेटरी, मैंडेटरी है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है ये, सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, लेकिन हाई कोर्ट मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट्स, मतलब मे रिफ्यूज, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, हाई कोर्ट मना कर देगा आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, या फिर रिफ्यूज कर देगा कि हम तो नहीं ले रहे फंडामेंटल राइट के खिलाफ या फिर लीगल राइट के खिलाफ, मना कर सकता है हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है ना गाइस। पहली चीज तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, रिट्स को पढ़ने से पहले काफी लोग को पता नहीं होता कि ये क्या है, क्या चीज है। दूसरी बात कि इसको कहा था हर्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा है ये बताओ, ये कहा है भीमराव अंबेडकर, बीआर अंबेडकर, ठीक है ना गाइस, नोट डाउन कर लेना इसको, हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है रिट्स को, बीआर अंबेडकर ने, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, आगे चलो, रिट्स को याद हो जाएंगे गाइस, आज के बाद आप रिट्स ना कभी भूलोगे नहीं। देखो पहली रिट्स का नाम है हैबियस कॉर्पस, देखो मैं एक टेबल बना देता हूं ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए वो, है ना, यहां पे मैं इसका मीनिंग लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि वो किसके अगेंस्ट है, क्या हो गया, किसके अगेंस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका यूज या रीजन, यूज बोल लो या तो फिर उसका रीजन बोल लो, ठीक है, रीजन, ठीक है। देखो गाइस पेन चेंज करते हैं, पहला है हैबियस कॉर्पस, देखो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, ये किसके अगेंस्ट होता है, ये किसके अगेंस्ट होता है, ये होता है पब्लिक, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट हो, दोनों के खिलाफ होता है। मतलब जैसे कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो कोर्ट बोलेगा कि उस बंदे को पकड़ के लेके आओ जिसने वो गलती करी है, ठीक है ना, तो लीगलिटी ऑफ डिटेंशन गाइस नोट डाउन करते रहना, ये लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए लीगलिटी ऑफ डिटेंशन 24 घंटे के आगे अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। अगला क्या है, कलर से लिखते हैं दूसरे, अगला है मैंडेमस, मैंडेमस, मैंडेमस को याद रखो माँ से, मतलब ये ट्रिक बोल लो आप इसको, ठीक है ना, माँ से, क्यों, क्योंकि माँ हमेशा कमांड करके रखती है ना, हमारी माँ हमको कमांड करके रखती है, याद हो गया, वी कमांड, तो जो घर में मम्मी लोग होती हैं उनकी थोड़ी चलती है, कमांडिंग है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज, मम्मी की सिर्फ कहाँ पे चलती है, पब्लिक में, प्राइवेट में नहीं चलती है ना, मतलब इस तरीके से यार याद करने की ट्रिक है। तो पहली चीज तो ये कि जो मैंडेमस है वी कमांड और केवल पब्लिक में चलेगी, वो कहाँ पे, ऑफिशियली ड्यूटीज में। रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन है ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब बताता हूँ, देखो इसका, देखो सबसे पहली बात तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ही लेके आएगा इसको, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ लेके आएगा, किसके खिलाफ लेके आएगा इसको, मतलब जो भी अपना कोई काम नहीं कर रहा, जैसे कोई ऑफिसर है वो अपना काम नहीं कर रहा, या फिर कोई अथॉरिटी वो अपना काम नहीं कर रहा, ऑफिशियल ड्यूटी काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ होता है। ये रीजन मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। मैंडेमस मतलब माँ, वी कमांड, पब्लिक में चलती है और ऑफिशियल ड्यूटी, हो रहा है ना याद गाइस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ
24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। देखो अगला है, एक है प्रोहिबिशन, ठीक है, और एक है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी तो गाइस देखो, ये दोनों, इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाता हूँ। क्यों, देखो इसका रीजन क्या है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड, टू फॉरबिड, इसका मतलब है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, रोकना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ देगा, छोटे कोर्ट के लिए, या फिर ये बोल सकते हो हायर कोर्ट। इसको इस तरीके से लिखो, सुप्रीम कोर्ट मत लिखो यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा, ये लिख लो। हायर हाई को, हायर और हाई कोर्ट में गाइस डिफरेंट समझना। हायर मतलब बड़ा कोर्ट, एच हायर कोर्ट देगा लोअर कोर्ट को, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, केस इज गोइंग ऑन, केस चलता रहेगा, केस इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। उसको उसको मना कर देगा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको दे सकता है, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट किसको दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको दे सकता है, जो भी लोअर कोर्ट होते हैं, और भी लोअर कोर्ट होते हैं ना, उन सबको। तो इस तरीके से सिक्वेंस ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है सर्शोरारी। सर्शोरारी क्या है, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड क्या है, मतलब देखो ये भी हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को ही देगा, सेम प्रोसेस है ये, और ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। लेकिन ये क्या करता है, या तो उसको ट्रांसफर कर देता है उस वाले केस को, या क्वैश कर देता है। क्वैश का मतलब पता है क्या है, खत्म कर देगा, वो खुद ले लेगा उसको, मतलब इसका कोई केस चल रहा है उसको क्वैश कर देगा उसके रिजल्ट को, और अपने आप फिर रिजल्ट दे देगा। तो टू बी सर्टिफाइड गाइज, इतना आगे समझ में। अब मैं एक चीज लिखने वाला हूँ ग्रीन पेन से, या फिर कौन से लिखूँ, इससे लिखता हूँ चलो, ताकि ये याद रहे। देखो गाइस इसका नेचर जरूर पूछेगा, इसका नेचर कौन सा होता है और इसका नेचर क्या होता है। देखो इसका नेचर है प्रिवेंटिव, क्या है प्रिवेंटिव, इसका नेचर क्या है, प्रिवेंटिव तो है ही, प्लस एक और है क्या, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव देखो सीसी याद रखना, क्यूरेटिव सीसी प्रिवेंटिव। देखो प्रिवेंटिव तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें यही पूछेगा कि सर्शोरारी का नेचर कैसा है, क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव मतलब अगर कुछ गलत भी हो जाता है, क्योर का मतलब क्या होता है, कुछ गलत हो गया तो उसको सही करना ना, तो उसको गलत करके क्वैश कर देगा और उसको फिर सही डिसीजन दे देगा। तो क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है, और यहाँ पे केवल केवल क्या है, प्रिवेंटिव है। गाइज अगर समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा से बता रहा हूँ, हैबिस कॉर्पस आ गया समझ में, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये पता है, ये पता है, ये पता है। माँ का आ गया, माँ क्या करती है, वी कमांड, पब्लिक में करेगी ऑफिशियल ड्यूटी। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ठीक है, हाई कोर्ट एक लोअर कोर्ट को देगा, केस इज गोइंग ऑन। सर्शोरारी टू बी सर्टिफाइड, नेचर क्या बता दिया मैंने, क्यूरेटिव है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्रांसफर कर देता है या क्वैश कर देता है, ठीक है। एक लास्ट और बच गया, क्यू आर एन टू, कहाँ लिखूँ, यहाँ नहीं आएगा गाइस, लिखा नहीं जा रहा, यहाँ लिखता हूँ, देखो क्यू वारंटो, इसका वो क्या है, मीनिंग क्या है इसका बताओ, कलर दूसरा लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यों वारंटो, तुमने क्यों उठा लिया हमें, तुम किस अथॉरिटी से हमको हाथ लगा सकते हो, इस तरीके से क्यों वारंटो। और ये कहाँ लगेगा, केवल केवल पब्लिक के अंदर, ठीक है। और जैसे कि समझो इसका एग्जांपल कैसे दूँ मैं, इसका रीज़न से 62 एज है, ठीक है ना, लेकिन वो 65 तक वो कुछ बन गया, समझो 62 किसकी एज होती है, जैसे कुछ भी मान लो 62 किसी की भी एक ऑफिशियल की पोस्ट है, लेकिन वो 65 तक कर रहा है, तो किस वारंटी से, मतलब क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी वो वहाँ पर है, ये हम पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। तो ये सारी की सारी गाइस रिट्स हो गई, अगर आपको समझ में आई वाली रिट्स, देखो दोबारा से अगर बता रहा हूँ, हार्ट एंड सोल किसने, बीबर अंबेडकर ने बोला, 32 226 एरिया इशू और मैंडेटरी किसके लिए, केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ कर सकता है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और यहाँ बता दिया मैंने टेबल बना के, मीनिंग किसके अगेंस्ट होती है, गाइस पक्का आता है, किसके किसके अगेंस्ट होती है, प्राइवेट और पब्लिक, मतलब हैबिस कॉर्पस तुम किसी प्राइवेट कंपनी कोई अगर तुम्हारा वो कर रही है तो प्राइवेट पे भी लग सकता है, ठीक है। मैंडमस पब्लिक पे लगेगा, प्राइवेट में नहीं लगेगा, ठीक है। और ये सब हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। मतलब आपको मैंने पूरा पूरा रिट्स पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट, मज़ा आ जाएगा। देखो देखो प्रेसिडेंट आता है पार्ट फाइव के अंदर, पार्ट फाइव के अंदर ना,
बहुत सारी चीज़ आती हैं। एक आता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन या फिर एग्जीक्यूशन बोल लो जो भी है। एक आता है लेजिस्लेटिव, मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसको मैं पीटी लिखता हूँ, पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जुडिशरी आती है पार्ट के अंदर, मतलब ये पार्ट फाइव के अंदर ये सब आता है, ठीक है ना। और ऑडिटर जनरल आता है, ये सब छोड़ दो, ये सब तो बात का पार्ट है, ठीक है। देखो ये कौन सा आर्टिकल होता है, 52 से लेके 78 तक एग्जीक्यूशन आता है। इसके अंदर भी एक तो प्रेसिडेंट आ गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, फिर अटॉर्नी जनरल आ गया, ठीक है। इसके आर्टिकल 52 से लेके 62, वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेके 69, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 से लेके 75, ठीक है। और बीच के जो रह गए मैं वो कवर अप करवा दूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मतलब मजा आ जाएगा। इसमें से आप ये मान लो अगर एक भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वो प्रेसिडेंट में से आता है। हर बार प्रेसिडेंट में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीडीएस के अंदर, हर बार फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट कितने आर्टिकल हैं इसके, 52 से लेके 52 मैं लिख रहा हूँ, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। देखो मैं याद ही करवा दूंगा आपको। देखो इसके अंदर क्या दिया गया, इसकी डेफिनेशन देगी प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट समझ में आ रहा है ना, पी मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी इसकी पावर दी गई है, इसके पास पावर कौन सी है, एग्जीक्यूशन पावर कौन सी, 53 के अंदर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो चार, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, चार आता है ना, चार तो आचार इस तरीके से रखा है, तो ये इसका इलेक्ट्रोल हो गया, जो इलेक्शन के लिए गया, तो ये अचार बेच रहा है, इस तरीके से मैंने ये याद कर रखा है, ठीक है ना, अचार टाइप। देखो पाँच पाँच, जब भी कभी ऐसे होता है ना, तो एक ऐसा नहीं होता, रीति रिवाज टाइप, रीति रिवाज, तो जो रीति रिवाज होते हैं पाँच पाँच, तो मैनर हो गया यहाँ पे, मैनर कैसे इसका वो होना चाहिए, इलेक्शन, इलेक्शन का मैनर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑफिस पाँच से छः क्या होता है, ऑफिस होता है ना किसी का भी, पाँच से छः बजे तक उसका ऑफिस खत्म हो जाता है, तो ऑफिस का टर्म्स, ठीक है। आगे समझ, ऑफिस का टर्म कितने साल का होता है ये दिया है। देखो सात, सात है, सात, इस बार हम आपका साथ नहीं देंगे, इस तरीके से बोल रहा हूँ ना। तो इसमें होता है री इलेक्शन, क्या होता है री इलेक्शन, 57 में क्या होता है री इलेक्शन, ठीक है, कि वो री इलेक्टेड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये दिया गया है। और आठ में हो गई क्वालिफिकेशन, ये तो ईजी है। देखो नौ, नो एन ओ नो, और नो एक सही लग रहा, नो शर्त, ऐसे इस तरीके याद कर रखा है कि इसकी शर्त क्या होती है, ठीक है ना। और ओ से हो गया ओथ, यहाँ पे भी ओ आ रहा है, यहाँ पे भी ओ आ रहा है ओथ, ठीक है। और देखो आई इम्पीचमेंट, गैस अगर याद हो रहा है ना तो मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना। 61 इम्पीचमेंट, 62 क्या हो गई वैकेंसी, ठीक है। आगे चलें, ये सब तो हो गए वैसे वैसे। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 72 है, 111 है, 112 है, 123 है और 143 है। गैस ये आर्टिकल्स हैं, मैं आपको याद ही करवा रहा हूँ। देखो 72 में होता है पार्डन, पार्डनिंग पावर होती है। देखो मजाक मत लेना, टैबलेट खाई है, मतलब टैबलेट आती है, खाई क्या है मैं, सॉरी टैबलेट आती है अनवांटेड 72, ऐड भी आता है इसका, अगर कोई समझ गया तो सही बात है। देखो अनवांटेड 72 प्रेगनेंसी के लिए होती है, अगर आप कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी है ना, मतलब समझ गए ना, समझदार हो वैसे आप लोग। देखो पार्डन, पार्डन का मतलब होता है अनवांटेड 72, अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ी हो जाती है, तो पार्डन वहाँ से पार्डनिंग पावर याद रहेगा 72 पार्डन पावर, ठीक है। 111111 तीन वीटो पावर है इसकी, पावर वीटो पावर कितनी है तीन, एक एक एक। 111 में क्या आता है वीटो पावर आता है, क्या आता है वीटो पावर आता है। और 112 में क्या आता है बजट आता है, यूनियन का बजट, अभी बजट रिलीज भी हुआ है, ठीक है ना। 112 में क्या आता है बजट आता है। और 123 में क्या आता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस सब कुछ बताऊंगा गाइस मजा आ जाएगा। देखो ऑर्डिनेंस 123 में क्या आता है ऑर्डिनेंस, 143 इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। देखो 143 आई एल ओ वी ई वाई ओ यू, आगे सुन में आई लव यू, इसका मतलब क्या है, मतलब जो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, मतलब देखो स्टोरी बताऊँ, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसको किसी एक लड़की से प्यार हो गया, ये लड़की है गाइस, ऐसे याद हो जाता है ना एक बार, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ये लड़की है, मैं इसके बाल बना दिए थोड़े गंदे से बन गए, तो इसको उससे लव हो गया, तो कौन सुप्रीम कोर्ट का जज इसको क्या एडवाइस देगा, तू अपना एक पर्ची पे नंबर लिख के इसको फेंक दे,
है ना। तो ये इस पे एडवाइस तो देगा, इसको एडवाइस देगा, बट इस पे बाध्य नहीं होगी, है ना, बाध्य मतलब कंपलसरी नहीं है इसके ऊपर। तो हो गया, 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो है जज, वो इसको क्या देगा, एडवाइस देगा, बट इस पे वो बाध्य नहीं होती। आगे समझ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, आगे चले। तो गाइस सबसे पहले आते हैं इसमें क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में सबसे पहले देखो इसकी एज होनी चाहिए 35 से बड़ी, और लोकसभा में जो जो लोकसभा की मेंबरशिप की वो होती है वो इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है, और बस, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो सभी में होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो इतना कुछ है नहीं, बस एज याद रखना 35 साल से बड़ा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, और लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इसके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले पढ़ेंगे हम गाइस वीटो पावर। वीटो नहीं, मैं सोच रहा हूँ पार्डिंग, पहले पार्डन पढ़ा देते हैं, वो आसान रहेगी आपके लिए। मिट जा 72 में है पार्डन, ठीक है ना। देखो गाइस पार्डन का मतलब होता है माफी देना, पांच टाइप की पार्डन है, एक है, पहला है पार्डन नॉर्मल, अगर प्रेसिडेंट ने ये बोल देना कि पार्डन, पार्डन मतलब अगर कोई जेल के अंदर है, समझो ये आदमी है, ये जेल के अंदर बंद है, ये जेल है, इसके अंदर ही बंद है, तो इसको अगर पार्डन बोल दे तो ये फ्री हो जाएगा, फ्री फ्री फ्री, बस ऐसा ही लिख लो अपने माइंड के अंदर, मतलब लिख लो कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, ठीक है। अगर उसने पार्डन दे दिया प्रेसिडेंट ने किसी भी कैदी को, तो वो कंप्लीटली फ्री हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन बोल लो या आप इसको बोलो सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से याद रखता हूँ, कम्यूटेशन इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अगर कोई जैसे बड़ी है, बड़ी मतलब जैसे समझो उसको डेथ मिल रही थी, डेथ सेंटेंस मिल रहा था, तो हमने उसको छोटी दे दी, छोटी मतलब 10 साल की, 10 ईयर्स की जेल दे दी, ऐसे ही बना लेना याद तभी होगा। कोई भी एक बड़ी थी, बड़ी उसको मतलब बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सजा दी थी डेथ, लेकिन उसको छोटी कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया छोटी से, तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसका नाम क्या है कम्यूटेशन, दूसरी के नाम क्या है कम्यूटेशन, याद कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिख लो इसको, विद सब्स्टिट्यूशन विद लेसर और सिंपल पनिशमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके बाद आता है रिमिशन। रिमिशन मैं इसको अलग अलग पढ़ता हूँ, री मिशन पूरा, इसमें क्या करते हैं देखो, टाइम पीरियड, एक होता है कैरेक्टर, ठीक है ना, टाइम पीरियड और कैरेक्टर, कौन सा चेंज हो जाएगा कौन सा चेंज नहीं होगा बताओ। टाइम पीरियड देखो चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर सेम रहेगा, मतलब जैसे कि अगर समझो उसको रिग्रेस का मतलब क्या होता है, रिग्रेस का मतलब होता है खतरनाक, अगर उसको रिग्रेसली 10 ईयर की जेल थी तो अभी भी रिग्रेस ही रहेगी, रिग्रेस ही रहेगी, बस उसको 5 साल कर देंगे, समझे ना, टाइम पीरियड हमने कर दिया चेंज, देखा टाइम पीरियड चेंज चेंज हुआ, उसका कैरेक्टर सेम रहा, कैरेक्टर सेम रहा, ये कैरेक्टर है और ये टाइम पीरियड है। गाइस ऐसे ही नोट्स बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ ताकि आपको ये सब याद रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद है रेस्पाइट। देखो रेस्पाइट क्या होता है, रेस्पाइट ऑफ मतलब इसको मैंने ऐसे मतलब जैसे ही रेस्पाइट आता तो मेरे मन में आ जाता है डिस्पाइट, वर्ड आ जाता है डिस्पाइट। देखो इसको ऐसे लिखो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सी इज प्रेग्नेंट लेडी। देखो कैसे होता क्या है ना, समझो कि एक ये लेडी है और ये प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट है, बच्चा है, तो अब होता क्या है कि इसकी इसकी वजह से इस बच्चे को भी सजा मिल रही है ना, तो इसलिए इसको रिप्राइव कर देते हैं, रेस्पाइट कर देते हैं, रेस्पाइट, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या क्या चीज़ होती है, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसमें भी टाइम पीरियड और कैरेक्टर होता है, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है, कैरेक्टर सेम रहता है, गाइस बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, जो पिछले वाला क्या था देखो, यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो गया था, कैरेक्टर सेम रहा था, कहाँ चला गया, हाँ इसमें भी टाइम पीरियड चेंज हो गया, कैरेक्टर सेम ही है, बट कारण क्या है, डिस्पाइट ऑफ द सी इज प्रेग्नेंट, मतलब
किसी ना किसी डिसेबिलिटी की वजह से, डिसेबिलिटी, ठीक है, रेस्पाइट किस लिए लगती है, डिसेबिलिटी की वजह से, और इससे पहले क्या था, रिमिशन, रिमिशन एक अलग है, रेस्पाइट अलग है, समझ में आ गया, आगे चलो, ठीक है। एक होती है, लास्ट है रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब होता है एक टाइप का स्टे लगाना, क्या लगाना, स्टे, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, मतलब टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होती है, और खासकर टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, गाइस नोट डाउन करते रहना, रिप्रीव का मतलब होता है स्टे लगाना। तो मैंने पांचों पढ़ा दी, आगे सुन, मैं देखो, पार्डन, कम्यूटेशन, रीमिशन, रीमिशन मतलब टाइम पीरियड, तो चेंज हो जाएगा, क्या चीज चेंज हो रहा है, 10 से 5, उसका कैरेक्टर सेम रहेगा, इसके अंदर भी सेम ही है सब कुछ, बस इसका रीजन क्या है, डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई विकलांग है तो उसकी भी थोड़ी टाइम पीरियड चेंज कर देते हैं प्रेगनेंसी के कारण की वजह से। और रिप्राइव ने बता दिया, स्टे, स्टे लगाना, ठीक है, हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो प्रेजिडेंट में हमने पढ़ लिया पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अनवांटेड 72, पार्डन, माफीनामा, ठीक है ना, वे ट्रिक है बट याद हो गया है ना, इसलिए अब हम पढ़ेंगे वीटो, वीटो पावर किसकी, प्रेसिडेंट की। गाइस देखो वीटो पावर कैसी होती है, देखो एक बिल होता है, ठीक है, वो पास होके आता है किससे, राज्यसभा से प्लस लोकसभा से, पास होके आया प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो उसके पास तीन चीज़ें होती हैं, 1, 2, 3, या तो वो उसको नो बोल दे, या तो उसको वो यस बोल दे, या तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, एक चौथी चीज़ भी होती है, उसकी पॉकेट होती है ना, जेब, पॉकेट में रख ले अपनी, ठीक है। अब इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं गाइस, ध्यान से देखना, अगर वो उसको नो बोलेगा, इसको इसका मतलब होता है विद होल्ड, विद होल्ड एसेट करना, ठीक है, विद होल्ड एसेट करना, इसको बोलते हैं गिव एसेंट, मतलब उसने उसको यस बोल दिया, रिकंसिडरेशन को रिकंसिडरेशन, पॉकेट तो पॉकेट होती है, ठीक है, आगे सुनने, उसके पास ये होते हैं 1, 2, 3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट, मतलब सीधा सीधा मना कर दे कि भैया ये बिल पास नहीं होगा, एब्सोल्यूटली नहीं होगा ये पास, नो बोल दिया उसको, अगर उसको यस बोल दिया तो उसको तो कुछ बोलते ही नहीं, गिव एसेंट बोलते हैं, वैसे नॉर्मल है, लेकिन उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, रिकंसिडरेशन, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया राज्यसभा लोकसभा से, तो इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव, क्या बोलते हैं इसे, सस्पेंसिव वीटो, याद रहेगा, एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, नो के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए सस्पेंसिव बोलते हैं, लास्ट वाली है पॉकेट वीटो, पॉकेट मतलब जेब में रख के बैठ जाएगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब जब तक उसकी मर्जी है तब तक, तो ये तो अलग ही टाइप की वीटो है ना। देखो अब मैं बताता हूँ कौन सा विल कौन से में लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, देखो इसके लिए टेबल बना लो एक, देखो यहाँ पे लिख लेना एब्सोल्यूट, यहाँ पे लिखना सस्पेंसिव, यहाँ पे लिखना पॉकेट। अब बिल कितने टाइप के होते हैं, बिल अलग पेन से लिखो इसको, देखो बिल एक होता है नॉर्मल बिल, नॉर्मल बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक होता है मनी बिल। तो गाइस ध्यान से रखना, देखो एब्सोल्यूट नॉर्मल बिल को मना कर सकता है, मतलब एब्सोल्यूट मतलब नो नो था, सस्पेंसिव मतलब वापस भेजना, पॉकेट मतलब पॉकेट के अंदर रखना, ठीक है। तो इसको नो बोल सकता है, बोल सकता है, सस्पेंड कर सकता है, नॉर्मल को कर सकता है, पॉकेट में रख सकता है, रख सकता है, ठीक है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसको नो बोल सकता है, नहीं बोल सकता, गाइस ये सब लिख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को एब्सोल्यूट वीटो नहीं दे सकता प्रेसिडेंट। मैं टेबल बना के याद करवा रहा हूँ, आप लिख लो सेंटेंस, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अब आती है बात सस्पेंड, उसको वो सस्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड को वो नहीं कर सकता, पॉकेट कर सकता है। आगे देखो मनी बिल, मनी बिल को वो मना कर सकता है, उसको मना कर देगा कि नहीं भाई मैं तो पैसा नहीं दे रहा है ना, पैसे की बात है ना यार, है ना, तो वो बोल देगा कि मैं पैसा नहीं दे रहा, मनी बिल को मना कर सकता है, लेकिन उसको लटका नहीं सकता, इसको मतलब होता है लटकाना, लटकाना सस्पेंशन का मतलब है लटकाना, लेकिन उसको लटका नहीं सकता। पॉकेट तो मतलब एक चीज़ तो लगी, पॉकेट तो वो किसी को भी कर सकता है ना। ये वाली टेबल आपको ऐसे की ऐसे ही ना याद होनी चाहिए, यहाँ से पक्का गारंटी
100% क्वेश्चन आता है CDS एग्जाम में, कुछ भी कर लेना, इसके बाहर अगर नहीं आया ना तो नाम बदल देंगे, ठीक है, पक्का आएगा, पक्का आके बताना कि सर क्वेश्चन आया था वहां से जहां से आपने पढ़ाया था, बोल रहा हूं ना आता है। अब बात आ जाती है गाइस इम्पीचमेंट की, इम्पीचमेंट सेंस पहले इसकी पावर्स पढ़ा दूं क्या, पहले इम्पीचमेंट पढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। इम्पीचमेंट किसमें आता है, आर्टिकल 61, कैसे याद करवाया, आई और आई है ना, इम्पीचमेंट। देखो इम्पीचमेंट के लिए सबसे पहले तो 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 14 डे का नोटिस, ठीक है। फिर कोई से भी हाउस से, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होगा, हाउस वन, H1 लिख रखा है, मतलब हाउस वन किसी भी हाउस से पास हो जाएगा। फिर उसमें 1/4 मेजोरिटी चाहिए, किसकी, टोटल की, और उस पर साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बिल साइन हो जाएगा, उसके बाद फिर से 2/3 से वो पास होना चाहिए, अभी तो केवल साइन हुआ है, फिर पास होना चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद हाउस टू में वो जाएगा, फिर हाउस टू में एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन हाउस बोलते हैं, जो दूसरा हाउस होता है ना, इस वाले हाउस को दूसरे वाले हाउस को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन हाउस, ये कन्फर्मेशन करता है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन, इसका हेड कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका हेड होता है। फिर इसको भी यहाँ भी 2/3 से पास होना पड़ता है, उसके बाद वो इम्पीच हो जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। इम्पीच का मतलब क्या पता है, हटाना, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या हो गया, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। आ गया प्रोसेस, एकदम ऐसे के ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा मन करे आपका वैसे कर लेना, ठीक है। गाइस देखो इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये यहाँ से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे गाइस। इमरजेंसी देखो, इमरजेंसी मैंने ऐसे याद रख ली है, 3, 5, 2, एक आर्टिकल तो याद करना ही पड़ेगा, 3 लोग, इमरजेंसी जब भी होती है तो 3 लोग 5, 2 मुक्के मारते हैं, इस तरीके से कुछ भी याद कर लो यार, जो भी आपका मन कर रहा है। देखो इसमें 4+ करो कितना आ गया, 3, 5, 6, ठीक है। इसमें फिर से 4+ करो कितना आ गया, 360। आज तक किसी ने ऐसे बताया होगा ना, तो मेरे को बताना कि भाई हाँ उन वाले सर ने ऐसा पढ़ाया था। देखो हाँ, सबसे पहले क्या आता है, हमारा देश आता है, मैंने आपको बताया मैं देश को ऐसे बनाता हूँ, इंडिया को, है ना, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टेट आते हैं, स्टेट इमरजेंसी, या तो स्टेट बोल लो, या इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट रूल। फिर आते हैं 360 में आता था पैसा, ये मैंने नोट बना दिए, इसको बोलते हैं फाइनेंस, फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है गाइस। तो ये तीनों की तीनों इमरजेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। 352, 356, 360, यहाँ से पक्का सीरियस में क्वेश्चन आता है, पक्का का पक्का, याद होनी चाहिए, एक याद कर लो, उसके बाद चार ऐड करो ये, ठीक है। पहला इंडिया की है, फिर स्टेट की, फिर पैसे की, सीक्वेंस में याद हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो गाइस अब पढ़ेंगे हम पावर, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो बहुत सारी पावर है यार, है ना, हमने कौन कौन सी पढ़ ली, 72 वाली पढ़ ली, कौन सी, जो पार्डनिंग वाली, 111 मतलब वीटो, कितनी थी, 3 वीटो थी, कौन कौन सी, पॉकेट, एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव वीटो, तीनों पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी इसमें, देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ऐसे करके बना लेना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको ऐसे कर लेना, फिर इसके साइड में जो जो लिख रहा हूँ ऐसे लिखते लिखते जाना। पहली चीज इंटर स्टेट काउंसिल, काउंसिल का गठन कर सकता है आर्टिकल 263 के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरी चीज किसी भी यूटी में, यूटी को एडमिन करने के लिए उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, सॉरी एडमिन कर सकता है, जाके कभी भी किसी भी यूटी के अंदर चेक कर सकता है, यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, और किसी भी शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करता है कौन, प्रेसिडेंट, सोचो कितनी बड़ी बात है, और किसका, इन सब का अपॉइंटमेंट करता है, ऐसा करके लाइन खींच दी, डब्बा बना दो, यहाँ पे लिख दो कैग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ, प्राइम मिनिस्टर, पीएम और उसके मिनिस्टर,
और बताओ यूपीएससी का चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन, मतलब सबका ना गठन, मतलब गठन बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है गाइस, याद रखना इन सब का। क्या कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल एरिया को कौन करता है डिक्लेयर? यूटी को कौन एडमिन कर सकता है? ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कमिटीज जो बनती है ना, कमिटीज किसकी? ओबीसी की, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको कौन कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट। इन सबको अपॉइंटमेंट, ये एग्जीक्यूशन पावर है सारी की सारी, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। तो गाइस लगभग लगभग सारा सारा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अब मैं एक टॉपिक है, वो है साइंस का। साइंस का कौन सा टॉपिक है बताओ? डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो मैं वाला टॉपिक भी छोटा सा ही है, जल्दी से बता देता हूँ। डीएनए आरएनए, तो गाइस देखो, सबसे पहली बात, इसके अंदर, दोनों के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, बेस, नाइट्रोजन बेस, एनबी। तो इसके अंदर कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन से होते हैं? तो इसकी ट्रिक है, एजी, एजी सीटी ला दो ना, क्या एजी सीटी ला दो ना, याद हो गया? डीएनए की ट्रिक क्या है? एजी सीटी ला दो ना, और बस यहाँ पे टी की जगह क्या होता है? यू होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है बस, ठीक है। आगे सुन, में यहाँ पे टी की जगह यू रहेगा। ये क्या होता है? टी क्या होता है? थायमाइन होता है। क्या होता है? थायमाइन। यू क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताऊँगा, कुछ भी बकवास नहीं करूँगा। सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने करी थी? इसका नाम है वाटसन और क्रिक, ठीक है, नोट डाउन करते रहना गाइस, वाटसन और क्रिक। इसको क्या बोलते हैं? डबल डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिख देता हूँ मैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होता है? नॉर्मल राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे सुन, अब देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ गाइस, यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज तक आपको किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से। देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह के स्टेप में होता है, ऐसे होता है कुछ, ऐसे देखा होगा आपने इस टाइप में, लेकिन इसको ना मैं बहुत ही सिंपल करके बना, वही सबसे पहले हम देखेंगे होमोफोन्सी, एक टॉपिक है, ये सीरियस में 2022 से ही ऐड हुआ है और हर बार मतलब आगे आएंगे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, दो वर्ड होते हैं पढ़ने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन लेके करवाऊंगा ताकि एक आपको माइंड के अंदर रूल पता चल जाए कि भाई इस बंदे ने जो रूल बताया ये एग्जाम में लगेगा भी कि नहीं लगेगा। रूल का नाम है 33332, मतलब जो चीज तीन बार आ रही है वो सही होगी, जो दो बार आ रही है वो गलत होगी, सीधा रूल ये वाला है। अब बोलोगे सर इसमें कि मैथ आप पढ़ा रहे हो कि इंग्लिश पढ़ा रहे हो? देखो भाई मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, बट आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन सही होंगे तो आप डिफेंस स्पेक्ट्रम को याद करोगे। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक रिवार्ड दिया हुआ है, एक अवार्ड दिया हुआ है। तो रिवार्ड का मतलब क्या होता है और अवार्ड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे पहले वही करेंगे कि हमें तीन बार जो कॉमन आ रहा है वो चीज एक साथ लिखनी है। जैसे रिवार्ड का मतलब यहाँ दिखा है कंपनसेशन फॉर एफर्ट्स, और कहीं आ रहा है कंपनसेशन फॉर एफर्ट्स, और कहीं आ रहा है कंपनसेशन फॉर एफर्ट्स, तीन बार आ गया, ठीक है। अगला है इसका है रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, और कहीं आ रहा है रिकॉग्नाइजेशन, और कहीं आ रहा है, तीन बार रिकॉग्नाइजेशन आ गया। अब ग्रीन पेन ले लेते हैं, और गिफ्ट फॉर समवन एक बार आ रहा है, गिफ्ट फॉर समवन दो बार आ रहा है। तो जो चीज दो बार आ रही है मतलब ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। जो चीज तीन बार आ रही है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो चीज तीन बार आएंगी वो ज्यादा प्रॉबल आंसर होगा। तो या तो आंसर ये होगा या तो फिर आंसर ये होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। आई बात समझ में कि नहीं, चलो इस टाइप में आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि रूल को लगाना कैसे है। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन एक्चुअली मैं छाट छाट के इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, बस और कुछ नहीं है, कि भाई किस तरीके से यूज करना है। अब यहाँ पे भी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट दोनों का मतलब अलग है। तो फिर से वही प्रोसेस होगा, हम वर्ड्स को बस चेक करेंगे, एनहेंस एक बार आ गया, और कहीं आ रहा है एनहेंस, दो बार आ गया, ठीक है। अब दूसरा का ले लेते हैं, मीन टू प्रेज एक बार आ गया, मीन टू प्रेज एक बार आ गया, और ये एक बार मीन टू प्रेज, तो तीन बार मीन टू प्रेज आ गया। और नेक्स्ट का ले लेते हैं ग्रीन, ये रहा टू गो वेल विद एक बार आ गया, और टू गो वेल विद ये दो बार आ गया, तीन बार आ गया। तो आप खुद ही बता दोगे सर कौन कौन से नहीं होंगे। मैंने जो बताया 3-3-2 वाला रूल बताया, जो तीन बार आ रहा है वो सही होगा, एक दो तीन बार ये वाला आ रहा है और तीन बार ये वाला आ रहा है, दो बार कौन सा आ रहा है, एनहेंस वाला आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर होगा।
समझ पाए मेरी बात? देखो अभी तक हमने क्वेश्चन को मतलब पढ़ा भी नहीं है, उसके बाद भी हम लोग 3-3-2 वाले रूल से कर रहे हैं, और यही आगे भी इनकी साइकोलॉजी रहेगी, जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसकी साइकोलॉजी यही रहने वाली है, मैं गारंटी बता रहा हूँ। ये सब रूल आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताने वाला, ये मेरी खुद की ट्रिक्स है, इसको यूज करो और एग्जाम में फाड़ दो जाके सभी लोग, ठीक है? और उसके बाद भी मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि ये जो ऑप्शन बच गए इसके बाद आपको पढ़ाई, देखो मैंने आपको पहले बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुई थी 50% मेरी ट्रिक काम करेगी, 50% आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ट्रिक के साथ दिमाग भी काम करता है ना, तो मैं आपको 50-50 पे आके ला के छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वैसे मैंने पेड क्लास के अंदर पढ़ा रखा है कि किस तरीके से इन क्वेश्चन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जितना बच्चों को लास्ट टाइम पे जितना आपको आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं फिर से, तो ये दोनों वर्ड सेम हो गए, पढ़ने में दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, फिर से वही तरीका है 3-3-2 वाला रूल लगाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट एक बार आ गया, और कहाँ रहा, ओवर कॉन्फिडेंट दो बार आ गया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है कि ब्लू कलर से, और ये ओवर कॉन्फिडेंट तीन बार ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, ग्रीन कलर ले लेते हैं, इन द सेम प्लेस, और इन द सेम प्लेस दो बार आ गया बस, और दूसरा कलर लेते हैं कोई रेड, ये ईगर टू प्लीज, ईगर टू प्लीज, और ईगर टू प्लीज, तीन बार आ गया। तो अब दो बार कौन सा आया बताओ जो ग्रीन कलर से लिखा, एक तो ये इन द सेम प्लेस और इन द सेम प्लेस, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आंसर, या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या तो फिर ऑप्शन डी आंसर होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 3-3-2 वाला रूल समझ में आ गया हाँ कि ना भाई? कमेंट जरूर करना, अगर इस वीडियो पे कमेंट कर दिया तो जो कल वीडियो आएगी ना उसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, मतलब नीचे जाके चाहे कुछ भी लिख दो, मजा आ गया सर कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, है ना, चाहे अपनी एक्स का नाम लिख दो जाके, लेकिन लिख दो कुछ ना कुछ जाके, मेरे को बस पता चलना चाहिए कि हाँ भाई बंदे को समझ में आ गया, बस नीचे आके जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना मजा आया, वही वाला बोला मजा चाहिए मेरे को, सभी से मजा आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस वाले वर्ड का मतलब पता है? नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, देखो नहीं पता होगा, फिर भी अब आगे चलते हैं, हम लोग को सिर्फ पढ़ने से मतलब है कि क्वेश्चन में 3-3-2 वाला ये वाला रूल लगेगा। देखो अभी तक ये वाला जो रूल है, अभी मैं इसलिए इसको लेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि पेपर बन चुका हो और जो एग्जामिनर है वो रूल को चेंज ना करे, है ना, क्या पता वो मेरी वीडियो देख ले तो वो एग्जामिनर चेंज कर दे रूल को, लेकिन अभी तक वो चेंज नहीं करेगा, आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए थोड़ी लेट वीडियो आ रही है, बट हाँ शेयर जरूर करना क्योंकि अगली वीडियो में और भी बेहतरीन रूल बताऊंगा आपको। देखो लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन एक बार आ गया, ठीक है, और ये लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन दो बार आ गया, और कहीं आ रहा है लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन तीन बार आ गया, ठीक है आगे चलते हैं। एबिलिटी टू डिसन ये हो गया, ठीक है, और कहीं आ रहा है एबिलिटी, ये रहा दो बार आ गया, दो ही बार आ रहा है ना, ये रहा एक बार, और तीन बार आ गया। ग्रीन पेन ले लेते हैं, और क्या बच गया, और क्या बच गया, ये बच गया टेनिसिटी एक बार आ गया, और ये दो बार आ गया, तो फिर से वही वाला रूल लगेगा, दो बार जो आ रहा है उसे कैंसिल कर दो, ठीक है, जो बच गए दोनों में से कोई सा आंसर होगा, गारंटी, ये गारंटी ले ले रहा हूँ मैं सोली चीज़ की। अब बोलोगे सर ये सब रूल में लगेगा, भाई 10 क्वेश्चन आएंगे आपके इस टाइप के, उसमें से 8 में लगेगा, 2 में नहीं लगेगा वाला रूल, ये भी सुन लेना, मतलब है ना 2 क्वेश्चन में नहीं लगेगा, और आप सभी क्वेश्चंस में एक बार लगा के ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक बार चलो एक बार मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ उसमें आप ट्राई करो, एक बार बस इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ कि मेरे को इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो अपॉन एक बार आ गया, अपॉन गॉड, गॉड ऑफ द स्टेटस, स्टेटस ऑफ द गॉड, ठीक है, ये एक और बार आ गया, दो बार आ गया, और कहीं आ रहा गॉड, भगवान जी के बारे में ही रहा, तो तीन बार आ गया, ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं। मीन टू अपोज, अपोज एक बार आ गया, और कहीं आ रहा है अपोज, अपोज एक ही बार आ रहा है, मीन टू अपोज, और कहीं आ रहा है क्या, मीन टू डिनाई आ गया, ठीक है चलो एक ही बार आ रहा है, अगला चेक करते हैं, सॉरी ये तो आ तो रहा है, मीन टू अपोज, ये दो बार आ गया, और ये तो रहा मीन टू अपोज, मैं एक्चुअली क्या लास्ट में चेक करने लगा था, तो तीन बार आ गया, उसके बाद और क्या बच गया, दूसरा पेन ले लेते हैं कोई, ग्रीन ब्लू रेड लेते हैं, डिनी आ गया, और एक और ये रहा, दो बार ये आ रहा है, ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये क्योंकि दो बार ये आ रहा है, तो आंसर या तो ए होगा या तो फिर सी होगा, बताओ इस तरीके से आपको कोई पढ़ा देना तो बता देना। देखो ये मैं मान रहा हूँ कि तुक्केबाजी है, बट ये इसको साइकोलॉजी स्टडी बोलते हैं, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलो इसको, बट आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, मेन मकसद है आपके 8 क्वेश्चन 10 में से बिना पढ़े सही हो रहे हैं वाली बात देख लो, ठीक है, इसके बाद आपकी पढ़ाई काम आएगी, जब आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया उसके बाद आपको एक जनरल मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है चलो। तो इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप एक बार ट्राई कर लेना, आप सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, जितने भी PYQ हैं उनको एक बार ट्राई करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो अब ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है, अब मैं केवल पेड वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियोस है दोनों बच्चों को मिलेगी, यूट्यूब पे भी आएगी और पेड वाले बच्चों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो इसमें मैंने आपको केवल 12 रूल बताए हैं, उन 12 रूल से आपके 10 में से 10 सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और ये दोनों के लिए हैं, एक तो PQRS जो आता है वो मतलब एक तो पैराग्राफ वाला और एक सेंटेंस वाला, दोनों जो जंबल्ड अप हैं दोनों में 10 में से 10 आपके सबके सही हो जाएंगे, बस उन 12 जो रूल्स मैंने आपको याद करवाए हैं वो आपको एकदम कंटेस्ट याद होने चाहिए, ठीक है, वो ट्रिक सभी को याद होगी। चलिए आप आगे चलते हैं, क्योंकि हर एक टाइप का मैं क्वेश्चन करवाना चाहूंगा आपको। तो गाइस अगला जो टॉपिक है वो है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। देखो सीरियस में एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस बहुत टाइप के मिल जाएंगे, SSC वाले एग्जाम में अलग आते हैं, ठीक है, सब अपने एग्जाम का एक अलग क्राइटेरिया होता है, जो सीरियस का जो एग्जाम है इसका एक अलग क्राइटेरिया है, वो आपको चीज बता देता हूं। इसमें आपको केवल 3 से 4 रूल है जो आपको याद करने हैं, अगर आज भी पढ़ोगे तो आज से ही आपके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार आ रहे हैं, ठीक है,
चलिए तो इसको यहां से रब कर देते हैं। इसका मैं आपको बेसिक सा पहले तो रूल बताता हूँ कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस में होता क्या है। देखो एक सेंटेंस दे देगा एस वन, एक कोई भी सेंटेंस लिख के देगा, एक सेंटेंस दूसरा भी लिख के देगा, इन दोनों को जोड़ेगा। जोड़ने का जो काम है वो कंजक्शन करता है। कंजक्शन जैसे कि बट एंड इफ, इस तरीके के कंजक्शन बीच में लगाएगा किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस बोला जा रहा है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में क्या पैटर्न है? एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है जो कि लगातार दो या तीन साल से रिपीट हो रहा है। तो आप उस पैटर्न को पकड़ लो और उस पैटर्न से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के, ठीक है। चलिए करते हैं। यहां से मैं इसको रब कर देता हूं ताकि एक क्लियर इमेज बन जाए आपके माइंड के अंदर कि भाई क्या रूल है। एक सेकंड देना बस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहला पढ़ो इस क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है। सीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड, तो यहां पे बट आ रहा है, अच्छी बात है, एंड आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे तो कोई कंजेक्शन आई नहीं रहा, इस वाले पूरे सेंटेंस में कोई कंजेक्शन है नहीं है, इस वाले में है नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कट हो गए। तो पहली बात, तो पहला रूल क्या हो गया कि कंजेक्शन को हमें सर्च करना है कि भाई वहां पे, इसको मैं थोड़ा पेन को छोटा करता हूं, काफी मोटा हो रहा है पेन, एक सेकंड रुकना। पहले हमें क्या चेक करना है कि वहां पे कोई कंजेक्शन है कि नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहला रूल तो यही है। तो हमने इन दोनों ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट कर दिया कि यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, तो कंजेक्शन केवल बट और एंड है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा रूल है वो रूल देखो, रूल नंबर वन ये है कि जो बट जो सेंटेंस है ना वो हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, या तो फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इन सेंटेंस को जोड़ता है। अब ये वाली चीज मैं अपने एसएसबी के टाइम पे, जब एसएसबी का इंटरव्यू होता है, जब जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, उस टाइम पे मैं यूज करता था पर्सनली, आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे बता देता हूं, जब भी कभी एसएसबी होता था तो जीडी में बच्चे इस तरीके से बैठते हैं, सेमी सर्कल काइंड ऑफ, तो हमेशा जब भी कभी होता था जीडी, तो हम क्या बोलते हैं कि आई डिसएग्री विद यू, तो ये बहुत ही गंदा लगता है कि किसी से हम डिसएग्री कर रहे हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस में बना के दिखा रहा हूं, जैसे ये कोई भी चेस्ट नंबर 21 हो गया, तो आई पार्शियली एग्री विद यू बट अकॉर्डिंग टू मी, ये तो उसको मैंने नेगेटिव बता दिया कि मैं तुमसे पार्शियली एग्री कर रहा हूं, बट मेरा सेंटेंस ये है, बट आई थिंक ये होना चाहिए था स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये सेंटेंस है, तो इसमें बट जो को यूज कहां रहा है, एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को जोड़ने में जो चीज काम आती है वो बट वाला कंजक्शन आता है, ठीक है। आई वाज समझे, तो यहां पे भी उसी तरीके से बोल रहा है, सीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड बट सी वाज वेरी ऑनेस्ट, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो गया ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या बोल रहा है, एलिमा हैज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव, और अब नीचे पॉजिटिव फिर से वही, तो पहले देखेंगे अनलेस, तो ये तो कोई कंजक्शन है ही नहीं, ठीक है। बट कंजक्शन है, ये हो सकता है, ये भी कंजक्शन है, ये हो सकता है, ही कोई कंजक्शन है नहीं है, तो ये भी और ये दोनों ऑप्शन तो पहले हमारे कट हो गए, ठीक है। केवल दो बच गए, ये और ये, अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो उसके पास मतलब देखो ये बट वाला फिर से एक और बट वाले रूल से क्वेश्चन, देखो कितने क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि हमें दो सेंटेंस को जोड़ना है, क्योंकि एलिमा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बस उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम रहेगा, देखो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, मैं हर एक टाइप के पांच पांच क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए और आप उसको आगे कर पाए, ठीक है। अब देखो जरूरी, देखो ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन एक्वायर्ड, अब यहाँ पे देखो ये चीज जरूरी नहीं है कि जो कंजेक्शन है वो हमेशा बीच में ही है। देखो मैंने बताया था सेंटेंस, दो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए कंजेक्शन यहाँ पे लगता है, बट ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में भी लग सकता है कंजेक्शन, ठीक है, बीच में भी लग सकता है, एस वन एस टू यहाँ पे और कंजेक्शन बीच मतलब स्टार्टिंग में लग गया, तो वही ऑल्दो यहाँ पे वही काम कर रहा है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, हिंदी में ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। अब ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस वाले वर्ड का अगर मतलब पता आ गया आपको, तो आप इसमें इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकना। इसका मतलब होता है उनको बरी कर दिया गया है, क्या चीज, उनको बरी कर दिया गया है, तो देर मतलब उनका और दे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वो उन्हीं, जब ग्रुप की बात कर रहा है तो वो दे की उनकी बात कर रहा होगा, तो ये ऑप्शन तो उनकी है ना, तो उन लोगों का, ये तो देर तो उसका हट गया, तो दे ये उन्हीं लोगों की बात कर रहा है, जो ग्रुप है उसी की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए बी और डी में से ही कोई आंसर होगा। तो उसके बाद आगे चेक करते हैं, देखो इसको मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, बरी, इसका मतलब क्या होता है, बरी करना, किसी को भी बरी कर देना, ठीक है। तो ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन, उनको ग्रुप को बरी कर दिया है, दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड, वो ऑब्वियसली मतलब सेम ही लाइन को रिपीटेशन हो गया है, तो मतलब उनको बरी कर दिया गया, नॉट बीन अरेस्टेड, भाई वो पहले उसने बोल दिया कि उनको बरी कर दिया गया, और फ्री फिर से वो बोल रहा है दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, भाई उनको जब बरी कर दिया गया है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, ऑल ऑप्शन भी कट हो गया, तो उनको बरी कर दिया गया, दे आर अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस, उसके बावजूद भी वो अंडर है पुलिस की वॉच में, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, मतलब आपको थोड़ा रिलेट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखो यहां पर भी सेम वाला केस वाला जो मैंने बताया था, S1 और S2 से पहले कंजक्शन को लेकर आ गए हैं, मतलब पहले कंजक्शन लिखा है, अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं, अगर आप अगर ये नहीं कर पाते तो ये होगा, मतलब अगर आपने देखो ये इसी वाले सेंटेंस को ले लेते हैं, अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो क्या होगा, यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे तो आपको कॉल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। You shall be selected. अरे भाई अगर तुम क्वालिफिकेशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपको सेलेक्टेड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा रिलेट करके, मतलब हिंदी में पढ़ो उसको, है ना, तो यू विल नॉट बी कॉल्ड, यू नॉट बी कॉल्ड, ठीक है, यू कैन नॉट बी रिजेक्टेड, अगर भाई कैन बी, यहाँ अगर कैन होता तो फिर सही हो जाता, कैन नॉट बी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया,
यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें अनलेस में ना नहीं आ रहा है नहीं, अगर आप नहीं कर पाते हो तो यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा. तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया. आगे चलते हैं. थोड़ा सा पेन का कलर ना हल्का सा थोड़ा अलग लेते हैं यार. चलो इस वाले क्वेश्चन करो एक बार. द कंपनी बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड. ठीक है, अब ये बोल रहा है ठीक है कंपनी की जो बिड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो रिजेक्टेड हो गई है. यहाँ पे सीन्स आ रहा है, यहाँ पे फॉर आ रहा है, यहाँ पे फॉर आ रहा है, यहाँ पे सीन्स आ रहा है, मतलब सबके अंदर कंजेक्शन आ रहा है. बहुत अच्छी बात है. ठीक है, रेड कलर लेते थोड़ा सा. चलो अब एक रूल है, इसको रूल नंबर टू करके लिख लेना. रूल नंबर टू जो है प्रेजेंट के साथ हमेशा प्रेजेंट यूज़ होगा, पास्ट के साथ हमेशा पास्ट यूज़ होगा, और फ्यूचर के साथ हमेशा फ्यूचर यूज़ होगा. यही रूल है. ये जो सेकंड रूल है ये इससे आपके 60% क्वेश्चन हो जाएंगे जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के आएंगे. क्यों? देखो यहाँ पे इज आ रहा है मतलब ये क्या, जो पहला सेंटेंस था ये प्रेजेंट में था. यहाँ पे ईडी आ गया मतलब पास्ट है, यहाँ पे भी ईडी आ गया पास्ट हो गया, हैड आ गया पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया. ठीक है, और यहाँ पे पास्ट नहीं है तो ये आंसर हो गया सीधा. मतलब ये वाला रूल है. अब ये 90% क्वेश्चन में आपके लगेगा, जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं 60-90% इसी टाइप के क्वेश्चन है जो सीडीएस में रिपीट होते हैं. प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, फ्यूचर के साथ फ्यूचर. तो बस आपको ये चीज चेक करना, जो पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो किस फॉर्म के अंदर है. तो कंपनी बिड, जो कंपनी की बिड थी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड सिंस द डिपॉजिट इन अकाउंट इज फाउंड लेस देन द रिक्वायरमेंट. तो उसकी जो उसकी रिक्वायर्ड थी उससे कम है. ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए. आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं. देखो आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज, ठीक है इसमें है डिस्पाइट भी है, इनस्पाइट ऑफ. देखो हमेशा याद रखना इनस्पाइट के साथ ऑफ आता है. ये वाला क्वेश्चन हर साल सीडीएस में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. इनस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ऑफ. ठीक है, इनस्पाइट का क्या आता है? ऑफ आता है. ये हमेशा इसको कहीं भी लिख लो, या आपके कल परसों जो भी एग्जाम हो रहा है, जब भी आपका एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, सीन्स तो आपको चारों में कंडीशन है, इसमें किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते. आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं पाया. क्यों नहीं सो पाया भाई? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था. यार जब थका हुआ होगा, जब कोई बंदा वेरी टायर्ड होगा तो उसको नींद आनी चाहिए. जब मैं इसको स्लीप नींद नहीं आ रही थी यार, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज मेरे को नींद नहीं आ रही थी. आई बीइंग स्लीपलेस. ठीक है, इसको मानते हैं, चलो हो सकता है. डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, ये वाला बहुत ये वाला भी हो सकता है बिकॉज ऑफ बीइंग टायर्ड. देखो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसको मैं टफ मानता हूँ. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है जो मेरे रूल से नहीं होगा. इसको मैं सबसे बाद में करवाऊंगा. ठीक है, आगे चलते हैं. देखो मैंने आपको बताया 10 में से 8 मेरे रूल से होंगे, आई गारंटी दैट, बट 2 क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि वो अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, वो उसमें टफ बनाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं. सी मैरिड हिम सीन्स, ठीक है इसमें सीन्स. ठीक है, बिकॉज भी आ रहा है इसमें, बिकॉज आ रहा है. इनस्पाइट ऑफ, देखो इनस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आया ना, इसको डायरेक्ट काट दो, इसको गोला ही मत करो, क्योंकि इनस्पाइट के साथ क्या आता है? ऑफ आता है, अभी मैंने बताया था. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो, खत्म हो गया. ठीक है, अब सी मैरिड हिम सीन्स हिज गुड नेचर. यार ये कैसी इंग्लिश लिख रखी है, देखो आप खुद ही पढ़ो एक बार. सी मैरिड हिम, या तो सीन्स फॉर, यार हिज कैसे आ रहा है यहाँ पे, हिज गुड नेचर, या बिकॉज के बाद अगर ऑफ आता तो मैं मान लेता सेंटेंस को सही, लेकिन मैं ऑफ, देखो बिकॉज ऑफ हिज नेचर आना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया. बिकॉज ऑफ ये आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ हिज नेचर ही रहा, तो ये इसका सेंटेंस सही हो गया. ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये तो हमने इंस्पाइट के साथ क्या आता है हमेशा? ऑफ आता है. इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, एलिमिनेट कहीं ना कहीं काम आएगा आपके एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं. आई विल कम टू मीट यू इन केस, ये कंजेक्शन है. ठीक है, इन केस ये भी एक कंजेक्शन है. इन केस यू वांट, इन केस ऑफ टाइम. देखो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट खत्म हो गया. आई विल कम टू मीट यू इन केस ऑफ टाइम, खत्म हो गया ऑप्शन का. क्योंकि एक उसका मतलब, जेन्युइन मतलब भी निकालना चाहिए ना, बिकॉज यू नीड, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी. यू बिकॉज यू नीड, ये इंग्लिश नहीं है, मतलब इंग्लिश आप पढ़ के देखो एक बार. बिकॉज यू नीड गलत हो गया, ऑल दो यू नीड ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. तो इसके अंदर एक ही बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है. आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वांट, अगर तुमको मेरी जरूरत पड़ती है तो. इसका जनरल मतलब ये हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी, जैसे हिंदी जो लोग पढ़ाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, अगर कन्वर्ट करेंगे बिकॉज यू नीड होगा इसका आंसर. बट थोड़ा पढ़ के देखो एक बार उसको सेंटेंस को. ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो मैंने 60% जो क्वेश्चन बताए थे किस तरीके के होंगे, प्रेजेंट को प्रेजेंट को, पास्ट वाला पास्ट के साथ, और फ्यूचर वाला फ्यूचर के साथ. जब ये वो क्वेश्चन आ गए, सारे जो नीचे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने हैं. इफ यू हैड प्लान्ड द वर्क वेल, अब देखो हैड आ रहा है, हैड में क्या होता है? पास्ट में होता है. ठीक है ना, शेल क्या होता है बताओ? फ्यूचर में आता है. विल क्या होता है? फ्यूचर में आता है. तो ये ऑप्शन लिमिट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी लिमिट हो गया. अब बचे ये दो ऑप्शन. यू कुड कंप्लीट इट ऑन अ टाइम, यू कुड हैव कंप्लीट इट ऑन अ टाइम. अब इसको पढ़ के करना पड़ेगा. तो ये ऑप्शन ज्यादा मैचिंग हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया. मतलब मैं आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि कौन से नहीं हो सकते. यार अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि कौन से नहीं हो सकते. इस वाले रूल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं. आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन करो. यू कैन यूज माई कंप्यूटर, ठीक है, एज लॉन्ग एज चारों के अंदर आ रहा है. तो इसका आंसर कौन सा होगा? देखो इसमें बोल रहा है कि तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो. यू कैन नॉट यूज, एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस. यू यूज्ड एनी एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ पे देखो मीनिंग से, यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो मीनिंग से मिलेगा. ठीक है,
यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, यू शेल, यहाँ पे शेल आ गया, यहाँ पे कैन था, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी, ये कन्फर्मेशन हो गया, एक सेकंड रुकना क्या रहे, ठीक है, तो इसको ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे शेल बोल रहा है, यू शेल यूज एनी एक्सटर्नल डिवाइस, कन्फर्मेटरी बोल रहा है, यू डू नॉट यूज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मीनिंग से पढ़ के देखो, तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज, तुम जब तक तुम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज ना करो, तो यहाँ बोल रहा है तुम कर लो, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यू कैन नॉट यूज एन एक्सटर्नल डिवाइस, यहाँ पे मतलब निकल रहा है, मतलब तो निकल रहा है कि यार तुमको कैन नॉट यूज, बट यहाँ पे कैन नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा, डू नॉट, कैन नॉट तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे सेंटेंस में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें वाले क्वेश्चन करवाता हूँ जो पिछले साल आए हुए हैं इसी टाइप के, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, क्योंकि अब आपने एक बार पढ़ लिया है तो इसके रूल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमें सारे टॉपिक्स को कवर करने, अब जीएस वाला देख लेते हैं एक बार, जीएस में कुछ रूल्स हैं जो आपके काम आएंगे, तो उनको एक बार चेक, मतलब बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा। देखो साइंस के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आगे समझो, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ओनली ए, इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर नहीं आ रहा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ए पॉइंट बोल दिया, यहाँ पे बी लिखा हुआ है कोई, ठीक है, और फिर नीचे जो ए बी सी डी है, ये स्टेटमेंट है गाइस, एक सेकंड रुकना, अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, बॉक्स बन गया ना ये। देखो क्वेश्चन हो गया, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी, ठीक है, इस तरीके से कोई स्टेटमेंट कोई भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स वाई जेड कुछ भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आपके चार ऑप्शन होंगे, ओनली ए, एक होगा ओनली बी, एक होगा बोथ ए एंड बी, और एक होगा नाइदर ए नॉर बी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी साइंस का आंसर जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जितने भी होते हैं, वो हमेशा सबसे ज्यादा होगा, या तो बोथ ए बी ए एंड बी होगा, या तो फिर अगर इस तरीके से इसी क्वेश्चन को अगर इसी एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ, कोई भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नीचे ऑप्शन ए दिया हुआ है, यहाँ पे ये बी दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, स्टेटमेंट बी दिया हुआ है, स्टेटमेंट सी दिया हुआ है, स्टेटमेंट डी, तो अब नीचे उसने ऑप्शन बनाया ओनली ए, एक बनाया उसने ओनली ए एंड बी, इस तरीके से बोथ ए एंड सी, या फिर ऐसे बना देगा ए बी और सी, या फिर ऑल ए बी सी डी। तो हमेशा याद रखना, साइंस के जो भी आंसर होंगे ना, वो सबसे ज्यादा वाले होंगे, जिसके अंदर सारे स्टेटमेंट आ रहे होंगे, एक दो तीन चार, बस मैं आपको ये जनरल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा है, सीडीएस के प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करा है, जितने भी सीडीएस के प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे तो आप जाके देख लेना, कोई भी क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, जितने स्टेटमेंट अवेलेबल हैं, सारे के सारे ही सही होते हैं, या तो बोथ आंसर होगा, या फिर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपको अपने अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जहां पे भी आप एक पेज के अंदर ये लिखते रहना, ये साइंस की ट्रिक है, ये होगी साइंस की ट्रिक, क्या बोथ या फिर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है हमेशा, चाहे तो आप चेक कर सकते हो बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसके साथ अब कुछ स्टेटमेंट है जो हमेशा गलत होते हैं, ऑलवेज रॉन्ग, वो हमेशा गलत ही होंगे, कौन कौन से देखो, पहला स्टेटमेंट है, अगर ये वाला वर्ड आ जाता है स्टेडिली इंक्रीज, ये खासकर इकोनॉमी वगैरह में आते हैं, जैसे उसने बोला द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल स्टेडिली इंक्रीज, स्टेडिली का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल एकसार बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसमें अप एंड डाउन नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम लेवल में, मतलब स्टेडिली मतलब एकदम लेवल में बढ़ेगी, एकसार बढ़ेगी, है ना, वो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर ये वर्ड आपको स्टेटमेंट में कहीं भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स में आ गया, यूजुअली इकोनॉमिक्स में आएगा ये वाला वर्ड आपका, ठीक है, तो आपको अगर ये वर्ड मिल गया स्टेडिली इंक्रीज, तो ये हमेशा गलत ही होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरी चीज, कहीं पर भी ओनली वर्ड आ जाए, ओनली, जैसे कि जैसे वाटर इज ओनली गुड फॉर हेल्थ, ओनली मतलब वो केवल एक वर्ड के ऊपर फोकस करेगा कि ये केवल यही एक चीज है जिससे हमारा भला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ओनली वर्ड हमेशा ही गलत होते हैं, जो भी एक्सट्रीम वर्ड होंगे ना, मतलब जैसे आपने बोला कि अगर हम एक ये वाला वर्ड भी है ड्रास्टिकली, मतलब ये बहुत ही ज्यादा सुप्रीम वर्ड्स हैं, है ना, ये वाले वर्ड्स अगर स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो वो यूजुअली वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में स्टेटमेंट वो बना के देगा तो वो स्टेटमेंट यूजुअली गलत हो जाएगा, फिर वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो वो इस तरीके से पूछता है, ठीक है ना, इसको यहाँ से बता देते हैं, कन्फ्यूजन होना चाहिए आपको। तो मैं अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि हमेशा गलत ही होंगे, स्टेडली, ओनली और ड्रास्टिकली, एनी, ये सब वर्ड गलत होंगे, इनको टिक मत करो, इनको गलत करो, ठीक है, ये सब वर्ड गलत होते हैं अगर स्टेटमेंट में आ जाते हैं। मैंडेटरी ऑटोमेटिकली गाइज, मैं बहुत ही आपको ये एक दिन पहले ही पता चलना चाहिए, ये जो चीज बता रहा हूँ ये एक दिन पहले पता करने वाली ही है, ठीक है, ये हो गया, 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 ठीक है। ट्रेमेंडसली, ये वर्ड भी है ट्रेमेंडसली, मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट बनाएगा कि दिस इज वेरी मैंडेटरी फॉर द, जैसे फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन इट इज मैंडेटरी
कि एवरीबडी शुड बी अबाउ द 20 एज, है ना। तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट बना के दे देगा कि मैंडेटरी होना चाहिए, तो कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं होती है। मतलब ये सारे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, मैंडेटरी, ऑटोमेटिकली, ट्रिमेंडसली, ड्रास्टिकली, स्टेडीली, देखो सब में ली आ रहा है लास्ट में, इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और बतानी थी उनको, करंट अफेयर, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है। समझो जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ इसको, जैसे मैंने बता दिया एन ई एस आई डी एस, इस तरीके से वो सीधा ये शॉर्ट फॉर्म लिखेगा कि, या फिर जैसे प्रधानमंत्री कोई भी योजना का नाम है ना, कोई भी योजना का नाम वो इस तरीके से लिख के दे देगा कि इज लॉन्च्ड इन कोई भी एक्स वाई जेड, या फिर कुछ इसके बारे में बता देगा कि इज द डेवलपमेंट स्कीम है, जो भी है। तो आपको ना इसके वर्ड से पकड़ना है, अगर आपने समझो पढ़ा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये पता लग गया, देखो यहाँ एन ई है, एन ई है, ठीक है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आई है, यहाँ डी है या एस है, तो एस से तो स्कीम ही हो सकता है। मतलब आपको सिर्फ ऐसे मतलब वर्ड्स अपने दिमाग के अंदर आने चाहिए कि अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैंने तो एक जस्ट एग्जांपल लिया है, समझो यही फुल फॉर्म आ गया कि इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर इसी का वो फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ड से पकड़ो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से, मतलब ये ऑप्शन से एलिमिनेट करने पड़ेंगे आपको। अभी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना एलिमिनेशन बहुत ही आसान हो जाता है इसका। जैसे कि यह बोलेगा नेशनल, इकोनॉमिकल, ये दे दिया, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट, एक्चुअली मेरे इसका फुल फॉर्म है, इसका जो आंसर होगा ये होगा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, है ना। नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, यहाँ पे रहा इस तरीके से, ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, यहाँ से इनके लिए डेवलपमेंट की स्कीम है ये। तो मतलब आप एक एक वर्ड से पकड़ सकते हो और थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। मतलब आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा, मैं बस आपको ये चीज बता रहा हूँ। यहीं पर अगर वो इस तरीके से एक ऑप्शन बना देता कि नेशनल इकोनॉमिकल स्कीम, मतलब इस तरीके से कुछ भी बना सकता है, मतलब मेरे से अभी बन नहीं रहा है कि एक्जैक्टली क्या बना सकता हूँ मैं उसके ऑप्शन चार। तो मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि आप उसके वर्ड से पकड़े, जैसे अगर एक और योजना ले लेते कोई भी, इसको ले लेते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो आपको पता चल गया प्रधानमंत्री मतलब पीएम है और यो, इससे क्या है, इससे क्या है, मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। वाई से यूजली योजना होता है, एस से यूजली स्कीम होता है, तो मतलब आप पकड़ सकते हैं वाली बात को, है ना। ये करंट अफेयर की ट्रिक हो गई, इसको अलग बॉक्स में। तो अभी तक जो मैंने बताई थी ये साइंस की हो गई, और ये वर्ड है जो हमेशा गलत होते हैं, ऑलवेज रॉन्ग, ये हमेशा गलत होंगे, अगर स्टेटमेंट में आगे तो ये हमेशा गलत ही होते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि कुछ बच्चे मैथ्स के लिए पूछ रहे थे, तो मैथ्स की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ मैथ्स के। देखो मैथ्स के जो बच्चे ट्रिक पूछ रहे थे उनके लिए बता देता हूँ, मैथ्स में हमेशा याद रखना, समझो कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन जो आपके बन रहे हैं, ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन इस तरीके से वो देगा, जैसे दे दिया उसने 6 7 8 9, तो हमेशा मतलब ये देखो मैंने एनालाइज कर रखा है। ये बोलोगे कि सर ये तुक्केबाजी हो गई, जी हाँ ये बिल्कुल तुक्केबाजी है, बट आप बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर 7 आप टिक कर सकते हैं, अगर टाइम कम बच रहा है तो, वरना तो आप सॉल्व करें क्वेश्चन को फिर आंसर निकालें। यूजुअली कभी भी अगर सीक्वेंस में अगर इस तरीके से दिया हुआ है ना 6 7 8 9, तो मैंने पिछले 4 साल के देखो एनालाइज कर रखे हैं, तो मेरे को ये पता चला है कि जब भी कभी सीक्वेंस में वो आंसर दे रहा है तो यूजुअली हमेशा सेकंड आंसर हो रहा है। मतलब जो बंदा पेपर को सेट करता है उसकी उसकी मेंटेलिटी या उसकी साइकोलॉजी इस तरीके से है कि वो हमेशा एक ऑप्शन को, मतलब जो एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेकंड पोजीशन पर रख रहा है, उससे पहले से एक ऑप्शन बनाना स्टार्ट करता है, जब भी कभी सीक्वेंस में दे रहा है, कभी, ओनली एंड ओनली कभी जब वो सीक्वेंस में दे रहा है, हमेशा नहीं। समझो एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन हो गए, जैसे मैंने बोला 101 102 103 104, अगर सीक्वेंस में है ना ऑप्शन, तो आप आंख बंद करके वाला 99% आपको सही होगा, 99% 100 तो नहीं बोल सकता मैं, 99% आपका सही होगा, क्योंकि मैंने इतना एनालाइज करा है। और जो क्योंकि वो लोग पेपर बनाने वाले हैं, जो यूपीएससी की जो टीम है, यूपीएससी की जो टीम है जो पेपर बनाती है मैथ्स का, वही टीम होगी। ऐसा तो नहीं कि इस पर नई टीम आ गई, नई टीम आ गई तो फिर भाई ये तो राम भरोसे वाली बात होगी, है ना। तो अगर यूजली यार टीम की जल्दी चेंज होती नहीं है, ठीक है, तो आप ये मानो कि वही पैटर्न बनाने वाला है। तो ये मतलब अभी तक तो यही देखा गया है कि सेकंड वाला ऑप्शन ही आंसर होता है। और ये आप इसमें भी मान सकते हैं, जीएस में भी, अगर जीएस में समझो कोई भी एक एक्स वाई जेड उसने स्कीम पूछ ली कि इसके अंदर, इसे अभी पूछा था मैंने कल भी एक जो वीडियो डाली उसके अंदर था कि कितने फेस में इलेक्शन हुए हैं 2019 का, वो क्वेश्चन था 6 फेस 7 फेस 8 फेस 9 फेस, तो उसका आंसर भी साथ ही था। मतलब मैं आपको ये यूजली बता रहा हूँ, जो उनकी टीम है उनकी मेंटली, मतलब जो उनकी मेंटलिटी है वो इस तरीके से कि वो करेक्ट ऑप्शन को जब भी सिक्वेंस में होता है उसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। चलो एक चीज और बतानी थी मैथ्स में, देखो ज्योमेट्री आनी है, ठीक है, मेंशुरेशन आना है, इनमें पाई का यूज आएगा, जैसे 2πr, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, क्या कितनी होती है 22/7, 22 का मतलब क्या हो गया बताओ 11, मतलब 11 का मल्टीपल, तो जो भी आपका आंसर आएगा ना वो 11 से डिविजिबल होगा, वो 11 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर समझो कोई भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन उसने पूछ रखा है आपसे, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन उसने पूछ रखा है, नीचे ऑप्शन आ गया ए बी सी डी, और खासकर वो सर्किल का है ना, या जो भी, मतलब जहां पे भी पाई आ रहा है, जहां पे भी पाई आ रहा है वहां पे वो है, जैसे इसका पूछ ले क्या बोलते हैं
सिलेंडर पूछ लिया, स्फीयर पूछ लिया, यहाँ पे हर हर के अंदर पाई वैल्यू आएगी। तो आप याद रखना जो भी आंसर आने वाला है ना वो डिविजन में 11 होगा। तो आप चेक कर सकते हो, मतलब आप 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं होता। समझो कोई भी नंबर है 2, 4, 3, 6, तो आप कुछ नहीं करना, इन दोनों का ऐड करना है, जो भी ऑड बेस पे होता है जो इवन बेस पे हो रहा है उसको ऐड करके जो बड़ा है उसमें से बड़े में से छोटे माइनस कर दो। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, और ये हो गया 5 माइनस 5, तो 5 आ गया। ये नहीं होगा, जैसे कि 1 1 1, तो किस किस को ऐड करना है, एक और 1 ले लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं 1 2 1, क्योंकि जो हमें पता है वो चेक करेंगे ना। इन दोनों का ऐड करो कितना हो गया 2, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो -2 तो 0, मतलब वो एक्जैक्टली डिविजिबल है ये। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको इसका रूल क्या है, अगर ए बी सी डी ई कुछ भी आ गया तो आपको जितने भी ऑड प्लेस पे उसको ऐड करना है, जितने भी इवन प्लेस पे हैं उनको ऐड करना है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई माइनस बी प्लस डी, ब्रैकेट लगाया मैंने, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 का, ये आपको बताना चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। तो पाई से आप मतलब बस ये है कि आप जल्दी सॉल्व कर लोगे, अभी मैंने मैथ्स पढ़ाया नहीं है उसके लिए आईएमए के लिए, लेकिन बहुत तगड़ा है ये रूल जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरी ट्रिक्स है जो कि मैं बिना पढ़े भी वाले क्वेश्चन बड़े आराम से होते थे, ठीक है। और क्या था, एक सेकंड देना मेरे को। हाँ, एक चीज ये है कि हमेशा सीरीज में एक क्वेश्चन देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन द रिपोर्ट ऑन, सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन रिपोर्ट ऑन ऑन, फिर कुछ भी बोल देगा। तो कभी भी याद रखना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट कभी भी रिपोर्ट रिप्रेजेंट ही नहीं करता। ये स्टेटमेंट हर साल आ रहा है और फालतू का आ रहा है। मतलब वो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन द रिपोर्ट ऑन राम मंदिर इशू, है ना। तो यार सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कभी भी रिपोर्ट तो देता ही नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है। तो आप इसको ऐसे नोट करके लिख लेना, कोर्ट जो भी कोर्ट होता है ना कभी भी रिपोर्ट नहीं देता, रिपोर्ट नहीं देता, ठीक है। अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कभी भी रिपोर्ट नहीं देता है, ठीक है। और हाँ, पॉलिटी का थोड़ा बता देता हूँ। देखो पॉलिटी आपने पढ़ी है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। पॉलिटी के यूजुअली जो भी जेनरिक स्टेटमेंट आएंगे ना, जेनरिक स्टेटमेंट, वो मेरे सही होते हैं, ठीक है। और पॉलिटी तो काफ़ी आसान भी आती है, इतनी कोई टफ नहीं है। और क्या बताना है, और डिपार्टमेंट, हाँ, जैसे कि अगर ये बोला कि ये जो भी रिपोर्ट है इस डिपार्टमेंट ने दी है, इस डिपार्टमेंट ने, देखो मैं एनालाइज से बता रहा हूँ, कभी भी वो डिपार्टमेंट का या तो नाम चेंज कर देगा या रिपोर्ट का, इन देखो कोई ना कोई डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देता है, पहली बात तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। बट वो लोग जानबूझ के या तो रिपोर्ट का नाम बदल देंगे या किसी डिपार्टमेंट का नाम बदल देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ये वाला स्टेटमेंट देखा गया है कि गलत हो जाता है, ये हमेशा ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होता है रिपोर्ट वाला, और ये कोर्ट भी कभी कोई रिपोर्ट नहीं देता, इसको भी नोट डाउन कर लेना। पॉलिटी में जेनरिक स्टेटमेंट सही होते हैं, और पॉलिटी में एक चीज और याद रखना, स्मूथ, जो स्मूथ मतलब बहुत एकदम प्यारी सी लाइन लिखी हुई जो आपको समझ में आ रही है, वो भी हमेशा सही होता है, ठीक है। और मेरे दिमाग में, हाँ, एक स्पेशल है, देखो अभी तक ये सब ये पढ़ लिया था, इसी के साइड में लिखना है, ये तो सारे स्टेटमेंट स्टडी जो भी एक्सट्रीम वर्ड होते हैं सारे के सारे गलत हो गए, लेकिन याद रखना केवल एक ही स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ओनली क्या है, गलत बताया मैंने, लेकिन कैन के साथ यहाँ पे मैंने एनी भी बताया ना, हाँ, कैन के साथ अगर एनी आ जाता है, कैन के साथ अगर एनी आ रहा है तो वो स्टेटमेंट हमेशा सही होगा गाइस, वो स्टेटमेंट हमेशा सही होगा, ये भी नोट कर लेना। ये स्टेटमेंट सारे गलत होते हैं, ओनली, एनी, ड्रास्टिकली, स्टेडिली, मैंडेटरी, ऑटोमेटिकली और ट्रेमेंडसली, सारे स्टेटमेंट गलत हो गए। लेकिन अगर कैन के साथ, किसके साथ, अगर कहीं पे भी कैन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट कैन डू एनीथिंग, है ना, तो वो कर सकता है भाई, वो कैन यहाँ पे लिखा है ना, तो कैन हमेशा ये ना, कैन तो कैन है ये, हमेशा याद रखना कैन के साथ अगर एनी आ रहा है तो 100% सही हो गया। कैन आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो जनरली स्टेटमेंट सही होगा 99%, और मेरा 99 का मतलब आप 100 ही मानो आप, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूँ ना वो अमृत है इस टाइम आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको एक पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए, एक बार फाइनलाइज रिवीजन बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है, एक सेकंड देना उस मेरे को। देखो पहले तो आपको येलो लाइन लिखनी है, इसको मैं ब्लू कलर से ले लेते हैं ताकि दिखाई दे, ये वाली साइंस वाली, कि साइंस में एक तो बोथ वाले स्टेटमेंट और ऑल ऑफ द अबव हमेशा सही होंगे। एक ये हमेशा ये वाले वर्ड्स हैं जो हमेशा गलत होते हैं और केवल ये वाले हमेशा सही होते हैं, ये देखो टिक भी कर रखा है, टिक। तो कैन के साथ एनी, अगर कैन अकेला आ रहा है तो ये दोनों हमेशा सही होते हैं। करंट अफेयर में आपको उसके वर्ड से पकड़ना है, जो भी वर्ड होगा उसके वर्ड से पकड़ना है कि कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम है। और यहाँ पे था मैथ में, मैंने आपको दो रूल बताए थे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैथ में मैंने आपको दो रूल बताए, क्या, एक तो जब भी कंटिन्यूटी में से 6, 7, 8, 9 होगा तो हमेशा ये वाला आंसर होगा, सेकंड वाला, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने बताया था पाई वाला, पाई मतलब 11, मतलब 22/7, 7 इसका मतलब 11 का मतलब है वो हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा, ये रूल है, ये सच बता रहा हूँ, ये लगेंगे कल एग्जाम के अंदर आपके, ठीक है। और हाँ, सुप्रीम रिपोर्ट के दो पॉइंट लिखवाए थे मैंने, जैसे कि कोई भी रिपोर्ट है किसी डिपार्टमेंट ने दी है तो या तो वो डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर देगा या रिपोर्ट का नाम चेंज कर देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है रिपोर्ट का। दूसरा, कभी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी एनी कोर्ट कभी भी कोई रिपोर्ट देता ही नहीं है, है ना, वो तो जजमेंट सुनाते हैं ना, उनका काम रिपोर्ट देना थोड़ी ना, ठीक है। ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी लिख दिया मैंने, ये वाला भी लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एक पेज के अंदर छोटे छोटे से पॉइंट है, ज्यादा है भी नहीं।
और पॉलिटी मैंने बताया था स्मूथ लाइन, और जो जनरिक स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं यूजुअली। बस इतना ही है, ठीक है। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने रूल्स बताए हैं आपके कल एग्जाम में लगेंगे भी, है ना। खासकर इन वर्ड्स को देख के रहना, कैन को, ये जो गलत है और जो सही, तो सही में क्या लेके आ रहा है, कैन आ रहा है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट सभी को, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना एग्जाम पे, अपने एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाएं, और अपने जो भी वहाँ पे एडमिट कार्ड है, पेन वगैरह है, वो सब लेके जाएं, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में अंदर ना ही कोई चेकिंग होती है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जूते अलाउ नहीं होंगे या चप्पल अलाउ नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है, क्योंकि पूरे दिन एग्जाम होता है। खासकर जो आईएमए वाले बच्चे हैं पूरे दिन एग्जाम होगा, ओटी वाले तो फिर भी 2 बजे के आसपास छूट जाएंगे, लेकिन आईएमए वालों के लिए शाम तक एग्जाम होता है। खासकर मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको लास्ट में मैथ इसलिए रखा गया है ताकि थोड़ा सा माइंड के ऊपर बड़े लोड और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने जा रहे हो, कुछ जैसे पेज है या आपके क्वेश्चन पेपर में एक साइड पे हिंदी में लिखा होगा, एक साइड पूरे में इंग्लिश में लिखा होगा, यूजुअली एक पेज पे 6 क्वेश्चन होते हैं, एक पेज पे 6 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं यूजुअली कैसे करता था, जो मेरे को पहले पढ़ने में आसान लग रहा है या फिर पढ़ने में बहुत छोटा है, छोटा क्वेश्चन उस पर जोर कम आएगा, तो उस पेज का पहला क्वेश्चन वही करता था। मतलब ऐसा नहीं कि यहीं से ऐसे ऐसे करते जाऊंगा, मतलब मेरे को जो मेरे जो टेक्निक है वो ये है कि जब जो सबसे छोटा क्वेश्चन है पढ़ने में जल्दी हो जाएगा तो उसको पहले ट्राई करता था, फिर करता पूरे पेज के एक ही साथ, ऐसे नहीं कि पहले अलग अलग कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना चाहिए। खासकर मैथ्स में जो भी क्वेश्चन में डाटा ज्यादा दिया हुआ है ना, डाटा ज्यादा दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा लेकिन लेंदी होगा, ईजी होगा लेकिन लेंदी होगा। और यूजली जहाँ पे डाटा कम दिया हुआ रहता है वो थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन। मैं मैथ्स की बात बता रहा हूँ, ये मैथ्स की, ठीक है। और जीएस में गाइस देखो, आप सभी को पता है जीएस में अगर आपको क्लियर करना है, साइंस आपने पढ़ ली होगी, पॉलिटी आपने पढ़ ली होगी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स की एक वीडियो है मेरी, एक ही वीडियो है, वो यूट्यूब पे भी एक ही है और ऐप के अंदर भी एक ही है, है ना। तो उस वीडियो को पक्का से देख के जाना, एक ही वीडियो है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं, पक्का आते हैं, है ना। एक वीडियो से आ रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लेना। साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऐसा वीक सब्जेक्ट है, सच्ची बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऐसा वीक सब्जेक्ट है जो कि कुछ भी आ जाता है, जो वीडियो के अंदर है बस उतना पढ़ के जाओ, क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी बता रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। और क्या बच गया, करंट अफेयर, जितना यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर करवाया उसकी पीडीएफ वगैरह सब आपके पास होगी, ठीक है, उसको पढ़ के जाओ, उतना बहुत है। और क्या बच, कुछ बच गया क्या, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बच गया, ज्योग्राफी मैंने इस तरीके से पढ़ा रखा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैपिंग वगैरह सब कुछ एकदम डीप में पढ़ा रखा है, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें लैंडफॉर्म वगैरह पढ़ लेना, एक क्वेश्चन लैंडफॉर्म का आएगा और मैपिंग के 2 क्वेश्चन आएंगे, और क्या बचा, फिजिकल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस तरीके से इसका डिवाइड, एक्चुअली क्या सिलेबस ज्यादा है ज्योग्राफी का, ईजी है, कर लोगे आप, ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया तो हो जाएगा। और क्या बच गया, साइंस इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो अगर आपने 3 अच्छे से कवर कर लिया तो यहाँ से आपके 30 क्वेश्चन तो ये वाले अकेले देखे जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर के 20-50 तो ये हो गए, कट ऑफ क्लियर हो गई, ठीक है। और क्या बच गया था, बस सभी को ऑल द बेस्ट, अब टाटा बाय बाय, अच्छे से एग्जाम देना, और कॉल करके मेरे को या तो आप मेरे को पेपर भेज देना आपका, ठीक है, टाइम से, क्योंकि मेरे को एनालाइज करके डालना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए, तो मैं आपको ईयरली ट्रिक बताऊंगा उसके अंदर की किस तरीके से लगानी थी या फिर जो भी है, क्योंकि देखो ईयरली ट्रिक ना एक दिन का काम है, एक दिन के अंदर जो मैंने बताना था ईयरली चीज है जो आखिरी में बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चा अपने ऊपर लोड ना ले, क्योंकि 4-5 ही वर्ड है उसको याद करने की, कौन से गलत होंगे कौन से सही होंगे, साइंस में सारे स्टेटमेंट सही होगा या बोथ वाला सही होगा। चाहे तो आप कल ट्राई कर लेना, ये ट्रिक काम करने वाली है सभी के लिए। हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे कोपियन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये क्या चीज़ है, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका रीज़न क्या है। देखो गाइज, CDS में लास्ट 2 बार से या 2-3 साल से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोपियन क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं एक स्क्रीन पे लगे बता दूंगा, ठीक है। CDS में हमेशा 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार लास्ट ईयर 2 आए थे और इससे पहले वाले में 1 आया था, मतलब फिक्स है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गाइज छोटी सी वीडियो होगी, मतलब 1 घंटे की तो होगी मैक्सिमम, जितना भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको पूरी देखना, मैं गारंटी बताता हूँ यहाँ से आपको इस बार भी पक्का क्वेश्चन आएगा CDS में, और आप याद रखोगे कि मतलब ये कोई पढ़ के नहीं जाता, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि सब लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना, ना ही किसी ने आज तक कभी बताया होगा कि ये होता क्या है ना। देखो होता कुछ नहीं है, जैसे कि कोई भी एक बंदा मान लो एक्स, ठीक है ना, जैसे आप मेरे को ही मान लो, मेरा नाम गौरव है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भैया मैं तो, जैसे कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, ठंडी, जैसे कोल्ड क्लाइमेट है तो ठंडी को मैं बुलाऊंगा सी, और अगर हॉट है, गर्मी है, तो मैं बुलाऊंगा एच, ठीक है ना। मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम, जैसे ठंडी को बुलाऊंगा सी और गर्मी को बुलाऊंगा मैं एच, और अगर बारिश हो रही है तो मैं उसको बुलाऊंगा एफ, ठीक है ना। मतलब जो भी मेरी मर्जी होगी मैं उगर उसी के नाम से अपने वर्ड्स बना लूँ, तो उसी ये बंदा वैसा ही है कुछ कॉपियन। इसने क्या बोला, इसने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी कि भैया इसको, इस वर्ड को अगर बारिश हो रही है तो इसको एफ ही बोलेंगे, ठीक है ना, मानसून हो रहा है तो, मतलब जो भी है, तो इसने एक एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, ठीक है ना। अब फिर इंडिया में पूछ लेंगे कि इंडिया जैसे इंडिया का मैप बना दूंगा मैं आपको पूरा बताऊंगा, एकदम मज़ा आएगा, ठीक है ना। इंडिया में मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। बोलेगा कि
जम्मू कश्मीर में कौन सा होता है? तो ई। अब बोलोगे कि ई क्यों होता है? अब ई इसने टुंड्रा नाम दे दिया इसका। तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसने पढ़ा नहीं आज तक, ठीक है ना? तो इतना डीपली पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि एक बार में याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस शॉर्ट नोट्स बना लेना, ई क्या होता है, एफ क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है? चलें आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखो गाइस, डायग्राम पे मत जाना, कोशिश करूंगा साफ साफ बनाने की और साफ साफ लिखने की भी। ये हमारा हो गया अर्थ, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ठीक है? तो इसने मेजरिंग लाइन बना लिया सही कि एक यहाँ बना दी 30 डिग्री पे, एक थोड़ा उसके ऊपर बना दी, फिर एक और बना दी, ठीक है? तो अब इसने अलग अलग वो दे दिए नाम, कैसे? यहाँ पे इस वाले रीजन में इसने दो नाम दे दिए, एक ए दे दिया, एक दे दिया बी, ठीक है? यहाँ इस वाले रीजन को इसने नाम दे दिया सी, इस वाले रीजन को नाम दे दिया इसने डी। ए बी, देखो ए ये बी है गाइस, अच्छे लिख देता हूँ बी, ए बी इसको हटा दिया, ठीक है? ए बी सी फिर डी फिर ई, मतलब इसने अपने नाम दे दिया, मतलब ये मानो कि ये अपनी पढ़ाई खुद ही करता था, अपने हिसाब से चलता था, है ना? तो ऐसा बंदा ये। तो अब ये क्या चीज़ है भाई, इसने ए क्यों दे दिया, बी क्यों दे दिया, सी क्यों दे दिया, डी क्यों दे दिया? देखो लाल पेन लेता हूँ। देखो गाइस, ए का मतलब है, इसने ए का नाम दे दिया मेगा, मेगा थर्म, मेगा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है भैया इस वाले रीजन में, क्योंकि इक्वेटर के पास है सूरज जो है, डायरेक्ट सूरज मामा इधर ही पड़ते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है ना। ए का मतलब हो गया मेगा। बी का मतलब इसने दे दिया ड्राई, बोल लो ड्राई मतलब सूखा रहता है, ड्राई बोल लो, ठीक है ना? ड्राई बोल सकते हो आप इसको, ड्राई बोल लो, ठीक है? ए का इसने नाम दे दिया मेगा, बी को बोल दिया ड्राई, सी का नाम क्या दे दिया इसने मीजो, मीजोथर्म, डी का नाम क्या दे दिया इसने माइक्रो, और ई का नाम क्या दे दिया इसने टुंड्रा, टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब होती है ठंडी पड़ रही है भैया, है ना? ठंडी, यहाँ पे पोल के साइड में बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाता है टुंड्रा, तो उसने नाम दे दिया इसको टुंड्रा, मतलब अपनी मर्जी के नाम दे दिए इसने, अपनी भाषा के नाम, ठीक है? मतलब अगर हम लोग होते तो ए को क्या बोलते, भैया तपत पड़ रही है, गर्मी हो रही है, बी में क्या बोलेंगे, भैया बिल्कुल सूखा है, रेगिस्तान है, है ना? तो हम जो अपने हिसाब से इसने अपने नाम दे दिए, ये मान लो कोपिन एक ऐसा बंदा है वो अपने नाम अपने हिसाब से देके चला गया, तो उसको हम कोपिन क्लासिफिकेशन बोल दिया, क्योंकि वो उस साइड का था तो हमें उसका पढ़ना पड़ रहा है, बस ये फंडे, ठीक है? देखो अब ए क्या है, बी क्या है, मेरे को यहाँ लिखूंगा गाइस, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है? देखो जो याद करने वाले हैं वो मैं इधर लिखूंगा, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, छोड़ो आप 2x पे देखना गाइस, बहुत जल्दी जल्दी आपको, मैं आपका एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो इसने इसको बोला ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है? मतलब यहाँ पे मॉइस्चर टाइप रहता है, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो बारिश भी होती रहेगी और गर्मी भी पड़ती रहेगी, मतलब जैसे गर्मी होगी एवोपरेशन होगा, गर्मी जैसे गर्मी हुई सूरज आए, गर्मी हुई एवोपरेशन हुआ, बादल बने, बारिश हो गई, तो मॉइस्ट टाइप रहता है, मॉइस्चर रहता है, यहाँ पे चिपचिपापन रहता है इक्वेटर के पास। इमेज क्या रखना माइंड के अंदर, ये वाली जो बनाई थी अभी, ये माइंड के अंदर रखना, कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा डी है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा ना, देखना किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। हाँ चलो, बी क्या बता दिया मैंने, ड्राई क्लाइमेट बताया था मैंने, ड्राई क्लाइमेट, क्लाइमेट, ठीक है? सी क्या बताया मैंने, सी मतलब ये बोल सकते हो कि मिड, मतलब बीच का है ना, मिडिल बोल सकते हो आप, या फिर बोल सकते हो उसको मिड, मिड मिडिल विंटर टाइप, ठीक है ना? मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी, ठीक है ना, उस टाइप से, और बस, ठीक है? और यहाँ पे होती है कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड विंटर, मतलब ये हो गया मिड विंटर, मतलब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है एकदम कोल्ड, बिल्कुल ठंडी, ठीक है ना? और ये होता है पोलार क्लाइमेट, पोलार मतलब पोल्स के ऊपर, जो पोल्स के ऊपर क्लाइमेट होता है। गाइस नोट डाउन करते रहना बिल्कुल डिट्टो, ठीक है ना, जो जो बोलता जा रहा हूँ। और मैंने इसका नाम क्या बताया था, इसके नाम भी याद होने चाहिए, मेगा, लेकिन मतलब जो चीज़ बता रहा हूँ बस वो याद रखना, मीजो, मेगा, मीजो, ये क्या होता है, माइक्रो, ये सॉरी गाइस एक गलती हो गई, बताओ क्या, बी तो ड्राई था ना यार, गलती हो गई, सॉरी, ये ड्राई है, बी वाला ड्राई है गाइस, ये याद रखना, बी वाला ड्राई है, ठीक है, बी अलग ही है। उसके बाद फिर से ब्लैक से लिखते हैं, मेगा, फिर आ गया मीजो,
फिर आ गया माइक्रो, माइक्रो ठीक है, उसके बाद क्या हो गया टुंड्रा, क्या बोलते हैं इसको टुंड्रा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि पोलार है, लो विंटर है, इसका असलियत में नाम जो जो उसने दिए थे वो ये दिए थे, किसने, कोपियन ने, तो हमें ये वाले याद रखने। ये तो बस मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया, बता दिया इसी है गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, 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 ये नोट डाउन हो गया, आगे चले ठीक है। गाइज एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे सारे के सारे जो कैपिटल हैं, ए भी कैपिटल है, बी भी कैपिटल है, सी भी कैपिटल है, डी भी और ई भी, अब मैं बताऊंगा स्मॉल वाले, ठीक है। अब इसने छोटे वर्ड दे दिए, एक एफ दे दिया, एक दे दिया एम, एफ का मतलब इसने बोला बारिश। गाइज जैसे मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत फिक्स क्वेश्चन है यार, तो छोड़ के किस लिए जाना टॉपिक, है ना, ये वाले मेरे बात है बस। देखो एफ का मतलब होता है बारिश, लिख लो यहाँ पे, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल बारिश होती है, और ब्रैकेट में इसने इसका नाम क्या दिया था, इसने इसका नाम दिया था नो ड्राई सीजन, ठीक है। और एम, एम का मतलब होता है मानसून, मतलब पूरे साल बारिश नहीं होगी, सिर्फ मानसूनिक रेनफॉल होगी, ठीक है गाइस, ये हो गए दोनों एफ और एम। कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ध्यान रखना ये वाली चीज़, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। एक आता है एस, एक आता है डब्लू, ठीक है। एस का मतलब होता है समर ड्राई, समर ड्राई। गाइस अभी बस आप सुनते जाओ कि हाँ ये क्या चीज़ है, जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा बहुत आसान होंगे, ये बस ना थोड़ा सा ऐसे ही है, क्या बोलते हैं उसको, हैफेजार्ड वे में पढ़ाया उसने पढ़ा के गया है, हम तो बस पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई, ठीक है ना, ये बस मान लो। तो ये एफ हो गया, ये एम हो गया, ये एस हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू क्या है, विंटर ड्राई, इसका मतलब है विंटर में बारिश नहीं होगी, विंटर में बारिश नहीं होगी, समर में बारिश नहीं होगी, इतना तो पता चल रहा है ना, ड्राई का मतलब सूखा, समर में, समर ड्राई तो छोटा है, विंटर ड्राई मतलब छोटा डब्ल्यू, इतना आगे सुन में, ठीक है आगे चलते हैं। उसके बाद अब आता है गाइस टेम्परेचर, इसने टेम्परेचर को भी डिवाइड कर दिया, बताओ अगर छोटा ए लिखा है, बी सी और डी, इसका मतलब है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, छोटे वाले ए का मतलब, और छोटे वाले डी का मतलब है टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक है इतना आगे सुन में गाइस, इतना आ गया ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो अब इसने कैसे नेमिंग कैसे करी, देखो ए, ए क्या था, ट्रॉपिकल था, ट्रॉपिकल मतलब जो कि इक्वेटर, मतलब ये वाला रीजन ए था, ए भी आ रहा था इसमें, बी भी आ रहा था, है ना, इतना तो याद है, ठीक है ना। अब ए के अंदर अगर मैं ए एफ लिख दूँ इसका मतलब क्या है, ए एम लिख दूँ इसका मतलब क्या है, और ए डब्ल्यू लिख दूँ इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब बता दो मेरे को, खुद ही सोचना। एफ का मतलब क्या था, बारिश हो रही है, तो मैं इसका मतलब है ट्रॉपिकल वेट, एफ का मतलब बारिश हो रही थी ना, है ना, और ए एम का मतलब है ट्रॉपिकल मानसून, आगे सुन में, ट्रॉपिकल मानसून, और ए डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर प्लस वेट, है ना, विंटर ड्राई था ना, सॉरी डब्ल्यू का मतलब क्या था, विंटर ड्राई, इतना तो याद होगा, विंटर ड्राई थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है, विंटर है, विंटर भी लिख दो या फिर लिख दो वेट, क्योंकि गीला है और प्लस ड्राई भी है, है ना गाइस, मतलब इसने इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया, ए एफ, ए एम, ए एफ डब्ल्यू। अब हम इंडिया के हिसाब से पढ़ेंगे कि इंडिया में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, आ रहा सुन में, ए का आगे सुन में। अब मैं एक बार सी का और बताता हूँ, देखो गाइस आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं, मैं मैप में इसको बताऊंगा, मैपिंग के साथ याद हो जाएगा ये आपको, अभी बस आप देखते जाओ। अब देखो सी, अब इसमें सी के भी दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक हो गया सी एफ ए, एक हो गया सी एफ बी। अब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, पहले तो मेरे को बताओ सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है मीजोथम, इतना तो याद होगा, याद है ना। अब चलते हैं आगे, देखो गाइस सी का मैंने मतलब बताया था आपको, सी कहाँ पे होता है, ये वाला रीज़न होता है सी, क्योंकि यह ए आ गया, यहाँ बी आ गया, ये वाला हो गया सी रीज़न, ये वाला रीज़न यहाँ पे, और फिर ये वाला रीज़न यहाँ पे, ये दोनों रीज़न हो गए आपके सी। इतना तो पता चल गया कि ये वाला सी रीज़न है। एफ़ का मतलब क्या बताया था मैंने, बारिश हो रही है, और ए का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, है ना, और बी का मतलब है थोड़ा सा टेम्परेचर कम है,
समझ गए आप? मतलब यहाँ पे मैंने ए और बी का मतलब बताने की कोशिश करी है आप, मतलब बारिश हो रही है लेकिन टेम्परेचर क्या है, हाई है, यहाँ पे क्या रहेगा टेम्परेचर क्या है, लो है। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो, मतलब इस तरीके से इसने बस क्लासिफिकेशन करी है। अब अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी कुछ आपको ये सब याद नहीं करना, ये नहीं बोल रहा मैं आप ये सब रट लो बैठ के, रटने के लिए जो बोला है केवल इतना बोला है, ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए और ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए और ये टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट, बस टेम्परेचर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ए में ज़्यादा टेम्परेचर होगा और डी के अंदर टेम्परेचर कम होगा, ए बी सी डी स्मॉल में, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज, मैंने आपको बताया था कि जो बी होता है ये क्या होता है, ड्राई होता है, बताया था मैंने, ठीक है। देखो गाइज बी का स्पेशल केस है इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ। बी के अंदर दो चीज़ आपको और याद रखनी है, एराइड डेजर्ट, एक होता है सेमी सेमी एराइड डेजर्ट, ग्रासलैंड बोल लो या डेजर्ट बोल लो एक ही बात है, ग्रासलैंड, ठीक है। देखो गाइज होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आपको ये माइंड में छपे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ये कैसे याद रहेगा, देखो ग्रासलैंड में एस एस आ रहा है तो यहाँ पे ऐसा आएगा, और ये डेजर्ट को डब्ल्यू से करते हैं, इतना तो याद रहेगा, है ना। देखो सेमी एराइड मतलब आधा ग्रास, मतलब आधा ग्रासलैंड है और आधा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है, इतना तो याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर देखो अगर मैं बी को ऐसे लिखता हूँ, बी डब्ल्यू एच, एक लिखता हूँ बी डब्ल्यू के, छोटा ए के, छोटा के, इसको लिखता हूँ बी एस छोटा एच, इसको लिखता हूँ बी एस छोटा के। अब गाइज ये एस और के क्या है, सॉरी एच, ये एच आ गया ना, और एच और के क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये बी के अंदर स्पेशल केस आता है इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। देखो ये वाला रीजन होगा ना, ये वाला इक्वेटर के पास वाला, इसको बोलेंगे एच, ठीक है। और अगर जो ये वाला होता है, ये वाला रीजन रीजन होगा, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे के, क्यों, देखो लाल पेन लेता हूँ, एच वाले को क्या बोलते हैं, ये तो याद रहेगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये एच वाला हो गया ट्रॉपिकल, के वाले को क्या बोलेंगे, टेम्परेट, रहेगा याद, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, मतलब इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे। गाइज टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच रहे होगे कि यार ये सब इतना टफ हो गया है, ये सब याद कैसे होगा। गाइज अगर कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा टफ भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, थोड़ा ये टफ टॉपिक में आता है लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। देखो बी डब्ल्यू एच, डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल में, इतना होता दिया तो इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। देखो एच का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ठीक है। ये के है, यहाँ के लिखेंगे मिड ट्रॉपिक्स, मिड ट्रॉपिक्स मतलब बीच में आ रहा है ना, ये रहा मिड, मिड में आ रहा है ये भी तो मिड ट्रॉपिक डेजर्ट। गाइज नोट डाउन करते रहना है सब, बी एस एच, अब इसको क्या लिखेंगे, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, बताना सबसे अच्छा ग्रासलैंड कौन सा है, स्टेपीज है ना, स्टेपीज, तो स्टेपीज लिख लो। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिड लैटिट्यूड या मिड ट्रॉपिकल स्टेपीज, हो गया याद। मतलब ये अब आपको मैं डायरेक्ट अगर ये रटवाने बैठता मैं, जो कुछ टीचर करते हैं, तो आपको एक घंटा याद नहीं होता, लेकिन अब कुछ तो आप माइंड में इमेज बन गई कि हाँ भाई बी का मतलब डेजर्ट होता है, यहाँ पे भी ये डेजर्ट ही है लेकिन आधा है, मतलब सेमी एरिड है, सेमी मतलब होता है आधा, आधा ग्रासलैंड और आधा डेजर्ट, है ना, आगे समझ में। तो गाइस अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट जरूर करना। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो रही है ये, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो गाइस जो कोपियन था ना, अब मैं इसकी सारी क्लासिफिकेशन उसके नाम लिख रहा हूँ, कोपियन था, इसने ना कई सारे नाम दे दिए, ठीक है ना, अब मैं सारे लिखूंगा, कितने 14 क्लासिफिकेशन करी इसने, पहली करी ए एम डब्ल्यू। ये एक काम करता हूँ मैं, पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपकी इमेज बन जाए, ठीक है ना, दिखाता हूँ रुको। तो ये देखो गाइज, विच आर द फॉलोइंग, ये सी डी एस का क्वेश्चन है 2020 का सेकेंड का,
ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेट द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट. देखो कुछ नहीं था, ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया था, जो ट्रॉपिकल होता है वो ए में होता है, यहाँ ई वाला रीजन ट्रॉपिकल वाला होता है, मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक है ना. तो या तो ए वाला आंसर होगा तो ये आंसर होगा, या तो फिर ये आंसर होगा. एम से क्या होता है, मानसून होता है, इतना तो पता चला आप क्या. तो ये ट्रॉपिकल मानसून वाला क्लाइमेट होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो ये आंसर हो गया था. मतलब इतना आसान था कि डी तो नहीं होगा, जी सी भी नहीं होगा, मतलब ये इतना आसान आसान के टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. और आप सोचते हो कि सिर्फ साइंस पढ़ लेते हैं हम, साइंस से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, यार साइंस के क्वेश्चन टफ आने लगेंगे क्योंकि सब बच्चे साइंस पढ़ के जाने लगे हैं ना. तो कुछ अलग भी पढ़ के जाओ, ये पक्का क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है ना. अब चलते हैं पीछे, जो चीज़ बता रहा था मैं. दूसरा है गस, बस इसमें यही तो रख रहे ना, ए एस हो गया, उसके बाद हो गया ए डब्ल्यू, बस ए के तो इसने तीन ही बताए हैं. देखो इसके नाम साइड बाय साइड में लिखता हुआ चलता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. ए एम डब्ल्यू क्या होगा बताओ, ट्रॉपिकल, ठीक है ना, ट्रॉपिकल तो होगा प्लस मानसून होगा, मानसून टाइप, ठीक है. ए एस का मतलब है बताओ, यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या आ रहा है, छोटा वाला डब्ल्यू है ना, तो विंटर होगा, इतना तो बता लिया, प्लस विंटर, ठीक है. इसका बताओ ए क्या हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है. प्लस एस से क्या बताया था मैंने, छोटा वाला एस है ना, ये छोटा वाला एस मतलब समर ड्राई, प्लस समर ड्राई. ए डब्ल्यू इसके लिए क्या बताया मैंने, ट्रॉपिकल तो होगा, प्लस देखो डब्ल्यू से क्या बताया मैंने, विंटर होगा, ड्राई होगा, लेकिन इसको सवाना बोल देते हैं, सवाना, तो ट्रॉपिकल सवाना, ये वाला ही क्वेश्चन आया था सीडीएस में, इसको ए डस, मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे. अब आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है. क्या दे दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो अब ये आपको ये पता चलेगा कि ए से तो ट्रॉपिकल हो गया, एम से हो गया मानसून, एस से हो गया समर ड्राई, डब्ल्यू से हो गया विंटर, विंटर को सवाना बोल देते हैं. मतलब क्योंकि वहाँ का ऐसा टाइम, मतलब जैसे कि समझो एक जगह विंटर ही पड़ती है, विंटर ड्राई, वो सवाना जगह है, तो इन्होंने इसको विंटर ड्राई को सवाना रिप्लेस कर दिया है ना, समझ रहे हो ना. तो इस ये उस सेंस में है क्योंकि सवाना एक जगह का नाम है, ठीक है. आगे चलें, चलिए. येलो हो गया था क्वेश्चन, ये देखिए अब उसके बाद है बी एस, एस कैपिटल है वाला, कैपिटल एस एच, ये वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है. ये तो अभी बताया था, ये हो गया बी, ये वाले बी वाले तो मैंने सारे बता दिए, लेकिन बी डब्ल्यू कैपिटल है ये डब्ल्यू, फिर हो गया एच, मतलब ये वाले तो हो गए, बी वाले काट दो आप क्योंकि बी वाले मैंने सारे बता दिए. दिखाऊँ एक बार रिविज़न करवा देता हूँ बी वाले, ये देखो कहाँ चले गए, ये वाले, ये रहे, ये गाइस बी के ये इतने ही हैं, बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू के, ये डब्ल्यू कैपिटल में लिखना है गाइस, ठीक है ना, अच्छे से. ये भी कैपिटल है डब्ल्यू, एच छोटा है, यहाँ पे के छोटा है, यहाँ पे एच छोटा है, यहाँ पे के छोटा है, एस कैपिटल है, इसलिए मैंने एस ऐसे बनाया था, देखो ऐसे ऐसे करके बनाया था, है ना, ये डब्ल्यू ऐसे करके इसलिए बनाया था ताकि वो याद रहे. तो बी के इतने ही हैं, ठीक है, आगे चलते हैं. तो बी के हो गए, अब हम याद करेंगे सी के, हो जा. देखो अब हो गया सी डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू है, और हो गया जी. सी से क्या बताया था मैंने आपको, जो ये वाला रीजन था सी से, ये हो गया था ए, ये हो गया था बी, ये वाला सी, ये हो गया टेम्परेट रीजन, है ना. तो पहली चीज़ तो टेम्परेट हो गया, प्लस डब्ल्यू से क्या आता है, विंटर आता है ना, विंटर ड्राई, तो विंटर ड्राई लिख लो, विंटर ड्राई. और जी से क्या आता है, बस आपको ये याद रखना है, बस जी से कुछ है नहीं, मतलब अब आपको हर एक चीज़ एक एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतने से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है. और जो लास्ट में आता है ई, बस ये वाली चीज़ बताना भूल गया मैं, ई का मतलब होता है टुंडरा, टुंडरा, इसको भी नोट डाउन कर लेना, अगले पेज पर बता देता हूँ अच्छे से. देखो चल जा, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है ई, ई का मतलब होता है पोलर, पोलो या टुंडरा, टी यू एन डी आर ए, टुंडरा, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना. इतना ई टी, इसकी या तो इसको ई टी लिख देते हैं, कैपिटल ई छोटा टी, या ई, ई की बात है, ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है. अब मैं इंडिया का मैप बताऊंगा, इंडिया का मैप लेके आ रहा हूँ इसमें, इंडिया मैप, और उसमें बताऊंगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आएंगे गाइस ये क्वेश्चंस. आप बोलोगे कि यार सही बता रहा था बाद में, लेकिन देखो मैं मैप कैसे बनाऊँ, एक काम करता हूँ मैं मैप लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड गाइस. तो गाइस इसको देखो, देखो ध्यान से, इंडिया का मैप है और ये कोपियन क्लासिफिकेशन, मैंने किताब से उठा लिया कहीं से भी, ठीक है ना, इंटरनेट से. देखो ये जो इमेज है
इसको ध्यान से देखना। अब इंडिया का देखो, इंडिया है ये रहा, पहले मैं मैप बना देता हूँ यहाँ पे अर्थ का, ये देखो अर्थ बन गया और यहाँ से जा रहा है, क्या जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के यहाँ से पास होता है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से पास हो जाता है, इतना तो पता है आपको, ठीक है। अब इसको ये तो पता चल गया कि इसके नीचे क्या होगा, ए होगा, इसके नीचे क्या होगा, ए होगा पूरा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, और बी भी हो सकता है, इस वाले रीजन में ए और बी था ना, याद है, हाँ। तो देखो यहाँ पे बी है और बस, देखो गाइस अब बोलोगे कि यहाँ पे भी बी आ गया ऊपर, इसके ऊपर भी बी आ गया, क्योंकि ऐसा तो फिक्स नहीं है कि बस इस वाले रीजन में ही होगा, है ना। तो बी मतलब डेजर्ट होता है, राजस्थान में भी बी आ गया, है ना। तो ए बी ये वाला तो कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कि ए से मतलब इसके नीचे नीचे, ऊपर तो ए का ही नहीं है, उसके ऊपर क्या आता था सी, देखो उसके ऊपर क्या आ गया सी, तो यहाँ पूरा ये वाला रीजन आ गया सी, है ना। अब सबसे ऊपर क्या आता था टॉप में, लेकिन इंडिया के यहाँ पे पहाड़ियाँ है ना, तो जहाँ पे पोल, पोल पे क्या पड़ती है ठंड, और इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले रीजन में क्या पड़ती है बर्फ, ठंड। तो ये वाला और इसका क्लाइमेट और इसका क्लाइमेट एक सा हो गया, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया ई, टुंड्रा, क्या दे दिया टुंड्रा, ईटी। देखो ईटी का मतलब क्या है, टुंड्रा, ई का मतलब है पोल, है ना, ईटी बोल लो ईटी एक ही बात है, तो ये टुंड्रा हो गया, टी यू एन डी टुंड्रा, ठीक है। और बस, और ये पूरा हो गया सी, ये वाला भी सी है, ये वाला भी सी है, इतना आगे समझ में, जो मैंने यहाँ इतनी देर से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको इंडिया के मैपिंग में समझ में आ गया होगा कि कौन सा रीजन क्या होता है, ठीक है गाइस। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको एक बार और फिर मैं बताऊँगा, देखो देखो गाइस ये हो गया ई, देखो अब मैं जो जो बता रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना यहाँ से जारी वाली लाइन, ठीक है, ये हो गया ई टी, तो टी से हो गया टुंड्रा, तो ईटी। अब वो स्टेट पूछ लेगा, अगर इस टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लेगा जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, मतलब इन विच, इंग्लिश में लिखूँ तो जम्मू कश्मीर रीजन हैव विच टाइप ऑफ कोपियन क्लाइमेट, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा ई, दूसरा ऑप्शन देगा ए डब्ल्यू, तीसरा दे देगा ई एफ, ये दे देगा, उसके बाद दे देगा फोर्थ ए एस, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता लगेगा ई एफ तो कुछ होता ही नहीं है, हमने पता है ई और ई टी होता है, दो ही होते हैं, और ए होता है ये वाला रीजन वाला, यहाँ वाला, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये कुछ होता नहीं है, तो ये आंसर हो गया। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दो ऑप्शन देगा, ये वाली बात तो मैंने आपको बताई रखी है पहले से, अगर आपने चीट कोड वाली पिक्चर वो नहीं देखी है ना यूट्यूब वाली वीडियो, तो वो जाके आप पक्का से देखें चीट कोड वाली, उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, ये देखो, तो हमें ई पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो यहाँ पे देख सकते हो ई का मतलब है ई, टी का मतलब है टी से टुंड्रा, ई का मतलब है पोलर, ये दोनों हो गए, ठीक है। अब मैं इंडियन क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, मतलब इंडिया को कोपियन से कंपैरिजन चल रहा है ये, आप ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लेना, इंडिया को कोपियन से कंपेयर करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब बीच वाला रीजन पढ़ते हैं, इतना तो पता था आपको कि ये हो गया ए, यहाँ पे क्या आता है ए बी आता है, और ये वाला इसके बाद आता है सी, टेम्परेट वाला, ठीक है। तो ये हो गया सी, सी के बाद इन्होंने लिख रखा है छोटा डब्लू, फिर लिख रखा है जी, इसका मतलब क्या, देखो डब्लू का मतलब मैंने बताया था विंटर ड्राई, देखो क्या लिखा है ड्राई विंटर आ रहा है ना, देखो यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो, ये देखो सी डब्ल्यू जी, डब्लू का मतलब मैंने बताया था विंटर ड्राई आ गया, और मानसून टाइप है ये, क्योंकि एम तो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप, अब आपको ये तो याद रहेगा ना कि विंटर ड्राई है, आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे गाइस। एक एक चीज़ आप याद नहीं कर सकते कि इसका कोड का ये, इस कोड का मतलब ये है, एग्जैक्ट ये याद नहीं होंगे, बट आप क्वेश्चन करने लायक हो गए हो, है ना, ये बता रहा हूँ। तो ये वाला हो गया, अब देखो राजस्थान वाले देखेंगे हम, ये वाले एक है बी एस एच डब्ल्यू, एक है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, देखो इतना तो पता चलिया एस का मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है, यहाँ पे ये जोधपुर वाला रीजन हो गया थोड़ा सा, जोधपुर ये पंजाब थोड़ा सा आ गया, हरियाणा भी आ रहा है, तो और ये थोड़ा सा गुजरात आ रहा है, तो ये वाला जो रीजन है जो मैंने रेड से मार्क करा, यहाँ के अंदर थोड़ा थोड़ा ग्रासलैंड है, मतलब ये सेमी एरिड ग्रासलैंड है ना, इतना तो पता चल गया ना। और डब्ल्यू से क्या है, ये है कम्प्लीटली मतलब एरिड डेजर्ट है, ये पूरे डेजर्ट है, पूरे के पूरे डेजर्ट, कौन सा बिल्कुल ये वाला, ये एकदम एंड वाला पार्ट है जो राजस्थान का, अगर कोई राजस्थान का बच्चा है तो वो समझ पा रहा होगा कि राजस्थान का मतलब पूरा रेगिस्तान नहीं होता है, मतलब जो बाड़मेर वाला जो रीजन है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा आगे जाते हैं जोधपुर के आगे, तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन है यही है केवल केवल, जहाँ पे डेजर्ट की वो मिलते हैं देखने के लिए,
यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जोधपुर साइड में, जयपुर साइड में, वो नॉर्मल है ना। तो इतना तो पता चल गया होगा, ये वाला रीजन खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हमारा ये सब हो गया, ये भी हो गया। अब देखेंगे ये वाला पार्ट, मिटाता हूँ इसको। तो देखो गाइस, हाँ ये देखो, ये है ए डब्ल्यू, छोटा है डब्ल्यू, ठीक है ना। ए का मतलब क्या हो गया, देखो ए डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पे ये रहा ट्रॉपिकल सवाना, ये क्वेश्चन आया था ना, ए डब्ल्यू विंटर, ये विंटर ड्राई होता है लेकिन इसको सवाना बोल देते हैं, तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप हो गया। ये क्वेश्चन सीडीएस में आ रखा है, ठीक है, तो ये वाला हो गया। अभी तो क्वेश्चन में ये डब्ल्यू ये आया कि ट्रॉपिकल सवाना क्या बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जो ये साउथ इंडिया वाला, साउथ इंडिया ऐसे बोलेगा, साउथ इंडिया इफ वी कंपेयर कोपियन क्लासिफिकेशन विद द साउथ इंडिया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, तो ऑप्शन दे देगा ए डब्ल्यू, ए एस, ए जी, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। आपको पता चलेगा कि साउथ इंडिया में जो मेन है वो ये है, ये कोस्टल रीजन वाले अलग हैं, देखा कोस्टल में अलग है, क्योंकि देखो एस का मतलब क्या होता है, छोटे वाले एस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था मानसून ड्राई, देखो यहाँ देखो मानसून है, देखो ए एस का देखो चल के नहीं रहा है, हाँ मानसून ड्राई है ए एस के अंदर, ठीक है ये रहा ए एस मानसून ड्राई है, और ए एम का मतलब है यहाँ पे मानसून रहेगा, एम का मतलब है मानसून रहेगा, देखो मानसून टाइप है ना। और यहाँ पे ये भीड़ वाला इलाका है थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी वो हो गया, मतलब आप मैपिंग से क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। मेरा मेन फंडा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा आ रहा है, तो लाइक करना गाइस, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत टफ पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि आज तक उन्होंने पढ़ा नहीं होता, लेकिन मैंने अपने बेस्ट एफर्ट दिए हैं ताकि आपको ये सब याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलो तो अब आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अगर मैं ये बोलूँ कि अब मेरे को बताओ कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया में, क्वेश्चन है नॉर्थ इंडिया में कोपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा होगा। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ गाइस, पहला ऑप्शन है ए डब्ल्यू, दूसरा ऑप्शन है ए एस, तीसरा ऑप्शन है ए एम डब्ल्यू, और चौथा ऑप्शन है सी डब्ल्यू जी। अब बताओ नॉर्थ इंडिया में, देखो कैसे, अब इसको क्वेश्चन को अगर नहीं आता, समझो आपको याद नहीं रह रहा, तो बना सकते हो ना ऐसे करके, ऐसे करके इतना तो सब पता लगेगा, जो नॉर्थ इंडिया है वो ऊपर आता है, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया, देखो नॉर्थ इंडिया मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली वीडियो में, अब तो आप बनाना सीख गए होगे, तो यहाँ से पास होती है इन दोनों से, त्रिपुरा और मिजोरम से वाली लाइन पास होती है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इतना चल गया कि पूरा नॉर्थ इंडिया इसके ऊपर आता है, मतलब ए वाले रीजन में तो आता नहीं है, तो ए कट गया, ए कट गया, ए कट गया, तो सी आंसर हो गया, ले वाला आंसर हो गया सी वाला, है ना। भले आपको उसका नाम ना बताओ लेकिन आपने क्वेश्चन कर दिया ना, मेरा मेन फंडा यह है कि क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम में, है ना। चलते हैं आगे, चलो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को ये वाला बता दो, उसके बाद ये कमेंट में बताना गाइस, ठीक है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, अब जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, नहीं ये वाला नहीं पूछता, एक सेकंड रुकना, चलो कोई नहीं ये वाला ही बता दो आप, चल जा वेस्टर्न कोस्टल एरिया, इसको अगर हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया को अगर हम कंपेयर करते हैं कोपियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो आप मेरे को बताना इसका आंसर, इसका आप आंसर कमेंट में लिख के बताएंगे। ए डब्ल्यू एम आएगा, दूसरा ए एस आएगा, तीसरा ए डब्ल्यू आएगा, चौथा ए डब्ल्यू जी आएगा। गाइज मेरे को इसका आंसर चाहिए, कमेंट के अंदर लिख के बताना इसमें से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पढ़ाऊंगा सॉइल, पढ़ाऊंगा क्रॉपिंग पैटर्न, पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मैपिंग के अंदर मैं हिमालय पढ़ाऊंगा, एक बार देखोगे लाइफ टाइम के लिए हिमालय, दोबारा कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांस, ग्रेट, लेसर, मिडल, इसके अंदर एक एक रेंज, एक एक पहाड़ी याद हो जाएगी, ठीक है। अब आता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आप तक जहाँ तक भी आपने जितना ही पढ़ा है ऐसा मैपिंग, मतलब आप आँख बंद करके नॉर्थ ईस्ट के सारे मतलब वो बता दोगे स्टेट कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कंप्लीट मैपिंग याद हो जाएगा। कैसे मज़ा आएगा आज आपको ये वाला देख के, कसम से बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। अब आता है सॉइल, एक आता है इंटरनेशनल, एक होता है इंडियन सॉइल की दो क्लासिफिकेशन कर रखे हैं ना, इंडियन ने करी है एल एल ब्लैक सॉइल, रेड लेटराइल, ये सब पढ़े, ये सब पढ़ रखी है आपने, ये वाली नहीं पढ़ी होगी। यूपीएससी हमेशा वहीं से क्वेश्चन पूछेगा जहाँ से बच्चा पढ़ के नहीं जाता, हमेशा सीडीएस में लास्ट दो या तीन साल से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बच्चा पढ़ के भी नहीं जाता, मतलब इतना
ढीट हो चुके हैं बच्चे, पता नहीं कैसे। अब आता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल के अंदर क्या है, हिस्टोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एंडिसोल, मतलब ऑक्सिसोल, ये सब मैं बताऊंगा, एक सब ये एक ही बार में याद हो जाएंगी, ठीक है ना, खत्म। अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न, खारिफ, रबी, ज़ैद, ये सब आपने पढ़ रखा होगा कि ये सब क्या होता है, क्या मतलब, इतने अच्छे से ना कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैपिंग, ठीक है। मैपिंग ये उन बच्चों के लिए फायदा होगा जो भी सीरियस का एग्जाम देंगे और एनडीए का, ठीक है। एफकैट में जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल डायरेक्ट स्टेट पूछेगा, तो उसमें आपको मैपिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफकैट में जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट स्टेट पूछेगा, ठीक है। लेकिन एफकैट में, इसमें सीडीएस में और एनडीए में मैच द फॉलोइंग आएंगे, ठीक है ना, कि जैसे कि बताऊंगा मैं आपको कि ऐसे मैच द फॉलोइंग दे देगा इधर और इधर दे देगा, तो बोलेगा कि कौन सी कंट्री में, या फिर मैपिंग आती है इस तरीके से। तो मैच द फॉलोइंग आते हैं इसमें सीडीएस में और एनडीए में, और एफकैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टेट का। तो ये मैपिंग बहुत यूजफुल होती है, इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। टॉपिक का नाम है हिमालय, ठीक है। देखो हिमालय पढ़ेंगे आज हम, तो हिमालय ए टू जेड, मतलब जीरो अगर किसी को नहीं आता और वो हीरो बन जाएगा आज, मतलब उसका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, तो मज़ा आएगा गाइस। ऐसी मैपिंग आपने नहीं पढ़ी होगी, मज़ा आएगा मतलब जीरो से बिल्कुल, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करते हैं, मैं गाइस में अलग अलग कलर यूज़ करूँगा, और आप भी अगर, आपको भी ये एडवाइस दूंगा मैं कि कलर यूज़ करके पढ़ें, ठीक है ना, ईजी हो जाता है। देखो सबसे पहली जो रेंज आएगी यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम ट्रांस हिमालय, क्या नाम देंगे इसको, ट्रांस हिमालय, ठीक है। अगली बार मतलब इसके जो पीछे आती है उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। देखना गाइस कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इसकी एकदम बाउंड्री बाउंड्री पे, बाउंड्री बाउंड्री बाउंड्री, और यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आपके ग्रेट हिमालयस, ठीक है, जो रेड से लिखा है। अब बनाता हूँ दूसरे कलर से, ग्रीन से बना देता हूँ। देखना गाइस ध्यान से, यहाँ से लेके ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं लेसर हिमालयस या मिडिल, गाइस नोट डाउन करते रहना, लेसर हिमालयस बोलते हैं, लेसर हिमालयस या मिडिल हिमालयस, ठीक है। उसके लास्ट में आते हैं शिवालिक, इसको इस वाले कलर से बना देता हूँ, एकदम लास्ट में यहाँ से, ये यहाँ पे आते हैं, कौन सी रेंज आती है यहाँ पे, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक रेंज, ठीक है गाइस, इतना आगे समझ में। अब मैं ट्रांस को मतलब एक एक के अंदर घुसेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले तो यही पता होना चाहिए, पहले ट्रांस हिमालयस बने थे, उसके बाद ग्रेट हिमालय बने, फिर मिडिल, फिर शिवालिक, इतना तो याद रहेगा यार, मतलब इतना बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। बस इसमें मैपिंग में जो बनाता जा रहा हूँ, इसको अलग अलग मैप पे बनाते जाओ, नहीं बनाना तो एक ट्रिक है, मैप खरीद लो उस पर बनाओ, ठीक है ना, बहुत आसानी होगी। अगर वो भी नहीं करना तो अपने हाथ से मैप बनाओ ऐसे करके, उस पर बनाओ, वो परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब गाइज मैं जूम कर करके लिखूंगा, तो दिक्कत हो तो बता देना, वैसे तो क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। देखो सबसे जो ऊपर रेंज आती है यहाँ पे ऐसे, ये हो गई काराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जास्कर, ठीक है। पेन से दूसरे से लिखूंगा मैं, कलर ये रखेंगे, पहली हो गई गाइज, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो बता देना, वैसे अगर आप जूम आउट करेंगे तो क्लियर दिखाई देना चाहिए, काराकोरम, ठीक है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखो काराकोरम, दूसरी वाली रेंज का नाम क्या बताया हमने, लद्दाख, इसके बाद जो रेंज बताया उसका नाम क्या बताया मैंने, जास्कर, जास्कर, ठीक है। देखो गाइस 2x पे देखना, जल्दी हो जाएगा कवर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक बेसिक, अब जो बनाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना, इस पर पीक्स आती हैं गाइस, तो यहाँ पर है K2, कहाँ पे, ये बना दिया, जो ट्राइंगल शेप में बना रहा हूँ इस पर ध्यान देना, और ये एक और दो यहाँ पे पहाड़ हमें याद रखने हैं, एक का नाम है K2, और इस वाले एक पहाड़ का नाम है गासिर बम, गासिर BUM बम, ठीक है गाइस, गासिर बम और K2, ठीक है। K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना गाइस, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है, जूम आउट करके कैसा लग रहा है, सही है। देखो K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन,
पहले आते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद रखना के एल जेड, ये तीनों के तीनों किस्में, ये क्या है, क्या है ये जो मैंने बताई, क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ाया मैंने ट्रांस हिमालय, ठीक है ना गाइस, ट्रांस हिमालय ट्रांस हैं ये, ठीक है। एक रेंज और है ट्रांस में गाइस, बहुत ही बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आएगा देखो। वो चाइना में है ना, ये रे ऐसे ऐसे करके बना दो, इसका नाम है कैलाश रेंज, ठीक है, क्या नाम है उसका, कैलाश रेंज। गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट बना रहा हूँ मैं, मैपिंग में कोई गलती नहीं है, एकदम एग्जैक्ट मैप बना रहा हूँ, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज, ठीक है, ये हो गए हमारे सारे के सारे ट्रांस हिमालय। तो गाइस इसको मैं साइड में बनाता हुआ चलूँगा ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने क्या पढ़ लिया। तो जो इस वाले कलर से बनाया मैंने, इसको मैंने ट्रांस हिमालयस, ठीक है गाइस, हिमालयस को मैं एच लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। अब चलते हैं, रेड कलर लेते हैं, अब पढ़ेंगे हम क्या, ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालय मैंने क्या बताया था, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये ऐसे चल के नहीं रहा, ऐसे ऐसे, और ये पूरा ऐसे यहाँ तक होगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूँ अभी ताकि हम लिख सकें, क्योंकि गाइस यहाँ से मैपिंग के जो क्वेश्चन आएंगे मैं याद करवाऊंगा गाइस। एक होता है कि जब पढ़ा के छोड़ना, पढ़ा के नहीं छोड़ूंगा, याद करवा दूंगा, बस एक बार पढ़ लो, लाइफ टाइम के लिए याद कर लो। तो यहाँ से पर्वत स्टार्ट होता है और यहाँ तक है वो पर्वत, यहाँ तक बन जा, क्या हो गया, तो एक है यहाँ पे, ठीक है गाइस। इनके देखो नाम मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या इनके नाम है। तो गाइस ग्रेट हिमालय का एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम है नंगा पर्वत, क्या नाम है इसका, नंगा, नंगा स्पेलिंग गलत हो गई, नंगा पर्वत, पर्वत इसका नाम है नामचा बारवा, क्या नाम है इसका, नामचा, नामचा बारवा बोल लो, बारवा जो भी है, ठीक है ना, नामचा बारवा बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक क्या है, ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है गाइस। अब मैं इसके बीच के याद करवाऊंगा। तो इंडिया के अंदर कितने हैं, देखो इंडिया के अंदर जो ट्रिक है याद करने की वो क्या है, और एक नेपाल के अंदर है उसकी क्या है, पहले नेपाल वाली करवाऊंगा। यहाँ पे है डैम जैम, डी ए एम जी ई एम, पहले देखो डी ए एम जी ई एम क्या है, डैम जैम, ठीक है ना गाइस। देखो अब डैम जैम मैं कहाँ पे लिखूँ, थोड़ा क्लियर करने के लिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे डैम। गाइस खिलास रेंज का ऐसी तैसी होगी, लेकिन कोई बात नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आगे चलते हैं हम। डी से क्या था, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है, एक हो गया अन्नपूर्णा। ए से क्या हो गया, अन्नपूर्णा। एम से क्या हो गया, मनसालू, ठीक है। जी से क्या हो गया, गौरी शंकर, ठीक है, क्या हो गया, गौरी शंकर। ई से क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट, ये तो याद ही रहता है सभी को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। और एम से क्या हो गया, मकालू, मकालू, ठीक है गाइस, इतना हो गया। देखो एक बार फिर से रिवीजन करवाना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत, और यहाँ पे क्या था, नामचा बारवा, बीच में नेपाल में जो हिमालयाज है उनका नाम मैंने बता दिया एक साथ, डैम जैम, क्या, डैम जैम। डी से क्या था, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, हो गया। अब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो यहाँ पर है, यहाँ पे कौन से हैं, ग्रेट हिमालयाज, क्योंकि अभी मैं लाल से जो भी बना रहा हूँ, ये क्या पढ़ा रहा हूँ मेरे को आपको, ग्रेट हिमालयाज पढ़ा रहा हूँ, ग्रेट वाले, ठीक है ना किसी को नहीं तो आ रहा समझ में, बैक करके देखना। मैंने यहाँ पे तीन रेंज बताई थी, एक था ट्रांस वाली, उसके बाद था ग्रेट, उसके बाद मिडिल था, उसके बाद शिवालिक था, ठीक है ना। तो अब हम सबसे सेकंड वाली रेंज पढ़ रहे हैं, ग्रेट हिमालयाज वाली, ठीक है। अब यहाँ वाले याद करवाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है इंडिया वालों से। अब देखो
आपको क्या ऐसे याद रखना है, पहला यहाँ पर है फिर यहाँ पर है, मतलब अल्टरनेटिव, फिर ये रहा एक दो तीन चार फिर पाँच फिर छः, छः हैं बस, कितने छः हैं, ठीक है। अभी याद कैसे रहेगा, क्या सिक्वेंस है इनकी, तो गाइज ऐसे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है के बी बी के एन टी। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया भाई, देखो पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ, उसके बाद वहाँ पे मार्क कर लेंगे इनको। पहले का नाम है कामेत, ठीक है, दूसरे का नाम है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, ठीक है, उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद है केदारनाथ, केदारनाथ, उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद है त्रिशूल। देखो के बी बी के, देखो यहाँ से देखो मैंने कैसे याद करवाया, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। हाँ देखो पहले था के फिर बी फिर बी फिर के फिर एन फिर टी, ये ऐसे याद करवाया मैंने। देखो कामेत बंदरपुज बद्रीनाथ और केदारनाथ एक साथ आएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ फिर नंदा देवी और त्रिशूल, हो गया, हो गया ना याद। अब चलते हैं यहाँ पे, गाइस ध्यान से देखना, मैं कसम से बता रहा हूँ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस रखना जो जहाँ पे भी है, और HD में देखना वाली वीडियो 10, जो भी आप जो जितनी भी आपको दिखाई देगी उसमें प्योर HD में, ठीक है। देखो यहाँ पे है के कामेत, कामेत मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे हो गया आपका क्या बी बंदर पूंछ, उसके बाद क्या आएगा फिर से बी, क्या आएगा बी के, बी से क्या हो गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ फिर क्या था केदारनाथ, फिर क्या था एन, फिर क्या था टी, एन से क्या था नंदा देवी, टी से क्या था त्रिशूल, हो गया याद। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, एक बार इसको फिर से लाल कर देता हूँ फिर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि लाल से मैंने ग्रेट हिमालय वर्ड पढ़ाए हैं, ठीक है, हो गया याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है, और ये एस एस, ये देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सीरियस में कैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर NDA में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो बोलेगा नॉर्थ टू साउथ, साउथ लगाओ, कुछ भी बोल देगा, फिर नीचे पॉइंट दे देगा, इसके आगे दे देगा ए बी सी डी, फिर बोलेगा ए बी सी डी, इस तरीके से होगा या फिर ऐसे होगा बी सी ए डी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा चार, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मैपिंग के, और लोग सोचते हैं ये बहुत टफ होते हैं, एक बार मैं पूरा मिटा दूंगा, फटाफट आप खुद ही बोलने लगोगे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। मिटाऊँ, देखो क्लियर कर रहा हूँ इस पेज, स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ले लेना स्क्रीनशॉट, क्लियर ऑल, ओके। देखो सबसे पहले मैंने ऊपर बताई थी रेंज, ठीक है, यहाँ पे कौन सी थी के एल जेड, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, यहाँ पे मैंने कौन सा पार्ट बताया था K2 बताया था, यहाँ पे क्या बताया था गासिरबम, बोलोगे नहीं ना अपने मुंह से तो घंटा याद नहीं होगा कुछ भी, गासिरबम, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं K2 को गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। यहाँ पे क्या था कैलाश रेंज, ठीक है, हो गया, आगे चलूँ, ठीक है। देखो ये क्या हो गया सारे के सारे ट्रांस वाले हो गए खत्म, मैंने यहाँ से लेके क्या बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों नहीं चलता यार ये पेन, क्या हो जाता है इसमें, गाइस फिर से देखना, यहाँ से लेके ग्रेट हिमालय बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग, बच्चा जब आता है तो क्या होता है नंगा होता है ना, तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा, नामचा बारवा, ठीक है, ये इतना तो याद रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक बताई थी, यहाँ पे इस वाले स्टेट में, यहाँ पे नहीं है गाइस, यहाँ पे है, ठीक है, और नेपाल में, नेपाल में क्या बताया था डैम जैम, इतना तो याद रहेगा डैम जैम, डी से क्या था धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये जी से गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू। गाइस याद रखना यही सीरीज आएगी, बोल देगा कि ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। अब ईस्ट और वेस्ट भी बता दूं तो देख लो एक बार, ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, ये साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है तो यहाँ पे ईस्ट होता है और यहाँ पे वेस्ट होता है, बस याद रखना। कुछ भी बोले अरेंजमेंट लगाने के लिए इधर से उधर, इधर से उधर, बड़े आराम से लगा के आओगे, बड़े आराम से, ठीक है। डैम जैम यार एक वर्ड याद रखना है बस, पूरी सीरीज याद करवा रहा हूँ, है ना, आसान है ना। यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या बताया था के बी बी के, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आता है इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे लिख के बताया था मैंने, ठीक है। मिटा देते हैं एक बार फिर से, अच्छा यहाँ के लिए मैंने क्या बताया था के बी बी के एन टी, के से क्या था ये वाले तो याद रहेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ, ये तो पिक्चर भी आई है केदारनाथ बद्रीनाथ, ये तो याद रहेंगे। पहले क्या था कामेत, बोलो अपने मुंह से कामेत, बी से क्या था बंदर की पूंछ, बंदर पूंछ, एन से क्या था
नंदा देवी टी टी से क्या था त्रिशूल, बना लो अपने माइंड में इमेज, बना लो त्रिशूल, त्रिशूल टी त्रिशूल, हो गया याद, हो गया याद। तो ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए आते हैं, ये वाले मैंने आपको पूरे याद करवा दिए हैं। अब आगे चल रहा हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक याद हो गया है, ठीक है आगे चल रहा हूँ इसमें, ठीक है चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। देखो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, यहाँ तीन थे, क्या था वो ट्रांस हिमालय, हमने ये वाली पूरी सीरीज पढ़ ली, ये क्या था ग्रेट हिमालय, अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय को कलर लेंगे हम ये वाला ऑरेंज, ठीक है मिडिल हिमालय को पढ़ने के लिए ब्लैक लेते हैं, थोड़ा अच्छा वो लगेगा। देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बना रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बना दो पीपी पीपी, फिर आएगा यहाँ पे डीडी, याद करने के लिए ना कुछ भी बोलो, अपने मुंह से बोलोगे ना याद तभी होगा, क्योंकि नए वर्ड्स हैं, एक बार में याद हो गया तो फिर यार फिर तो सभी ना कर लेते क्लियर, है ना, तो वही बात है मुंह से बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन आएगा पीपी डीडी, पीपी डीडी, ये हो गया नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है ये हो गया मसूरी, घूमने जाते हैं यहाँ पे लोग, ये हो गया कमाऊ, बस हो गया। और यहाँ पे आ गया महाभारत, कहाँ पे, नेपाल में, कोई इंडिया में मत बोल देना महाभारत, ये महाभारत की रेंज है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ कौन सी हैं ये रेंज, अगर हम पूछ लो महाभारत इज इन पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, तो ये मिडिल हिमालय, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मिडिल हिमालयस, ग्रेट हमने ये पढ़ लिया, ऊपर वाला ट्रांस पढ़ लिया, ग्रेट पढ़ लिया, ठीक है अब हम क्या पढ़ रहे हैं मिडिल हिमालयस। मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी, नहीं हुई याद एक बार फटाफट बोल रहा हूँ, और अपने मुंह से और अपने दिमाग से जितना बोलोगे उतना याद होगा गाइस, मैपिंग का सीधा फंडा है, जितना बोलोगे उतना याद होगा। ये क्या था, बस मैं पहला बोलूँ काराकोरम, ये क्या था लद्दाख, ये क्या था जास्कर, ठीक है ये क्या है केटू की पहाड़ी, ये क्या है गासरबम, ठीक है गासरबम पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है क्योंकि रिविजन चल रहा है, ये क्या है नंगा पर्वत, ये क्या है नामचा पर्वत, यहाँ पे वाली जो ट्रिक थी वो क्या थी के बी बी के एन टी, के से क्या था कामेत, बी से बंदरपूछ, बी से बद्रीनाथ, के से केदारनाथ, एन से नंददेवी, टी टी से त्रिशूल, यहाँ क्या थी डैम जैम, डैम जैम, डी से धौलागिरी, एम ए से अन्नपूर्णा, एम से मनसालो, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, एम से मकालू, ठीक है और ये क्या है नामचा बारवा, हो गई गाइस याद। और एक लास्ट अभी जो बताई ब्लैक से ये क्या थी पीपी, पीपी का मतलब और डीडी का मतलब आपने पूछा भी नहीं और मैं बताना भी भूल गया, इसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज, इसको बोलते हैं धौलाधर रेंज, कौन सी धौलाधर, गाइस नोट डाउन कर लेना पीपी का मतलब क्या और डीडी का मतलब क्या, मैं बताना भूल गया आपको, पीपी का मतलब पीर पंजाल रेंज, डीडी का मतलब धौलाधर रेंज, ठीक है यहाँ पे क्या थी नाग टिब्बा, फिर क्या थी मसूरी, फिर क्या थी कमाऊ, कमाऊ लिख देता हूँ कमाऊ मसूरी, मसूरी और ये क्या थी नाग टिब्बा, ठीक है और ये क्या थी महाभारत। और गाइस शिवालिक के अंदर कोई पहाड़ी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शिवालिक बहुत छोटी हो जाती हैं, बस ये याद कर लो कि इसके बाद जो सबसे लास्ट में बची ये शिवालिक है, बस ये पता होना चाहिए लास्ट वाली शिवालिक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, इसमें कोई पहाड़ी स्पेसिफाइड याद नहीं करना, ठीक है चलें आगे। इतना याद हो गया, अब जो गाइस मैं बताने जा रहा हूँ वो होगी नॉर्थ ईस्ट की मैपिंग, यहाँ वाली मज़ा आ जाएगा इसको तो पढ़ के, इसमें मैं इसमें नहीं बताऊँगा क्योंकि हाथ से बनाऊँगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, चलूँ पक्का, चलिए आगे चलते हैं। बस एक बार आप नॉर्थ ईस्ट का मैपिंग देख लोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है ये, ऐसे बस मैं थोड़ा बस बना के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे बन कैसी रही है जनरली, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है अब मैं इसको रफ में अपनी हैंडराइटिंग से बना के दिखाऊंगा और याद करवाऊंगा गाइस, याद लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा आपको। नॉर्थ ईस्ट का जब भी कभी क्वेश्चन आता है एनडी में भी आता है और सीडीएस में भी आता है, दोनों में बहुत बार आया है, बहुत बार, एक दो बार आया तो बात अलग है, बहुत बार, इसको अच्छे से याद कर लेंगे ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए कभी कोई गलत नहीं हो क्वेश्चन। चलिए चलते हैं प्लैंक पेज लेके आते हैं। तो गाइस देखो यहाँ से ऐसे ये हो गया सिक्किम, फिर ये भूटान चल रहा है, ये आ गया, अब बस देखते जाओ बनता कैसे, मज़ा आ जाएगा आपको, किसी ने नहीं बताया होगा ऐसे आज तक। देखो गाइस जब भी कभी ऐसे बनाते हैं स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा सा टाइप बनाते हैं, इस गड्ढे के अंदर आता है भूटान, कलर दूसरा लेता हूँ ताकि इमेज बने माइंड के अंदर। तो ये वाला जो कंट्री आ गई, ये वाली
ये वाली, ये हो गई आपकी भूटान, ठीक है, ये वाली कौन सी कंट्री हो गई, भूटान। लाल ही कलर लेके आते हैं, ध्यान से देखना गाइस, ऐसे करके बनाना है, फिर यहाँ पे ऐसे करके दो बनाने हैं जैसे गाय के थन होते हैं, बस याद करना है, गाय के दो थन बना दो ऐसे करके, यहाँ पे ले आओ, ठीक है। अब देखो याद कैसे होगा, ऐसे करके ले आओ, ऐसे, ये वाला पूरा, ये पूरा, उसके बाद फिर इसको एक पार्ट में तोड़ना है ऐसे, एक बार और तोड़ना है ऐसे, देखो इन दोनों थन को अलग कर दो, कर दो कैसे, ऐसे ऐसे अलग कर कर दिया, एक एक थन को अलग कर दिया, ये नंबर वन थन हो गया, थन यार ऐसे याद करवाने की ट्रिक है यार बस ये, कोई इसको नेगेटिव सेंस दिया वैसे ना ना ले, मतलब याद होना चाहिए ना, मेन फंडा क्या, याद होना चाहिए। तो एक थन को मैंने वन लिख दिया, एक पे लिख दिया टू, इतना तो याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो दो ऐसे स्टेट बनने चाहिए, एक ये स्टेट बन गया और एक ये स्टेट बन गया, और ऊपर वाला मैंने कैसे बताया, यहाँ से पूरा लेके आ जाओ और यहाँ पे ऐसे आके खत्म कर दो, ठीक है। यार मैं नॉर्थ ईस्ट ना ऐसे बढ़ा दूंगा, किसी ने नहीं बढ़ाया होगा, देखो ये अलग अलग लेते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टेटिंग की नाम की मतलब नाम बताने की बारी आती है, इसको बोलते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश, इस पूरे को, यहाँ तक तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट है और ये कौन सा स्टेट है, ये हो गया नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। ये हो गया आपका मणिपुर, मणिपुर, ये हो गया। सबसे लास्ट में क्या आता है, ए बी सी डी में जेड आता है ना, तो सबसे नीचे तक कौन सा जा रहा है, जेड, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है गाइस, जेड आ रहा है ना, मिजो, तो ऐसे याद कर रखा है मैंने कि जो जेड अल्फाबेट में भी लास्ट में आता है और ये भी जेड सबसे नीचे आएगा, हो गया याद, इतना तो याद हो ही रहा होगा। ये हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। ये हो गया आपका मेघालय, देखना अलग से बना दिया मेघालय, तो बीच में ऐसे करके गोला बना दो, ये हो गया मेघालय। और जो ये पूरा बचा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये क्या हो गया, असम। और ये कौन सा है, ये वाला सिक्किम, हो गया गाइस याद। अगर नहीं हुआ अपने हाथ से एक बार बना लो, एक बार, मैं गारंटी लेता हूं याद हो जाएगा। देखो गाइस फ्रेश पेज लेके आ रहा हूं, देखो जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इतनी जल्दी बना लेता हूं मैं, देखो ऐसे करके मैंने यहां पे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके लेना भूल गया। ये हो गया एपी, इन दोनों को मैं अलग कर देता हूँ, इसका नाम त्रिपुरा, यहाँ पे जेड, देखा कितनी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे कितने स्टेट आएंगे, मैंने बता दिया यहाँ पे दो आते हैं बस इसके ऊपर, तो ये यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। इसका नाम क्या है, मणिपुर, इसका नाम है एन, इसका नाम है एम, मणिपुर, इसका नाम है नागालैंड, इसका नाम है एन एम, ये भी याद हो गया एन एम, ये तो याद ही रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, बीच में से गोला बना दो, ये हो गया मेघालय, कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ये हो गया असम, ये हो गया सिक्किम, हो गया याद, इतना तो याद हो ही गया होगा, इससे ज़्यादा तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं, तो पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा पाउज करना और बताना खुद ही। ये लेते हैं कलर, हाँ आप मेरे को ये बताओ, क्या त्रिपुरा और मिजोरम जो इसके नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल है ना, उससे टच होते हैं ये दोनों, नहीं होते, देखा आज तक कभी सोचा था। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री आ रही है जो नहीं हो रहे, ये आ रही है बांग्लादेश। तो इतना तो हो गया कि मिजोरम के आधे से, कितना, आधे से लेके ये पूरा यहाँ से बांग्लादेश है, इतना तो यार याद रखना, बांग्लादेश है, दूसरा देश है ये, हमारा देश वाला बांग्ला नहीं है ये, ठीक है, हमारा तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये चलते हैं इधर, इसको कलर दूसरा ले लिया। अब यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया, इस साइड ये पूरा नीचे तक, ये हो गया म्यांमार, ठीक है गाइस। तो हमें ये पता तो चला कि इसमें से कोई सा भी बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करता, तो यही क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, शायद आया था या एनडीए में सीडीएस में, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, वो क्वेश्चन ये आया था कि मणिपुर बंगाल से ऐसा कौन सा देश है जो दोनों से टच करता है, वेस्ट बंगाल से भी, मतलब बांग्लादेश से भी, और म्यांमार से भी, तो केवल एक ही देश है, मतलब एक ही स्टेट है, सॉरी एक ही स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है, मिजोरम, कौन सा स्टेट है, मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा करता है, नहीं करता, त्रिपुरा मतलब एक से करता है, इस वाले से नहीं करता ना, वैसे मणिपुर है वो भी नहीं करता, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बन के आएगा ना, फ्रेम हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आ रहा है इस समय में आपको, तो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, मतलब जशन कट रहे। देखो ये हो गया, आगे चलते हैं। अब मैं जो चीज़ याद करवा रहा हूँ वो है यहाँ के पहाड़ी, यहाँ पे भी तो पहाड़ है, यहाँ पे भी तो हिमालयाज हैं, हिमालय भी खत्म नहीं हुआ है ना। देखो ये बना दिया ऐसे करके, फिर ऐसे ऊपर ले गए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है।
ये बन गया आपका। सॉरी गाइस, बीच में एक कॉल आ गई थी मम्मी की, अब यहाँ चलते। देखो तो ये हो गया आपका एपी, ठीक है, मैंने बता दिया, मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसे मैंने आपको बता चुका है, ठीक है ना। ये हो गया, इतना तो यार आप इतनी ऐसे बना दोगे फटाफट एग्ज़ाम में, है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा स्टेट कौन सा था, लेकिन अब पता है ना, ठीक है। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ के हिमालयाज, ठीक है। पेन चेंज करते हैं गैस, आपको लग रहा होगा बहुत धीरे पढ़ा रहा है, लेकिन इतना तेज शायद ही कोई पढ़ाता होगा यूट्यूब पे, कोई भी बकवास नहीं करता मैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से होगा, देखो मैंने ना एक लाइन में याद कर रखा, पता नहीं इसमें लोग ट्रिक बनाते हैं, डाफला मीरी अभोर मिशमी, ऐसे याद कर रखा है मैंने, मतलब देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम है, उसका नाम है डाफला, यहाँ पे है मीरी, यहाँ पे है अभोर, यहाँ पे है ये ओ है, ठीक है ना, अभोर, ये है मिशमी, ठीक है। इतना तो याद रहेगा ना, आसान है ना, डाफला मीरी अभोर मिशमी, है ना। फिर आ जाता है पटकाई बम, पटकाई बम क्या है ये, मतलब अजीब सा नाम नहीं लग रहा, पटकोई बम। देखो इसको हम लोग, पटकाई बम का मतलब होता है शायद मुर्गा होता है, मुर्गे की नाड़, है ना, ये जो लग रहा है देखने से ऐसे नहीं लग रहा है जैसे मुर्गे की नाड़ हो उस तरीके से, तो इसलिए इसको पटकाई बम बोलते हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मुर्गे को शायद पटकाई बम बोलते हैं ना, ऐसा कुछ इसके पीछे वो है इसका नाम रखने का, ठीक है। तो डाफला मीरी अभोर मिशमी, बोलो एक बार मुँह से बोलोगे ना, एक बार ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, डाफला मेरे साथ बोल दो एक बार, चलो डाफला, अरे कौन नहीं बोल रहा, बोलो सबको बोलना है, जो वीडियो देख रहा है वो बोल दो एक बार, डाफला मीरी अभोर मिशमी, डाफला मीरी अभोर मिशमी, डाफला मीरी अभोर मिशमी, डाफला मीरी अभोर मिशमी, हो गई, ये चारों तो याद हो गई, और पटकाई बम कितनी आसान थी। अब ये कौन सा स्टेट है, इसमें बहुत ही हार्ड पहाड़ी है, बताओ ये कौन सा स्टेट, नागालैंड है, इसमें नागा हिल्स हैं, ठीक है, ये तो आसान है यार, नागा हिल्स। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, ये कौन सा स्टेट है, मणिपुर है, यहाँ पे मणिपुर हिल्स, ये बहुत हार्ड हार्ड गए हैं, बहुत हार्ड हैं ये। यहाँ पे कौन से पहाड़, वो है स्टेट है मिजो है, तो यहाँ पे हो गई मिजो हिल्स, कितना टफ है ना ये। ये कोई, ये क्या है, ये है त्रिपुरा, तो यहाँ पे क्या हो गया त्रिपुरा हिल्स, कितना टफ है ना ये। देखा, इसलिए बोलते हैं एक बार जो चीज़ पढ़ो तो एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो ये मेघालय हो गया, मेघालय में ये तो यार सभी को याद होगी, पता कौन सी, तीन है यहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको गारो खासी जयंतिया, ठीक है गाइस। इतना हो गया याद, अगर इतना हो गया हो तो मेरे को ओके अभी लाइक कर देना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना वीडियो को, और कमेंट भी जरूर करना कि भाई मज़ा आ गया, है ना। राहुल गांधी वाला किसी ने कल वो भी भेजा था टेलीग्राम पे। अब करेंगे हम लोग, हाँ, यहाँ की हाईएस्ट पीक्स, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, एक साइड में दे देगा स्टेट, एक साइड दे देगा उसकी पीक, कौन सी हाईएस्ट पीक, स्टेट जैसे एपी दे देगा, सिक्किम के ये दे देगा त्रिपुरा, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, मिजोरम की कौन सी है, तो हमें उनके नाम पता होने चाहिए ना, तभी तो हम लोग कर पाएंगे ना अगले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो गाइज अब मैं इसको अगले पेज में बनाता हूँ, यहाँ पर किचपिच हो गई। अब मेरे को एक चीज़ तो बताया, अब नॉर्थ ईस्ट में कभी डरोगे नहीं, है ना, देखो ऐसे करके एकदम बना दो, ऐसे करके ऐसे ऐसे, यहाँ पे दो हैं बस, मतलब एकदम बना दोगे आप, ये मेरे को इतना भरोसा है कि अब तो आप कुछ ना कुछ तो आपको आता है ना। अब कलर चेंज करते हैं, लेते हैं ब्लैक कलर। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कैंगटो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये कौन सी एपी की है, एपी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कैंगटो, ठीक है। और नागालैंड, इसके बाद नागालैंड है, नागालैंड का क्या है, सारा माता बोल लो, याद करनी है अपने को, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे है माउंट ईसो, इसको आईसो बोल लो ईशो बोल लो एक ही बात है, माउंट ईशो बोलता हूँ मैं तो, माउंट आईशो। यहाँ पे है ब्लू माउंटेन, कौन सा ब्लू माउंटेन, याद रखना गाइस। यहाँ पे कौन सा है, बैटलिंग्स, बैटलिंग सिब, बैटलिंग सिब,
ये थोड़ा टफ सा नाम है लेकिन आसान है, हो जाएगा याद। तो एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है गाइस कि मैच द फॉलोइंग करो हाईएस्ट पीक्स हर एक स्टेट्स की। तो एपी का क्या है, देखो मैं बस मेरे को एक दो याद रहती हैं, देखो कैसे याद रहती है मैं आपको बता देता हूँ। मिजोरम की याद रहती है मेरे को ब्लू माउंटेन, अपने को सारी याद थोड़ी ना करनी है, एक दो याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में वहाँ पे पता चलता है यार कि कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। थोड़ा सा मतलब खेलो तो आराम से, दिमाग से खेलो, है ना, वोला सीन है मेरा। तो उसी वैसे ही पढ़ो जो जितने एग्जाम में मतलब याद करने के लिए मांगा जाए। और नागालैंड की याद रहती है, ठीक है, नागालैंड का क्या है सारामाती, और ब्लू माउंटेन किसकी है मिजोरम की, मिजोरम की, और माउंट ईसो की भी याद रहती है, ये किसकी है मणिपुर की। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है गाइज, ये तो बहुत मेरे को आसान लगता है तो मैंने इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं बना रखी मेरे को, क्योंकि आसान लगता है, ठीक है। एक बार में फटाफट मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, रिवाइज करवा दूँ क्या, क्वेश्चन पूछूँ? अगर मेरी वीडियो का फंडा ये है जो यहाँ आ रहा है वो यहीं याद करके जाए, उसको जाकर दोबारा नहीं पढ़ना, ठीक है ना, यहीं पे याद करो बस एग्जाम में, फिर मतलब मारो टिक करो फटाफट जाके। अब चलते हैं आगे गाइज, एक सॉइल का टॉपिक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो चाहे वो एनडी का एग्जाम हो, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आ रहा है, चाहे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इंडिया में जो सॉइल, एक तो देखो दो टाइप से सॉइल की क्लासिफिकेशन हो सकती है, एक तो जो इंडिया ने करी है, एक जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, ठीक है ना। इंडिया ने कौन सी करी है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, तो ये वाली आ नहीं रही हैं, कई साल हो गए ये वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैं गारंटी लेता हूँ इस बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ऐसा फील होता है क्योंकि यूपीएससी हर बार पलट के आती है। तो मैं आपको दोनों करवाने की सोच रहा हूँ कि ये भी करवा देता हूँ ये भी करवा देता हूँ। इंटरनेशनल में जैसे आती है, जैसे हिस्टोसॉल क्या होता है, हिस्टोसॉल, एंटीसॉल, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जिन्होंने लास्ट टाइम दिया होगा उनको पता होगा, इंसेप्टिसॉल, एंडिसॉल, तो ये क्वेश्चन बच्चों के हर बार गलत होते हैं, ठीक है ना। तो इस ये किस टाइप की क्लासिफिकेशन है, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, सीडीएस में तो पक्का आता है, एनडीए में ये वाले आते हैं, तो मैं दोनों करवा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं करवाता हूँ जो इंटरनेशनल वाली हैं, नोट डाउन कर लेना गाइस, ठीक है, इंटरनेशनल। तो देखो सबसे पहले देखो जिसके आगे हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्टोसॉल, देखो सॉल का मतलब होता है सॉल, सॉइल, ठीक है ना, और हिस्टो का मतलब होता है पुरानी, ठीक है। तो जो पुरानी होगी वो कैसी होगी सॉइल, आप खुद बताओ, हाईली ऑर्गेनिक मैटर होगा ना उसमें, मतलब मैं उसको ऑर्गेनिक उसमें बहुत ज़्यादा होगा, जो भी हिस्ट्री वाला, मतलब ऐसे ये याद ही करना पड़ेगा यार इसका ना, क्योंकि देखो सॉइल की क्लासिफिकेशन कर रखी है। अब आपको एक हिस्टोसॉल आपका नाम रख दिया, समझो आपका नाम कुछ भी है, जैसे एक हमारे सब्सक्राइबर उनका नाम वैली ऑफ फ्लावर है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम वैली ऑफ फ्लावर क्यों है, क्योंकि रखा उन्होंने, उनकी मर्जी थी, है ना। तो वैसे ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ने अगर आप किसी का नाम रख दिया हिस्टोसॉल, अब इस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये नाम क्यों रखा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, है ना। तो सिर्फ आपको ये रटनी पड़ेंगी। तो ये क्या होती है, हाई ऑर्गेनिक मैटर, याद कर लिया, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है याद कर लो, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती हैं, तो हिस्टोसॉल, ठीक है। ये हो गई तेरी, ये हो गई आपकी एक क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन के अंदर लेयरिंग होती है, लेयरिंग मतलब इसको मैं लिखता हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको इस तरीके से नहीं पढ़ेगा। एक होती है डेवलप्ड ओरिजिन के हिसाब से, ओरिजिन मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे करके लेयर वाइज ओरिजिन, ये लेयर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें पहली का नाम है, ब्लैक से लिखता हूँ, पहला नाम है उसका नाम है एंटी सोल, उसके बाद है इनसेप्टी सोल, उसके बाद है एंडी सोल, ठीक है ना। इसको आप बक्से में लिख लो जो जो इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये देखो, जब लैक ऑफ ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिन हो वो बहुत ही एक ही लेयर है, समझो एक ही लेयर है, मतलब इसमें लिखूंगा लैक ऑफ ओरिजन्स एंड रीसेंट एक्युमुलेशन, मतलब ये अभी अभी एक्युमुलेट हुई है, मतलब उसकी एक ही लेयर बनी है, ठीक है ना, मतलब पता चल रहा है। एक होता है कि बस एक दो ही लेयर बनी है या तीन लेयर बनी है, बहुत ही अभी बहुत ही वीक है, ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे वीकली डेवलप ओरिजिन, ठीक है। एक क्या होती है, देखो तो गाइस ये क्या है, ये भी वीकली डेवलप्ड है, बस कि जो पेरेंट है ना, मतलब जो उसके जो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक मतलब जो बहुत बहुत पुरानी है, वो कैसी है, वॉल्केनिक है। गाइस नोट डाउन करना ही वाली है,
जो डायग्राम है ये मेरी खुद की सोच है, ये आपको कहीं ऐसे डायग्राम बना के नहीं मतलब समझाएगा नहीं कोई, ठीक है ना। इसमें भी ये लिख लो वीकली डेवलप ओरिजिन प्लस वॉल्केनिक पेरेंट, ठीक है। तो गाइज इतना समझ में आ गया, एंटी सोल होती है उसमें लेयरिंग कम है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है और इसमें इससे भी ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें समझो एक लेयर है, इसमें तीन लेयर हैं, इसमें आठ नौ लेयर हैं, इतना तो समझ में आ गया। तो एंटीसोल, एंटी इंसेप्टीसोल और एंडीसोल आगे समझ में, और ये हिस्टोसोल। तो मैंने दो टाइप से क्लासिफिकेशन कर दी, जो ऑर्गेनिक में अच्छी होती है उसको क्या बोलते हैं हिस्टोसोल, और जो डेवलप्ड ऑरिजिन के हिसाब से तीन और कर दी, ठीक है। एक और करूँगा जिसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसको बोलेंगे थर्ड क्लासिफिकेशन। गाइस नोट डाउन करना, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये है, थर्ड वाली अलग करके दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ आ नहीं रही थर्ड। पहला हो गया ऑक्सी सोल, ये हो गया फिर वर्टी सोल, फिर हो गया एल्फी सोल, फिर हो गया स्पोडोसोल, फिर हो गया मोलीसोल, फिर हो गया एरिडोसोल। गाइज नोट डाउन करना, सारी बताऊंगा ये होती क्या है। ये थर्ड क्लास, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इस टाइप की सॉइल नहीं पड़ी ना, हाँ इंटरनेशनल है, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिया, हमको रटवा रहे हैं, है ना। देखो तो यहाँ पे ओ ओ आ रहा है, इसके में भी ओल्ड आएगा, याद करने की ट्रिक। तो सबसे जो पुरानी सॉइल होती है, वेरी ओल्ड सॉइल इज नोन एज ऑक्सी सॉइल। हो गया याद, याद तो नहीं करना पड़ा, हो गया ना। ये होता है वर्टी सॉइल, वर्टी सॉइल याद रखना, क्ले क्ले ही क्ले होता है उसके अंदर, क्ले। अब ये कैसे याद रहेगा, वी सी, यार मेरे को तो ये मतलब एक दो याद रहेगा ना यार, ऑप्शन आते हैं वहाँ पे, ऐसे बोल देगा कि अगर आपने क्वेश्चन देखा हो सीडीएस में, ऐसे आता है ऑक्सीसोल ऑर्गेनिक है ओल्ड है, तो यार पता चल रहा है ओ ओ मतलब, और जो वर्टिसोल है फिर वो अपने आप मैच हो जाती है। सारे याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ याद हो जाएंगे ना ट्रिक से, और बाकी अपने आप हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसमें क्लियर टाइप का होता है, ठीक है। अब आती है एल्फिसोल, एल्फिसोल क्या होती है लिख लो, इसमें सॉइल ऑफ, सॉइल ऑफ ह्यूमिड, इसमें ये ह्यूमिड होती है मतलब इसके अंदर नमी होती है, प्लस क्ले एक्युमुलेशन होता है इसके अंदर, और हाई बेस होता है, बेसिक नेचर की होती है, हाई बेस स्टेटस बोल लो, ठीक है ना। इसमें जो स्पोडोसोल होती है ये क्या होती है, सॉइल ऑफ कोल्ड, कोल्ड होती है, ठीक है ना, और बस इतना याद रखना है इसके अंदर। और ये होती है जो मोली सॉइल होती है, ये सेमी एरिड होती है, सेमी एरिड, ठीक है ना। और जो ये लास्ट वाली है इसको सॉल्ट बोलते हैं, इसके अंदर सॉल्ट होता है और प्लस ड्राई होती है, जैसे हमारी डेजर्ट वाली होती है ना उसको एरिडोसोल बोलते हैं, ठीक है। हो गया याद, अपने को ज़्यादा याद नहीं करना है। देखो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से याद याद कर लो, एक तो ये याद कर लो, ऑक्सीसोल क्या हो गया, ओ से ओल्ड, ठीक है, वर्टिसोल हो गई क्ले, और एराइड वाली याद कर लो सॉल्ट वाली, और ये वाली याद कर लो मोलीसॉइल, ये सेमी एराइड होती है मतलब आधी वो और आधी वो, सेमी मतलब आता है आधा, तो सेमी एराइड मतलब होता है मतलब आधी नम आधा नमक और आधा उपजाऊ उस टाइप से, तो सेमी एराइड वाली सॉइल हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली याद कर लो, ये वाली याद कर लो, ये बीच की दो याद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और पीछे कहाँ चले गए, हाँ ये रहा, इसमें हिस्टोसोल याद करनी इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों याद करनी है, एंटीसोल इंसेप्टीसोल और एंडीसोल, ठीक है ना। हो गया याद, अगर याद हो गया ना गाइस, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, बता देता हूँ मैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है। तो इनसेप्टी सॉइल सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम कौन सी है, मोली सॉइल। देखो इनसेप्टी सॉइल मैंने बताया था, कहाँ बताया था, देखो गाइस ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है सीडीएस में, और अभी एग्जाम भी आ रखा है, देखो इनसेप्टी सॉइल आ रहा है ना, तो वीकली डेवलप। तो इंडिया में अंदर जो भी जैसे एलुवियल सॉइल है ना, जो गंगा प्लेन वाली है, उसको ये बोल सकते हो कि वो वीकली डेवलप है, उसमें एक दो लोए लेयर हैं बस, ज़्यादा लेयर नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई पेरेंट रॉक नहीं है, है ना। इसलिए तो ये कितनी है हमारे पास, ये है 39.74%, परसेंट याद रखने की जरूरत नहीं, बट 40 के आसपास याद रख लो, 40% के आसपास क्या है, इनसेप्टी सॉइल है। और जो ये है क्या, मोलीसॉइल है 0.4%, ये कहाँ पाई जाती है, कोस्टल प्लेन्स पे, यहाँ पे इंडिया का ही मैप है, तो यहाँ कोस्ट ये वाली मोलीसॉइल, ठीक है ना, दलदल वाली उस टाइप से, तो ये मोली सॉइल हो गई, ठीक है गाइस, आ गया याद। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा है इंडिया में, सबसे कम कौन सा है, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ सकता है,
शायद अभी आया भी है नहीं आया कुछ पता नहीं मेरे को, ठीक है ना, आ सकता है वैसे यहाँ से कुछ, ठीक है। अब चलते हैं अपनी वाली सॉइल पर, अपनी वाली मतलब जो पुराना वाला मेथड है जो हमने अपने खुद ने निकाली है, रेड ब्लैक, इंडिया में तो ऐसे ही नाम रखेंगे क्योंकि इंडिया होते हैं देसी, है ना, देसी नाम है। देखो तो इंडिया की पहली सॉइल का नाम है एलुवियल सॉइल। क्या है ये? कुछ नहीं है। देखो एलुवियल जो सॉइल होती है वे गंगा, जब गंगा वंगा का जो प्लेन्स है यहाँ पे बनती है, इसके पॉइंट याद रखना बस। क्या? ट्रांसपोर्टेड होती है, मतलब हमने माउंटेन से आ रही है तो ट्रांसपोर्टेड है, ठीक है ना। दूसरा वाइड स्प्रेड होती है, मतलब हर जगह फैली हुई है, बहुत ज़्यादा एरिया है, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड है। दूसरी चीज़, अब खादर क्या होता है, बांगर के मतलब ये वाला जो चीज़ है ये बता दूँ आपको। देखो कुछ नहीं होता, जैसे नदी बह रही है, गाइस बहुत ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट एक ही बार में याद हो जाएगा, खादर बांगर वाला सिस्टम जो है। तो गाइस पहले नदी यहाँ से बहती थी, समझो यहाँ से, अब नदी का पाथ छोटा हो गया, पहले नदी ऐसे बहती थी इस वाले एरिया से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उसने एक्युमुलेशन करा, समझो यहाँ पे ऐसे मिट्टी इकट्ठा हो गई, ये पुरानी वाली मिट्टी, तो जो पुरानी वाली मिट्टी है ना इसको क्या बोलते हैं, बांगर, ओल्ड, इतना तो याद रहेगा। और जो नई आती है ना, नई, इसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। इसको बोलते हैं न्यू। तो जो पुरानी मिट्टी है उसको बांगर बोल दी, जो नई मिट्टी है उसे खादर बोल दिया। इसमें पता नहीं बच्चे क्या क्या करते रहते हैं, इसको इसमें डाउट हो जाता है बच्चों को। जो बांगर है इसके अंदर कंकर्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पत्थर्स को हम लोग कंकर नहीं बोल देते हिंदी में, उन्हीं को ऐसे लिख देते हैं कंकर्स। तो ऐसे आ जाएगा, कंकर्स आर फाउंड इन बांगर सॉइल, ऐसे स्टेटमेंट बना देती है यूपीएससी पागल बनाने के लिए, है ना। बस आगे चलें, आगे चलते हैं गाइस। कभी अगर अच्छे से पढ़ाऊंगा ना ये किस दिन, अभी तो मैं फटाफट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मज़ा आ जाएगा आपको कसम से। ब्लैक सॉइल इतनी डीप डीप नॉलेज है, बट क्या करें अभी टाइम नहीं इतना कुछ भी एक्सप्लेन करने का, फटाफट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होती है, कॉटन होती है, ब्लैक है और वाइट चीज़ दे रही है, कॉटन दे रही है, ठीक है ना। और अगर ये आ जाता है कि ब्लैक क्यों होती है, तो सीधा सीधा याद कर लें, फेरस मैग्नेट, टेटनी फेरस मैग्नेट, देखो ये एन है गाइस, गलती से एक्स लिख दिया, तो टेटनी फेरस मैग्नेट। तो आपको ये सिर्फ वर्ड याद रखना है कि इसकी वजह से सॉइल का रंग काला होता है, बस। ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या? टेटनी फेरस मैग्नेट, ठीक है। अब आता है कि मतलब इसके अंदर क्या होती है, ये ब्लैक क्यों हो जाती है, गाइस ये सेल्फ फ्लोइंग होती है। सेल्फ फ्लोइंग क्यों हो जाती है, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल क्यों बोलते हैं गाइस, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। सेल्फ फ्लोइंग मतलब जो अपने आप बोने वाले सॉइल। क्यों? देखो गाइस होता क्या है कि अगर आपने देखा हो कि कोई फोटो के अंदर क्रैक देखे होंगे ग्राउंड के अंदर, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे ड्रॉट आ रखा है। वो जो एक पिक है, कैसे दिखाऊँ मैं अभी आपको, एक पिक है, दिखाता हूँ, देखो मैं अभी आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो गाइस इसमें कौन सी इमेज खोलूँ मैं, ये वाली खोल देता हूँ आपको, ये दिख रही है वाली, ये चीज़ कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये अब देखो आप, ये जो क्रैक दिख रही है, ये वाली क्रैक। तो क्या चीज़ होती है, जब इसमें क्रैक आ गए समझो, ठीक है ना, तो अब क्या करता है किसान, पूरे इसके अंदर क्या गिर देता है, कॉटन के बीज गिरती है। उसके बाद क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो ये क्रैक फिल हो जाते हैं पानी से। तो अपने आप मतलब आदमी को इसकी खुदाई नहीं करनी पड़ी, है ना, तो अपने आप ही इसके अंदर से कॉटन हो गई। इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग, फ्लोइंग का मतलब होता है खुद ही अपने आप खेती हो गई, समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो समझ गए ना। तो यही आपको बस ये दिखाना था फिगर, चलते हैं अपने मेन पेज पे। तो गाइस आपने मिरर देखा ना, वो देखी ना इमेज, देखी इमेज के अंदर क्या था, उसके अंदर बीज गिर दिए, वहीं से ही वो हो गई खेती, है ना, आगे ना समझ में। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसको सेल्फ फ्लोइंग सॉइल बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए सेल्फ फ्लोइंग सॉइल कौन सी है, तो ब्लैक सॉइल है, बच्चे गलत करके आएंगे, है ना, सब एलुवियल मार के आएंगे कि वो ही हो जाती होगी। यार थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल एक बार इमेज माइंड के अंदर बैठाओगे ना तो सब याद हो जाएगा। इसके जाती है रेड सॉइल, ये कौन सी सॉइल है बताओ, इसका नाम रेड क्यों है, इसके अंदर रेड क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मैंने रॉक्स आपको बताई नहीं है, है ना, रॉक्स मैंने पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब टाइम कम बच रहा है, याद कर लो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, वरना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता तो। कोई बात नहीं, ये एक तो क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, देखा हो अपने राजस्थान साइड में, रेड सॉइल जो होती है थोड़ी सी इसमें ग्रेनाइट होता है, ग्नीस होता है, मतलब क्रिस्टल नेचर की होती है ना, क्रॉस ग्रेन्स, मतलब इसके अंदर मोटे मोटे से पत्थर पाए जाते हैं,
क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप, बस इतना याद रखो, इसके बारे में कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब आता है लेटराइट सॉइल, ये क्या है? कुछ नहीं है, ये ईंट, देखिए ईंट, ब्रिक बोलते हैं जिसको, लाल से बनाता हूँ, इमेज बनती है ना, देखो कोई भी आपने ईंट देखी होगी, घर बनते हैं यार ईंटों से, है ना, ईंट ब्रिक, तो वो इस वाली सॉइल की बनी होती है। ये क्या चीज़ होती है, ये ऐसे क्यों बन जाता है, इतनी इतना हार्ड पत्थर कैसे बन जाता है बताओ, ये सॉइल ही तो है, ब्रिक जो ब्रिक है ये सॉइल से ही तो बनी है, लेटराइट सॉइल से, ये कैसे बनेगा? देखो समझो ये पहाड़ है कोई, मैं एक साइड बना रहा हूँ एक साइड नहीं बना रहा, ठीक है ना, पहाड़ है, यहाँ पे बादल हो गए, कलरफुल बनाऊँ, लेकिन वो ये ना टाइम कम है, ये हो गए बादल हो गए, बारिश हो रही है बारिश हो रही है, और अब क्या हुआ, जब बारिश हुई तो सॉइल के अंदर आयरन होता है, आयरन को Fe लिखते हैं और एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, इतना तो पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं बता रहा हूँ, Fe का मतलब आयरन होता है, Al का मतलब एल्यूमिनियम होता है, तो क्या चीज़ होती है, लीचिंग हो जाती है, लीचिंग का मतलब ये अंदर घुस जाते हैं, यहीं पर ही इकट्ठा हो जाएंगे, पत्थर सा बन जाएगा, इसको बोलते हैं लीचिंग, लीचिंग लीचिंग का मतलब होता है जो मिनरल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं पानी की वजह से, है ना, लीचिंग, और सब बह जाएगा, मिट्टी बह जाएगी, तो आयरन और एल्यूमिनियम टाइट हो जाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगी, ईंट बन जाएगी, ब्रिक। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, लेटरल मतलब लेटराइट सॉइल के अंदर लीचिंग प्रोसेस होता है, उससे क्या बन जाती है हमारी, ब्रिक। गाइज अगर समझ में आ गया ना ये लो कॉन्सेप्ट, तो मज़ा आ रहे होंगे आपको, कसम से मज़ा आ रहा होगा, है ना, आ रहा है, आगे चलें, ठीक है। ये लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया, अपलोडिंग करने में ना ऐसी तैसी हो जाती है। अब आ जाता है एराइड, एराइड सॉइल, एराइड सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो डेजर्ट सॉइल, मतलब याद रखो वो रेगिस्तान वाली डेजर्ट सॉइल, ठीक है। ये क्या होती है, एवोपरेशन हो जाता है, एवोपरेशन हो जाएगा तो सॉल्ट, सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट क्या बन जाएगा, सरफेस पे आएगा, कम ऑन सरफेस, सरफेस पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंकर बन जाएंगे, कंकर्स, नया सुन, मैं दोबारा से बताता हूँ, ये हो गया आपकी रेत, मतलब वो थी, तो क्या हुआ, एवोपरेशन हो गया, सारा पानी उड़ गया, तो क्या होता है, पानी के साथ साथ ना नीचे से मिनरल्स भी आ जाते हैं। इमेज कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे, देखो बना देता हूँ मैं, ये आपकी हो गई मिट्टी, ये लेयर बना दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, एवोपरेशन हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है, तो अब क्या हुआ, नीचे नीचे यहाँ पे वो होते हैं क्या, मिनरल्स वगैरह, तो जो एवोपरेशन के साथ ये भी ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये क्या बन जाते हैं, कंकर्स बन जाते हैं। आगे सुन में इतना तो आ गया, तो ये मैंने लाइन डायग्राम में समझा दिया, अगर समझ में आ गया हो तो। गाइज लगा मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे, मैं एकदम लास्ट टाइम पे एकदम वो दे रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र बोल लो इन्हें, ठीक है ना, पढ़ के जरूर जाना, इन सबको छोड़ना मत कुछ भी, देख भी लोगे ना याद आएगी एग्जाम टाइम पे कि भाई हाँ बंदे ने पढ़ाया तो सही था, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब आएगी मार्शी सॉइल, मार्शी सॉइल क्या होती है, मार्शी का मतलब होता है दलदल, दल दली, दल दली, मतलब जो दलदल टाइप होती है ना सॉइल, वो इसमें क्या क्या होता है, जूट कल्टीवेशन होता है। गाइस जो जो बता रहा हूँ सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा मतलब वो करने की जरूरत नहीं है। जूट कल्टीवेशन होता है, बहुत ही ह्यूमस होता है इसके अंदर, और ह्यूमस होता है इसकी वजह से ये ब्लैक हो जाती है। तो अगर ये बोलेगी कि ये जो सॉइल है मार्सी वाली सॉइल, ये दलदली वाली सॉइल ब्लैक होती है, ब्लैक सॉइल की वजह से, नहीं, क्यों, ह्यूमस की वजह से, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए उन्होंने लिख दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलें, एक लास्ट है सेलाइन, सेलाइन एक सॉइल का टाइप है, लेकिन ये एक मैं इसको प्रॉब्लम मानता हूँ। प्रॉब्लम क्यों है ये, देखो क्योंकि हमने क्या करा, एक ही चीज़ बोते हैं हमेशा खेत के अंदर, मोनो मोनो कल्टीवेशन बोलते हैं, मोनो एग्रीकल्चर बोल लो अब, या मोनो कल्टीवेशन, तो हम क्या करते थे, फर्टिलाइज़र डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के, जैसे खेत है, खेत के अंदर हमने फर्टिलाइज़र डाला 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 डाला, मतलब उसकी फर्टिलिटी क्या कर दी हमने, ज़ीरो कर दी, समझ रहे हो, तो उसको सेलाइन हो जाती है। लेकिन ये सॉइल का टाइप है, लेकिन मैं इसको प्रॉब्लम मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही यार ये, अब कोई इसको सेलाइन को टाइप बता रहे हैं, मतलब इंडिया वाले, सेलाइन कोई टाइप है ही नहीं, मेरे को लगती है प्रॉब्लम है यार, हम लोगों ने ही तो करी है ना सेलाइन, अपने आप तो थी नहीं कोई ऐसी ज़मीन, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो, अगर किसी को एक बार में पढ़ना है ना, तो अभी देखो फटाफट लिख रहा हूँ, एक बार में रिवाइज हो जाएगा। सॉइल, सॉइल देखो, सॉइल हमने कौन कौन से पढ़ ली, हिस्टो सॉइल पढ़ ली, ठीक है, एंटी सॉइल पढ़ ली, इंसेप्टिसॉल पढ़ ली, एंडिसोल, मैं बताना क्या था, ये ऑर्गेनिक वाली थी, ये वाली क्या थी, एक लेयर, ये क्या थी, दो लेयर, ये क्या थी, बहुत सारी लेयर, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये वाली पाई जाती है, ठीक है, और वो सारी सॉइल। फिर हमने पढ़ी एलुवियल सॉइल,
ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइल सॉइल. लेटराइल से क्या बनती हैं? ब्रिक बनती हैं. क्यों? क्योंकि Fe और एल्यूमिनियम पानी के अंदर लीचिंग प्रोसेस हो जाता है, तो वहीं पर ही वो जम के टाइट हो जाती है ना, इतनी हार्ड, तभी तो बनी ना वो ब्रिक. फिर आती है एराइड सॉइल, फिर मैंने मेरी मार्शी सॉइल, फिर सेलाइन सॉइल. ये सब मैंने सब कुछ सॉइल बता दिया. तो मैंने आज बहुत कुछ पढ़ा दिया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है. अब इसको छोटा करने से पहले एक लास्ट टॉपिक और ख़त्म करके जाता हूँ, क्योंकि वीडियो छोड़ना मत. अब आता है क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है? क्रॉपिंग पैटर्न कुछ नहीं है गाइस. देखो, एक होता है खारिफ, एक होता है राबी, एक होता है जैद. मैंने कैसे याद कर रखा है मैं बताता हूँ. देखो, जो खारिफ है ना, इसमें मैं बादल बस याद रखता हूँ. तो बस ये एक ही, बस यही इमेज मेरे माइंड में रहती है, इतनी जितने मैंने आपके सामने बनाई है, बस इतना ही मेरे को भी याद है. अब बोलोगे इसके बाद क्या करना है, देखो उसके आगे ना मैं खुद लिख लेता हूँ, खुद के नोट्स होते हैं ना तो याद रहता है, खुद के नोट्स बनाओ. खारिफ, खारिफ क्या है? पहली चीज़ रेनी, रेनी सीजन, मानसून, इतना तो याद हो गया. राबी, इसके बाद मतलब उसके बाद विंटर आता है इंडिया के अंदर, इस तरीके से याद कर रखे मैंने. उसके बाद आता है समर. ये जैद के ऊपर सूरज बना लो, याद रहेगा, इतना तो याद रहेगा. तो विंटर के अंदर ठंड पड़ गई, ऑब्वियसली बात है. ये कब आता है? जून से अक्टूबर. ये कब आता है? अक्टूबर से मार्च. ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से, मार्च से लेकर जून, क्योंकि अंदाज़ा रहता है कि कब ठंड आएगी, कब बारिश आएगी. अक्टूबर से लेकर मार्च तक ठंड पड़ती है कि नहीं पड़ती, खुद बताओ. और मार्च से लेकर जुलाई तक बिल्कुल एकदम, जब बोर्ड के पेपर ख़त्म हो जाते हैं मार्च में, ट्वेल्थ वाले, तब क्या मतलब गर्मी पड़ती है तपत वाली, है ना. तो वो याद रहता है यार, ये सब रटने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है. अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती हैं वो रटनी पड़ेंगी बस, क्योंकि हम किसान तो हैं नहीं, मतलब वैसे तो हम किसान ही हैं, बट होता है ना कि खेती नहीं करी तो याद कैसे रहेगा, जिसने करी उसको याद रहेगा. कॉटन, वैसे सभी लोग हमारे मेरे ख्याल से किसान से ही जुड़े हुए हैं. राइस, उसके बाद है ज्वार, ओए ज्वार और बाजरा. देखो ये मेरे को मैं कैसे याद रखता हूँ, बाजरा, ज्वार, राइस, ये सब हम लोग ठंडियों में खाते हैं, तो हम लोग बरसात में उसको बो लेते हैं. मेरे को ऐसे ही याद रहता है कि हम इस टाइम ठंडियों में बाजरा की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं. अगर आपको नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा कि ये सब खाते हैं, तो ये जब खाते हैं तब तो बोई नहीं जाएंगे ना, उससे पहले बोई जाएंगी ना, ताकि हम ठंडियों में उसको खा सकें. इस तरीके से ये सब याद रहता है. विंटर में हम क्या चीज़ खाते हैं? गेहूँ, तेल, मतलब वो सनफ्लावर का जो वो होती है, और ग्राम. तो ये सब हम यहाँ इसमें खाते हैं. और जो हम बारिश के टाइम पे खाते हैं, मूंगफली खाते हैं बारिश के टाइम पे, ग्राउंडनट्स, वाटरमेलन और पम्पकिन. तो ये सब हम यहाँ इसके टाइम पे खाते हैं. कहाँ पे? इस टाइम पे खाते हैं. मतलब हम लोग इतने चालू हैं कि एक सीज़न पहले ही बो देते हैं उसको, ताकि हम जब वो वाला सीज़न है तो वो चीज खा सकें. समझ रहे हो ना बात को? मतलब थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो? लेकिन आजकल तो ऐसा है, इतनी मतलब एग्रीकल्चर के अंदर वो हो गया है कि कुछ भी कभी भी बोलो तुम, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट बन चुके हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत एडवांस हो चुके हैं. चाहे तो हम वीट गर्मी में के टाइम या बारिश के टाइम बो दें, इतने आजकल है यार ये सब एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारी वो आ गए हैं, ठीक है. तो हमें क्या मेन फंदा है? खारिफ, खारिफ के टाइम बारिश याद रखनी है, जैद के टाइम सूरज याद रखना है, रबी में ठंड पड़ गई. रबी में हम ठंडी के टाइम क्या क्या खाते हैं वो इस साइड लिख दो. बाजरा, राइस, रोटी, मतलब ये ज्वार, कॉटन, और जो इस टाइम खाते हैं वो इस टाइम, और ग्राउंड नट कब खाते हैं? मूंगफली, मतलब खाते तो अभी भी, लेकिन बरसात के टाइम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं ना, उस टाइप से थोड़ा सा रिलेट कर लें, और ये याद हो गया. तो गाइस, मैंने बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करी और बहुत कुछ पढ़ा भी दिया है. थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाना.